होंगे। हमारा नावल है दरिंदे की मोहब्बत बाय अलीना जट। इब्राहिम की आवाज़ नताशा के कानों में पड़ी, उठ गई बाबा। नताशा ने जल्दी से कहा, वजू के लिए उठ गई। नमाज से फारिग होने के बाद उसने अपने कमरे की खिड़की खोली। सामने तहद्दे निगाह खूबसूरत जंगल फैला हुआ था। जंगल से आती ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। परिंदों की चहचहाट और ठंडी हवा में वो ऐसा मगन हुई कि उसको अपनी खिड़की पर सांप रेंगता हुआ नजर नहीं आया। सांप उसके बिल्कुल करीब पहुँच चुका था, लेकिन वो अभी तक बाहर देखने में ही मगन थी। सांप जैसे ही नताशा को डसने लगा तो किसी ने उसे पीछे से आकर गर्दन से दबोच लिया। नताशा ने घबरा कर खिड़की की जानिब देखा तो उसे वहाँ पर काला नाग नजर आया, जो कि अब इब्राहिम ने दबोच रखा था। बाबा ये कहाँ से आया? नताशा ने इब्राहिम की तरफ देखा। इब्राहिम ने खुफ की बड़ी निगाहों से नताशा को देखा और कहा कि जब आप जंगल को देखने में मगन थी। सॉरी बाबा, सुबह सुबह जंगल का मंजर बहुत ही सीन लग रहा था तो मैं इसमें खो गई। चलो कोई बात नहीं बेटा, आइंदा ध्यान रखना, ये बहुत ही जहरीला सांप था। खैर छोड़ो, आप जाकर नाश्ता करो, मैं इसको बाहर जंगल में छोड़कर आता हूँ। हाँ बाबा प्लीज़ इसको मारिएगा मत, इसने मुझे काटा तो नहीं? नताशा ने अपनी फितरत से मजबूर होकर कहा, क्योंकि उसको जानवरों से बहुत प्यार था। हाँ चलो बेटा आप जाओ, मैं आता हूँ, इब्राहिम ने नताशा की तरफ देखकर प्यार से कहा। नताशा के जाने के बाद इब्राहिम ने सांप को खींचकर बीच में से दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। जो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसके ऐसे ही टुकड़े काट दूंगा। इब्राहिम की आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। इब्राहिम एक बिजनेसमैन था, उसका दुनिया में कोई नहीं था। उसके माँ बाप और बीवी की एक हादसे में मौत हो गई। वो शुरू से ही मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ अजीब खेल खेले। इतने अमीर होने के बावजूद भी उसे सुकून मैसर नहीं था। माँ बाप और बीवी के जाने के बाद इब्राहिम बहुत अकेला हो गया था, तो उसने नताशा को गोद ले लिया, जो सिर्फ इब्राहिम और उसका ख़ास दोस्त जानता था। नताशा इस बात से ला इलम थी। इब्राहिम ज़्यादातर अपना वक्त जंगल में मौजूद अपने प्यारे से लकड़ी के घर में गुजारता था। अब भी वो शहर से जंगल नताशा के साथ अपनी ट्री हाउस में आया था। आज उनका आखिरी दिन था, कल उन्हें वापस शहर जाना था। जब इब्राहिम नाश्ते की टेबल पर आया तो नताशा अपने बाप का इंतज़ार कर रही थी। अरे बेटा आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया, इब्राहिम ने प्यार से नताशा को कहा। नहीं बाबा, आपका इंतज़ार कर रही थी, आप छोड़ आए शाम को जंगल में। हाँ बेटा छोड़ आया, जहाँ उसको होना चाहिए था वहाँ पर, इब्राहिम ने कहा। बाबा मैंने आपसे एक बात करनी है, नताशा ने डरते डरते कहा। हाँ जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं बाबा, प्लीज़ मान जाए, मेरा ख्वाब है कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। ठीक है नताशा, मैं हार गया, तुम जीत गई। कल ही शहर जाकर तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवा दूँगा। थैंक यू बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। अच्छा आप मक्खन ना लगाओ, जाओ कमरे में आराम करो। नताशा चली गई। नताशा ने मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इब्राहिम नताशा को कॉलेज पढ़ाने के हक में नहीं था। वजह यह नहीं थी कि वो अपनी पुरानी सोच रखता था या कोई दक्कन उसे सोच का हामिल था। उसे नताशा की मासूमियत और खूबसूरती से डर लगता था। नताशा 19 साल की थी, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत थी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत के ऊपर नीली कांच सी आँखें और हंसते हुए गालों पर डिम्पल देखने वाले को मबहूत कर देते थे। नताशा बहुत ही मासूम थी, उसकी सारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसके बाबा थे। वजह यह नहीं थी कि इब्राहिम दुनिया से डरता था, बल्कि वो अपने आप से डरता था कि कहीं वो नताशा की मोहब्बत में किसी को नुकसान ना पहुंचा बैठे। बाहर तो उसने नताशा को गोद लिया था, लेकिन वो उसके सगे बाप से ज़्यादा प्यार करता था। दोपहर के 2 बजे नताशा और इब्राहिम शहर के लिए गाड़ी में निकल चुके थे। 1 घंटे की मुसाफत के बाद जब वो इब्राहिम अपने महल नुमा घर में दाखिल हुआ तो सामने ही उसका खास दोस्त खावर लाउंज सोफे पर बैठा हुआ था। जब इब्राहिम अंदर दाखिल हुआ, खावर ने इब्राहिम की तरफ अफसोस से देखा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, खावर, नताशा ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? जी अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नताशा बेटा आप सफ़र से थक गई होगी, जाकर कमरे में आराम करो, इब्राहिम ने नताशा को कहा। जी पापा मैं काफ़ी थक गई। नताशा अपने कमरे में चली गई। इब्राहिम खावर के पास सोफे पर बैठ गया। आखिर कब तक खुद को ऐसी अजियत देते रहोगे? इब्राहिम खावर ने इब्राहिम की तरफ देखकर कहा। तुम सब कुछ जानते हुए भी ये बात मुझे बोल रही हो? मैं जानता हूँ तुम्हारी अजियत, लेकिन तुम्हें इन सबसे निकलना होगा। प्लीज़ खावर कोई और बात करो, मेरा फ़िलहाल इस टॉपिक पर बात करने का मूड नहीं है। मैं कल नताशा को कॉलेज में एडमिशन करवाने लेके जा रहा हूँ। क्या सच में? खावर ने खुशी से कहा। हाँ, इब्राहिम ने कहा, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था कि उसको ऐसे कैद करने से कुछ नहीं होगा। वो बच्ची आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएगी, जैसे जैसे दुनिया के माहौल को देखेगी। खावर मैं दुनिया से ज़्यादा खुद से डरता हूँ, मुझे ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होगा कि नताशा को कोई तकलीफ पहुँचाए। कुछ नहीं होगा, अच्छा सोचो, खावर ने कहा। अगले दिन नताशा को इब्राहिम कॉलेज में एडमिशन करवाने ले गया। कॉलेज का माहौल उनको इतना खास पसंद नहीं आया, हर जगह लड़का लड़की हाथों में हाथ लेकर घूम रहे थे। खैर नताशा की जिद के आगे से हार मानना ही पड़ी।
कॉलेज का प्रिंसिपल इब्राहिम को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि इब्राहिम एक जाना माना बिजनेस टाइकून था। वो इब्राहिम के आगे 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 बीच बीच जा रहा था, लेकिन इब्राहिम संजीदा चेहरे के साथ कुर्सी पर बैठ गया। इब्राहिम के चेहरे पर एक ऐसी क्रिख्तगी और आंखों में सर्द तासुर होता था कि देखने वालों की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ जाती। ऐसा ही कुछ हाल प्रिंसिपल का हुआ था। मेरी बेटी को यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल तुम रखोगे, वरना तुम मुझे जानते नहीं, समझे? जी जी आप परेशान ना हो, प्रिंसिपल ने हकलाते हुए कहा। इब्राहिम ने पूरा सरार से मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं परेशान नहीं होता, अलबत्ता परेशान ज़रूर कर देता हूँ, चलता हूँ, इब्राहिम आंखों में आंखें डालकर कहता चला गया। ऑफिस से बाहर आकर उसने नताशा को ये खुशखबरी दी कि आपका एडमिशन हो गया है। नताशा बहुत खुश हुई और खुशी से बाप को गले लगा लिया। नताशा, इब्राहिम घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, रास्ते में पेट्रोल पम्प नहीं मिला, लेकिन आगे जाके एक छोटा सा होटल मिल गया। इब्राहिम गाड़ी से उतरा, नताशा को कहा, आप मेरा इंतज़ार करें, मैं पेट्रोल का पता करके आता हूँ। ठीक है बाबा, जल्दी आइएगा। इब्राहिम होटल के अंदर चला गया। मोबाइल नताशा मोबाइल में गेम खेल रही थी। गाड़ी का शीशा नीचे था। अचानक एक साइड से बाइक पर दो लड़के आ रहे थे। हुलिये से बदमाश और ओबाश मालूम होते थे। उनकी निगाह अचानक गाड़ी में नताशा की तरफ पड़ी और वह सीटी बजाते गाड़ी के गिर चक्कर लगाने लगे। नताशा ये सब देख कर खौफजदा हो गई। पीछे बैठे लड़के ने गाड़ी के शीशे में से नताशा के कंधे को छुआ और दूसरे ने आँख मारी। इतने में इब्राहिम पेट्रोल लेकर होटल से बाहर आ रहा था और दोनों लड़कों की यह हरकत देख चुका था। वो बिजली की तेज़ी से गाड़ी की तरफ आया। लड़के उसको आता देखकर फरार हो गए। इब्राहिम जल्दी से गाड़ी में बैठा, उसकी आंखों में खून सवार था। नताशा बहुत डरी हुई थी और रो रही थी। कुछ नहीं हुआ बेटा, चुप कर जाओ, मेरा बेटा बहुत बहादुर है, बाबा, नताशा ने रोते हुए कहा। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। नताशा बहुत डरी हुई थी। इब्राहिम ने जोर से स्टेरिंग को पकड़ते हुए गुस्से को कंट्रोल किया। ना मेरे बच्चे, रो मत, आपके बाबा है ना, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबा वो फिर आ गए तो? नताशा ने कहा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, इब्राहिम ने पूरा असरार मुस्कुराहट के साथ कहा। दो रोज़ बाद पुलिस को जंगल के पास से दो लड़कों की लाशें मिली, जिनको बहुत बेदर्दी के साथ चीर फाड़ कर दिया गया था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि एक बाजू काटकर दूर फेंक दिया गया था, दूसरे की एक आंख निकाल कर बाजू कटे लड़के के मुंह पर लगा दी थी और पास किसी बहुत बड़े जानवर के पंजों के निशान नजर आ रहे थे। पुलिस को ये किसी जानवर या शेर का हमला लग रहा था, लेकिन टीवी देखते खावर को झटका सा लगा। इब्राहिम स्टडी रूम में बैठा फाइल्स साइन कर रहा था। इब्राहिम के मोबाइल पर खावर की कॉल आ रही थी। हेलो इब्राहिम, टीवी देखा खावर ने इब्राहिम से पूछा। इब्राहिम के माथे पे बल आ गए। तुम्हें मैं इतना फ्री नज़र आता हूँ, जो ऑफिस का काम छोड़कर ऐसी फजूलियात देखूँगा, बात घुमाने की कोशिश मत करो, खावर ने इब्राहिम से कहा। कौन सी बात, इब्राहिम ने जिद छोड़कर कहा। पुलिस को जंगल से दो लाशें मिली हैं, उनको किसी जानवर ने मारा है, पुलिस शेर का हमला समझ रही है। यहाँ तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मेरे कौन से रिश्तेदार थे, इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। इब्राहिम, ना तो मैं बच्चा हूँ ना पागल, जो शेर के हमले और दरिंदे के हमले को ना पहचानो, ये तुम अच्छे से जानते हो। बाबा, नताशा दरवाज़ा खोल के आई। खावर, मैं बाद में बात करता हूँ, नताशा आ गई। खावर ने बंद मोबाइल की तरफ देखकर गहरी सांस ली। जी बाबा की जान, इब्राहिम ने प्यार से नताशा की तरफ देखकर कहा। बाबा आप क्या कर रहे थे, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बेटा, बस कुछ फाइल साइन कर रहा था जो हो गई हैं। बाबा कल मेरा कॉलेज में पहला दिन है तो मुझे बहुत डर लग रहा है, नताशा उस दिन वाले वाक्य से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। बाबा की जान, कुछ नहीं होगा, परेशान होने वाली बात नहीं, आपके बाबा हैं ना, और ऐसा रहा तो आप कभी भी बहादुर नहीं बन पाओगी। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपका बहादुर बच्चा बन के दिखाऊंगी, नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन नताशा तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर आई, जहां इब्राहिम पहले ही मौजूद था। आ गया मेरा बच्चा, चलो जल्दी से नाश्ता करो, ड्राइवर आपको कॉलेज छोड़ के आता है, एंड बेस्ट ऑफ लक। नताशा अंदर से अभी भी डरी हुई थी, लेकिन वो शो नहीं करवा रही थी। उसने जल्दी से नाश्ता ख़त्म किया। नताशा जाकर गाड़ी में बैठकर दिल को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बात से अनजान के आज पहले दिन ही उसे फिर से एक झटका लगने वाला था। इब्राहिम नाश्ता करके फारिग हुआ तो वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। इतने में मुलाजिम पैगाम लेकर आया कि खावर साहब आपसे मिलने आए हैं। इब्राहिम के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कुराहट चमकी। तुम जाकर उनको बिठाओ, मैं अभी आता हूँ, इब्राहिम ने मुलाजिम को कहा। इब्राहिम लाउंज में आया तो खावर सामने मोबाइल के साथ लगा हुआ था। आज तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं, जहे नसीब, इब्राहिम ने हंसते हुए खावर की तरफ देखा। अपनी बकवास बंद रखो, खावर ने नाराज़गी के साथ कहा। क्या हुआ, बाबी से जूते तो नहीं खा कर आए जो इतना बिरका हुआ है? तुम अच्छे से जानते हो इब्राहिम के मैं क्यों नाराज़ हूँ, तुमने उन दोनों लड़कों को क्यों मारा, पूछ सकता हूँ? इब्राहिम की आंखों में खून उतर आया। उसने गुर्राह के कहा, जो भी मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखेगा मैं उसका यही हाल कर दूंगा। हुआ क्या था, खावर पूछने लगा तो इब्राहिम ने उसको सारी बात बताई। तो तुमने इतनी सी बात पर उनको मार दिया, वो भी इतने बुरे तरीके से, खावर ने छिड़का।
इस बात पर इब्राहिम का दिमाग घूम गया। उसने पास पड़े शीशे के टेबल पर हाथ मारा, जो छनाके से टूट चिकनाचूर हो गया। ये तुम इतनी सी बात नज़र आती है? अच्छा काम डाउन, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। खावर इब्राहिम के गुस्से को अच्छी तरह जानता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इब्राहिम जो आज से 22 साल पहले हो चुका है वो दोबारा किसी और के साथ हो। इब्राहिम ऐसे से मुझे उसके लिए ज़िंदा होना लाजमी होता है। तुम भूल गए हो वो रात? खावर ने इब्राहिम से कहा। तुम्हें लगता है मैं कभी वो रात भूल सकता हूँ? इब्राहिम ने दुख के साथ कहा। दूसरी तरफ जब नताशा ने कॉलेज में कदम रखा था उसका सारा एतमाद और अनछू हो गया, क्योंकि कॉलेज का पहला दिन था तो बहुत ज़्यादा बच्चे थे। जगह जगह लड़का लड़की बैठे पता नहीं कौन से राजो न्याज करते थे कर रहे थे। सीनियर स्टूडेंट्स रैगिंग में मसरूफ थे। नताशा इन्हें सबसे डर रही थी। उसने डरते डरते कॉलेज के अंदर कदम रखा। वो अपना डिपार्टमेंट ढूंढ रही थी, किसी ने पीछे से उसके कंधे को पकड़ा। पीछे दो लड़कियां और एक लड़का खड़ा था जो कि सीनियर थे। आपको कुछ चाहिए? लड़की ने कहा। नताशा डरते हुए कहा, मुझे अपना डिपार्टमेंट ढूंढना है। बस इतनी सी बात पर परेशान होने वाली कौन सी बात है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। चले मैं आपको आपका डिपार्टमेंट का रास्ता दिखा दूँ, वरना ये शरारती स्टूडेंट्स आपकी रैगिंग करने में देर नहीं लगाएंगे। सबसे एंड वाले फ्लोर में चली जाओ, आपको आपका डिपार्टमेंट मिल जाएगा। लड़की ने मुस्कुराते हुए नताशा के से कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लड़की नताशा ने लड़की के साथ हाथ मिलाया और चली गई। पीछे से दोनों लड़कियां लड़के हाथ में हाथ मार के हंस पड़े। कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना दिया हमने इसको, इस बात से अनजान कि अब उनके साथ और नताशा के साथ क्या होने वाला है। नताशा जब लास्ट फ्लोर पर पहुंची तो देखा कि वह सुनसान और खाली है, वहां टूटी हुई कुर्सियां पड़ी हैं और हर क्लासरूम लॉक था। नताशा ये बात समझ के कि उसके साथ रैगिंग हो गई है, वो गुस्से से वापस आने लगी तो उसको एक कुर्सी के पीछे किसी का हाथ नजर आया। वो रुक गई। उसने सोचा यहाँ कोई कैसे हो सकता है, शायद कोई मुश्किल का शिकार हो। वो डरते डरते आगे बढ़ी तो दूर से वो लड़की मालूम हो रही थी। जो ही वो उसके पास पहुँची तो नताशा की चीख निकल गई और वहीं पर बेहोश हो गई। नताशा की चीख निचले फ्लोर पर पहुंच गए तो वहाँ से कुछ स्टूडेंट और टीचर ऊपर वाले फ्लोर पर आए। अब चीखने की बारी उनकी थी, क्योंकि नताशा जिस चीज़ को देखकर चीखी और बेहोश हुई थी वो एक लड़की की बगैर सर की लाश थी। इब्राहिम और खावर घर बैठे माजी की बातें दोहरा रहे थे। इतने में इब्राहिम के मोबाइल में कॉलेज से कॉल आई, जिसको सुनते हुए इब्राहिम गुस्से से पागल हो गया। खावर से कहा, जल्दी से कॉलेज पर हुआ क्या है? गाड़ी में बैठते इब्राहिम से पूछा। इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया और बहुत ही रैश ड्राइविंग करता कॉलेज पहुंचा और सीधा प्रिंसिपल के पास गया और उसका कॉलर पकड़कर जोर से झटका। जाहिल इंसान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बेटी को कुछ ना। इब्राहिम की काली से आंखों में खून उतरा हुआ था। सर आप मेरी बात तो सुने, मैं आपको बताता हूँ। बस सीनियर्स में ऐसे बच्चों ने कुछ शरारत कर दी, नताशा को लास्ट फ्लोर पर भेज दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वहाँ पर किसी लड़की की लाश बगैर के सर पड़ी होगी। सारा कॉलेज खुद खौफजदा है और हम भी, के कैसे हुआ और किसने किया। इब्राहिम और खावर ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी बच्ची कहाँ है? इब्राहिम ने प्रिंसिपल को छोड़ते हुए कहा। सर उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, प्रिंसिपल ने कॉलर ठीक करते हुए कहा। इब्राहिम और खावर प्रिंसिपल के ऑफिस से निकल रहे थे। रास्ते में दो लड़कियां और एक लड़का खड़े थे। ये वही तीनों थे जिन्होंने नताशा को लास्ट फ्लोर पे भेजा था। तीनों सामने खड़े हो गए। इब्राहिम से माफ़ी मांगते हुए कहा, सर हमें माफ़ कर दें, हमें नहीं पता था नताशा आपकी बेटी है। क्या मतलब मेरी बेटी है? किसी और की बेटी होती तो तुम लोग यही करते? इब्राहिम ने गुस्से से कहा। हमारा मतलब वो नहीं था, लड़के ने कहा, हमें ये भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। इब्राहिम खामोश रहा। सर आपने हमें माफ़ तो कर दिया है ना? क्यों, हाँ क्यों नहीं, इब्राहिम ने पूरा असरार मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो खावर ने बखूबी देख ली, जिसे देखते ही खावर अंदर तक जल गया था। दोनों वापस गाड़ी में आकर बैठ गए और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। इब्राहिम तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जो तुम सोच रहे हो, खावर ने इब्राहिम की तरफ देख के कहा। तुमसे किसी ने कुछ पूछा है? फिलहाल अपनी चूंच बंद रखो, मुझे जल्दी से जल्दी नताशा के पास पहुँचना है, इब्राहिम ने गुस्से से कहा। खावर और इब्राहिम अस्पताल पहुंचे तो वहां पर पुलिस को भी देखा। रिसेप्शन से पूछकर नताशा के रूम में गए तो नताशा अभी तक बेहोश पड़ी थी। इब्राहिम ने बाहर आकर डॉक्टर से पूछा कि नताशा अभी तक बेहोश क्यों है। डॉक्टर ने कहा, खतरे की कोई बात नहीं, डर और खौफ की वजह से बेहोश हो गई है, मैंने इंजेक्शन दे दिए हैं, अभी थोड़ी देर तक उसको होश आ जाएगा। इब्राहिम और खावर कॉरिडोर में बैठ के उनके पास से पुलिस गुजरी तो खावर ने कहा, क्या वो लड़की की लाश भी इधर है जो कॉलेज से मिले थी? पुलिस वाले ने कहा, हाँ। खावर ने कहा, क्या मैं उसको देख सकता हूँ? क्यों? पुलिस वाले ने मशकूक नज़रों के साथ खावर की तरफ देखना। उसने कभी लाश जो नहीं देखी, इसलिए उसको इतना तजस्सुस हो रहा है। या तो इसको लाश दिखा दें या फिर इसको लाश बना दें, इब्राहिम ने पीछे से तंग आकर कहा। तुम चुप रहो, खावर ने इब्राहिम को आंखें दिखाते हुए कहा। मैं भी एक डॉक्टर हूँ तो शायद मैं देख के कुछ पता लगा सकूँ कि मौत कैसे और किस टाइम हुई है। चलें, पुलिस वाला उसको साथ ले गया।
इब्राहिम तुम भी मेरे साथ चलो। इब्राहिम ने खड़े होते कहा, लगता है ये भी तो मुझ पर डालने वाला है, इब्राहिम ने आहिस्ता से कहा। खावर उसकी तरफ घूर के देखा। इब्राहिम और खावर पुलिस के साथ मुर्दा खाने की तरफ चले गए। जब पुलिस वाले ने लाश के ऊपर से कपड़ा हटाया तो खावर और इब्राहिम ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि लाश के जिस्म में एक भी खून का कतरा नहीं था। वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी और उसका सर गायब था। वो दोनों चुपचाप बाहर आ गए। इसका मतलब वो वापस आ चुके हैं, इब्राहिम ने खावर की तरफ देख के कहा। क्या मतलब वो वापस आ चुके हैं? हमने तो उन्हें मार दिया था ना। खावर तुम सच में पागल हो या जानबूझकर पागलों वाली हरकतें करते हो? क्या मतलब अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया? खावर ने इब्राहिम से कहा, हमने सिर्फ उनको मारा था जो इस शहर में अपना शिकार कर रहे थे। बाकियों के बारे में हम नहीं जानते। अगर ये यहाँ पर थे तो और कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है उनकी नस्लें या औलादें हों, क्योंकि शिकार का तरीका वैसा ही है। हमें जल्दी से जल्दी ये सब रोकना पड़ेगा, वरना ये लोग ऐसे ही लोगों को मारते रहेंगे। इब्राहिम ने खावर से कहा, सर आपकी बेटी को होश आ गया है। नर्स ने इब्राहिम को बाहर आकर इतला दी। मेरी बेटी, इब्राहिम भागते हुए रूम की जानिब गया। नताशा इब्राहिम को देखकर जारों के तार रोना शुरू हो गई। बस बस बाबा की जान, रोते नहीं, तुम तो मेरी स्ट्रांग बेटी हो। नताशा बहुत बुरी तरह कांप रही थी। बाबा वो कौन थी? उसके साथ ये सब किसने किया? कुछ नहीं हुआ बेटा, आप ज़्यादा मत सोचो। बाबा मुझे सीनियर्स ने रैगिंग के जरिए ऊपर भेजा था। बाबा मुझे कॉलेज नहीं जाना, सब बहुत बुरे हैं। ठीक है बेटा, फिलहाल आप चुप करो, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। बाबा आप इन लोगों से ज़रूर पूछना कि मुझे ऊपर क्यों भेजा। बेटा परेशान हो मत, हो बहुत ही अच्छे तरीके से पूछूंगा। इब्राहिम की सियाह आंखों में कुछ चमका। बाबा मुझे घर जाना, मुझे यहाँ डर लग रहा है। चलो बेटा, मैं डॉक्टर से आपकी मेडिसिन और डाइट का पूछ कर आता हूँ। इब्राहिम और खावर नताशा को घर वापस ले आए। नताशा को कमरे में पहुंचाकर इब्राहिम ने उसके लिए सूप मंगवाया। बेटा जल्दी से ख़त्म करो। नताशा की नीली आंखों में आंसू आ गए। बाबा आप बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे कभी भी अकेला मत छोड़िएगा। इब्राहिम के दिल को कुछ हुआ? कभी भी नहीं बाबा की जान। चलो आप अब जल्दी से सो रहे, मैं इधर ही आपके पास हूँ। नताशा पुरसकून होकर सो गई। इब्राहिम आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया। बाहर खावर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। सो गई नताशा? खावर ने इब्राहिम से पूछा। हाँ, मुलाजिम को चाय का बोलकर इब्राहिम खावर के साथ टेरेस पर आ गया। इब्राहिम के चेहरे पर दुख और संजीदगी थी, जिसे खावर ने अच्छे से महसूस किया। इब्राहिम और खावर माजी में खो गए। 21 साल पहले इब्राहिम अपने माँ बाप का इकलौता चश्मा चराग था। इब्राहिम बहुत खूबसूरत था, उसकी मर्दाना वजाहत पर लड़कियाँ दिल हार जाती थी। वो था ही इतना खूबसूरत, काली सियाह आंखों में बिला की कशिश थी, माथे पर गिरे बाल और दाढ़ी में वो बहुत जचता था। खूबसूरत और अमीर होने के बावजूद इब्राहिम ने ज़रा भी तकब्बुर और गलत हरकत नहीं थी, ना ही उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी थी। इब्राहिम का रिश्ता बचपन में ही उसकी खाला की बेटी सनम से कर दिया गया था। सनम के माँ बाप की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। सनम बचपन से ही इब्राहिम के घर अपनी खाला और खालों के साथ रहती थी। वो वाजबी सी शक्लो सूरत की मालिक थी, लेकिन इब्राहिम उसको बचपन से ही बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन दूसरी जानब सनम को इब्राहिम में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। वो खुद को बहुत खूबसूरत समझती थी, उसमें तकब्बुर टूट टूट कर बड़ा हुआ था। उसको सिर्फ इब्राहिम की दौलत से गर्ज था। इसके बरअक्स इब्राहिम उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। इब्राहिम के वालिद रमीज और उनकी बेगम लुबना भी सनम को बहुत मोहब्बत करते थे। इब्राहिम और सनम की शादी कर दी गई। इब्राहिम सनम को पाकर बहुत खुश था। शुरू शुरू में सनम भी ठीक रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इब्राहिम से तंग आना शुरू हो गई, बदतमीजी करने लग गई। लेकिन इब्राहिम उसका बचपना समझकर दरगुजर कर देता। एक दिन इब्राहिम के वालदैन ने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। उनका इरादा था कि किसी जंगल में जाकर 2 दिन गुजारे जाएं, जंगल की खूबसूरती देखी जाए। उन सब ने इधर कैंपिंग और बारबेक्यू करने का फैसला किया। इब्राहिम को ये बात काफ़ी पसंद आई। वो सनम को बताने के लिए उनके रूम में जाने लगा। अभी वो दरवाजे पर से मैं पहुंचा तो अंदर से आने वाली आवाज़ पर ठटका। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं इतनी जल्दी कैसे तलाक ले लूँ? सनम की आवाज़ गूंजी, वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे शुरू से ही उससे चिढ़ महसूस होती है। मैं तो 1000 बार उसे धतकार चुकी हूँ, पर वो बहुत डीट है। तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्दी उसे तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूँगी। बाहर खड़े इब्राहिम से और सुनने की सकत नहीं थी। वो चुपचाप वापस नीचे आ गया। वो अपने माँ बाप की खुशी ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप तैयार हो गया। गाड़ी में भी वो संजीदा और खामोश था, जिसे सनम ने भी महसूस किया। इब्राहिम तुम इतने चुप चुप क्यों हो? क्या हुआ है? इब्राहिम की माँ ने कहा। कुछ नहीं हुआ मेजान, बस थोड़ी तबीयत नासाज है। इतने में जंगल शुरू हो चुका था। जंगल काफ़ी बड़ा और घना था। सूरज की रोशनी पर मुश्किल पहुंच पा रही थी। वो सब गाड़ी से उतर कोई मुनासिब सी जगह देखकर कैंप लगाना शुरू किया। कैंप और आग वगैरह लगाकर सब फारिग हुए तो इब्राहिम की माँ ने कहा, चलो शाबाश, सब हाथ वगैरह धो लो, मैंने खाना लगा दिया है। सब ने कैंप के अंदर खाना खाया। इब्राहिम बहुत दुख के साथ सनम की तरफ देख रहा था। सनम सबसे अनजान मैसेजेस पर बातें कर रही थी। खाना खाने के बाद वो लोग जंगल की सैर को निकल गए। सनम ने जाने से माजत कर ली, क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड से बातें करनी थी। इब्राहिम उसके
माँ बाप काफ़ी आगे निकल आए थे, पीछे सनम अकेली थी। जंगल में अंधेरा होना शुरू हो गया था। अचानक इब्राहिम की माँ का पाँव ज़मीन पर किसी सख्त चीज़ से टकराया। जब उन्होंने नीचे देखा तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि नीचे ज़मीन पर जा बजा इंसानी खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी। इब्राहिम और रमीज़ भागते हुए आए। क्या वो अम्मी, इब्राहिम ने कहा। इब्राहिम की माँ ने ज़मीन की तरफ इशारा किया। इब्राहिम रमीज़ ने भी इंसानी खोपड़ियाँ देखी, देखकर घबरा गए। मुझे इस जंगल में कोई गड़बड़ लग रही है, लुबना ने रमीज से कहा। चलो घर वापस चलते हैं। हाँ चलो जल्दी कैंप में, सनम अकेली है। सब भागते हुए कैंप की जानिब जाने लगे। कैंप के पास पहुंचकर उन्हें कैंप के अंदर देखा तो सनम कहीं नहीं थी। तीनों बहुत घबरा गए, सनम को आवाज़ें देने लगे। तीनों उसको ढूंढ रहे थे तो अचानक लुबना की नज़र जारियों के पास सनम के दुपट्टे पर पड़ी। वो देखो, लुबना ने ऊँची आवाज़ में कहा। इब्राहिम और रमीज भागते हुए आए, तीनों जारियों की तरफ जल्दी से देखने लगे। लुबना भी साथ चलने लगी। वहाँ पर सनम की लाश बगैर सर के पड़ी थी और सारा जिस्म सफ़ेद पड़ चुका था। लुबना ये देखकर बेहोश हो गई। इब्राहिम को देखकर दुख हुआ लेकिन अफसोस नहीं, क्योंकि वो सनम बेवफा थी। इब्राहिम और उसके वालिद ने लुबना को होश में लाया और जल्दी से निकलने लगे। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। ये कि किसने किया और क्यों, सनम ने किसी का क्या बिगाड़ा था, लुबना ने रोते हुए कहा। जो हो गया सो हो गया, अब हमें निकलना चाहिए। सनम की लाश का क्या होगा, लुबना ने कहा। अम्मी जान, हम इसको गाड़ी में लेकर नहीं जा सकते और कोई खोदने के लिए चीज़ भी नहीं है, हम उसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, इब्राहिम ने संजीदगी से कहा। चलें सब जल्दी चलें, वो गाड़ी में बैठ गए पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इब्राहिम ने नीचे उतरकर गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी की सारी चीज़ें तोड़ दी गई थी। इब्राहिम ने सर पकड़ लिया। क्या हुआ, रमीज़ और लुबना नीचे उतरे। बाबा, किसी ने गाड़ी ख़राब कर दी है, अब हम भी नहीं बचेंगे, लुबना ने रोते हुए कहा। कुछ नहीं होगा मामा, प्लीज़ हौसला करें। अभी वो बातें कर रहे थे तो उनको जारी में किसी की चलने की आवाज़ें। कौन है, इब्राहिम ने ऊंची आवाज़ में कहा। तब सामने से दो आदमी निकले, ऊंचे लंबे कद के मालिक, जो देखने में नॉर्मल लग रहे थे। साहब आप लोग इधर क्या कर रहे हैं, यहाँ बहुत खतरा है। खतरा, कैसा खतरा, रमीज़ ने उनसे पूछा। यहाँ जो भी आता है वापस नहीं जाता, एक ने ऊंची आवाज़ में हंसते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा, इब्राहिम ने गुस्से से कहा। इनको ज़रा मतलब समझाओ, दूसरे ने खबीस मुस्कुराहट के साथ कहा। देखते दोनों काले शैतान बन गए। दोनों के आगे से लंबे लंबे दो दांत निकल आए। लुबना देखकर चीखना शुरू हो गई। इब्राहिम और रमीज़ ने जैसे ही लुबना की तरफ देखा, पहले ने पीछे से रमीज़ की गर्दन खींचकर दर से जुदा कर दी और उसका खून पीने लगा। गर्दन को दूसरे की तरफ उछाला, जिसने देखते ही देखते सारा गोश्त खाकर खून में लदी खोपड़ी फेंक दी। लुबना अपने शोर का ऐसा हाल देखकर ख्वास भागता हो गई। इब्राहिम ने जब अपने बाबा की हालत देखी तो गुस्से से पागल हो गया। बजाय अपनी जान की परवाह किए इस वैम्पायर पर जबट पड़ा। यही उससे गलती हो गई, क्योंकि उसकी माँ का भी वही हाल हुआ जो रमीज़ का हुआ था। जब इब्राहिम ने यह देखा तो वहीं पड़ गया, क्योंकि अब उसके जीने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसके जान से प्यारे माँ बाप उसकी आंखों के सामने मर चुके थे। इब्राहिम अच्छे से जानता था कि वो उन खबीसों का मुकाबला नहीं कर सकता। अभी उसको एम्पायर मारने ही वाला था कि कहीं से दो बहुत बड़े बेरिया आ गए, जिन्होंने आते ही आदमखोर वैम्पायर्स पर हमला कर दिया। एक वैम्पायर जो कि इब्राहिम का झुका हुआ था, उस पर दूसरे बेरिया ने हमला किया, लेकिन वो पीछे हट गया तो अनजाने में बेरिये के दांत इब्राहिम के बाजू में गड़ गए। बेरियों और इन आदमखोरों में काफ़ी लड़ाई हुई, जिसके मुकाबले में वैम्पायर्स काफ़ी ज़ख्मी हो गए। वहाँ से भागे बेरिया इब्राहिम की तरफ देखकर चले गए। इब्राहिम ने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने बड़े और वहशी बेरिये देखे थे। बाजू में दर्द के मारे इब्राहिम की जान निकल गई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। झाड़ियों के पीछे से दो अफराद निकले, इब्राहिम को उठाकर अपने साथ ले गए। नताशा की चीख से इब्राहिम हाल में और भागता हुआ नताशा के कमरे में गया। नताशा नींद में चीख रही थी। खबर ने जल्दी से नताशा को इंजेक्शन लगाया, दोबारा सो गई। दोनों फिर से बाहर आ गए। हमें जल्दी उनको ढूंढ के ख़त्म करना होगा। काली अंधेरी रात, सुनसान और गहरे जंगल में दो बेड़ियों की चिंगारने की आवाज़ दूर दूर तक गई। दोनों बिजली की तेज़ी से जंगल में गायब हो गए। खबर के जाने के बाद इब्राहिम नताशा के कमरे की तरफ गया, ये देखने के लिए कि नताशा आराम से सो रही है। वहाँ से मुतमिन होकर इब्राहिम अपने कमरे में आता और बेड पर लेट जाता है। मैं तुम्हें कितना प्यार करता था सनम, पर तुमने कदर नहीं की। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सनम की बेवफाई के बाद इब्राहिम का औरत जात से मुकम्मल यकीन उठ चुका था। उसने दोबारा शादी नहीं की, ना ही उसे औरत में दिलचस्पी बाकी रहती थी। ये तो नताशा ने उसकी ज़िंदगी में आकर उसको जीना सिखाया। वो सिर्फ नताशा के लिए एंजल था, बाकी जितना बड़ा वो बीस्ट था ये सिर्फ वो जानता था। अगर नताशा को मेरे बारे में पता चल गया तो क्या वो मुझे अपना बाप समझेगी, अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो। ये सोचते इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। ये सोचते इब्राहिम नींद की वादी में घूम। सुबह इब्राहिम नाश्ता
कमरे में गया तो वहाँ पर नताशा मौजूद नहीं थी। इब्राहिम घबरा कर नीचे की तरफ भागा तो नताशा नाश्ते की टेबल पर इब्राहिम का इंतजार कर रही थी। अरे आप उठ गए, चलो कमरे में चलो, वहाँ पर नाश्ता कर लेना, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं, जाकर आराम करें, इब्राहिम ने नताशा से कहा। नहीं बाबा, मैं कॉलेज जाऊंगी। इब्राहिम ने हैरत से नताशा को देखा। बेटा ये कैसी बातें कर रही हो? बाबा मेरी क्लासेस मिस हो जाएंगी, जो होना था सो हुआ, पर कॉलेज में बहुत खतरा है, इब्राहिम नताशा से कहा। कैसा खतरा बाबा? नताशा ने इब्राहिम से पूछा। नहीं मेरा मतलब है, मतलब छोड़ें बाबा, मैं कॉलेज जा रही हूँ और आपने बात की सीनियर स्टूडेंट्स के घर वालों से जो उन्होंने हरकत की थी, और ये तो मैं भूल गया, अच्छा याद करवा दिया। इब्राहिम ने मुस्कुरा कर कहा, चले छोड़ें बाबा, जाने दें। हाँ ठीक है, इब्राहिम दोबारा मुस्कुराया। अच्छा बाबा, अल्लाह हाफिज़ मेरे बच्चे। नताशा के जाने के बाद इब्राहिम ने खावर को कॉल मिलाई। काफ़ी बेल जाने के बाद खावर ने कॉल उठाई। क्या बंग पी कर सो रहे थे? इब्राहिम ने गुस्से से कहा। तुमने क्या सुबह सुबह दिमाग खाने के लिए कॉल की है? एक मिनट इब्राहिम ने खावर से कहा। सबसे पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे पास दिमाग है? इब्राहिम, मैंने सोना है यार, मैं कॉल बंद कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, मजाक कर रहा था। खावर नताशा जिद करके दोबारा कॉलेज चली गई है। हम आज ही जल्दी जंगल के लिए निकलना होगा, मैं नताशा को खतरे में नहीं डाल सकता, कॉलेज में इस टाइम बहुत खतरा है। हाँ ठीक है, आज ही निकलते हैं, खावर ने इब्राहिम से कहा। चल जा, आप मुझे सोने दे, अल्लाह हाफिज़। खावर ने कॉल कर दी। साहब जिनको आपने कहा था उन्हें हम ले आए हैं, इस टाइम वो तय करने में है। इब्राहिम मुस्कुराया, आ रहा हूँ। इब्राहिम चेहरे पर मास्क लगाकर तहखाने में गया। सामने तीन वजूद जंजीरों में बंधे हुए थे, उनकी आंखों पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। इनकी आंखों से कपड़ा हटाओ, जमुर्द खान इब्राहिम का खास मुलाजिम था, वो भी नताशा को बेटियों की तरह समझता था। जमुर्द खान ने उन आंखों से पट्टी हटाई। सामने ही इब्राहिम खड़ा था। छोड़ो हमें, जाने दो, कौन हो तुम लोग, हमें क्यों बांध रखा है? लड़के ने कहा। ये वही तीनों सीनियर स्टूडेंट्स थे। प्लीज़ हमें घर जाने दो, हमारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, लड़की ने रोते हुए कहा। चले जाना इतनी भी क्या जल्दी है? इब्राहिम ने एक डब्बे से तीन बिच्छू निकाले और तीनों के सर पर रख दिए। तीनों चीखना शुरू हो गए। बच्चों ये खास किस्म के बिच्छू हैं, जब तक तुम लोग हिलोगे नहीं तो ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, अगर ज़रा से भी हिले तो ये तुम लोगों को डंग मार देगा, सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हारा जिस्म गल जाएगा, तो लिहाजा चुपचाप खड़े रहो। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे साथ ये सब कर रहे हो? कुछ सजाएँ गलती बताकर नहीं दी जाती, इब्राहिम ये कहता हुआ तहखाने से बाहर आ गया। नताशा कॉलेज में क्लासेस ले रही थी, वो इत्माद के साथ क्लासेस ले रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका ख्वाब अधूरा रहे। दूसरी तरफ खावर इब्राहिम की तरफ आ रहा था। रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक जाम था, वजह यह थी कि वहाँ पर पुलिस की नफरी और भारी एम्बुलेंस थी। खावर ने नीचे उतर कर देखा तो सड़क के किनारे लोग जमा थे। उसने आगे जाकर देखा तो बगैर सर के लाश पड़ी थी। खावर जल्दी से गाड़ी में बैठा और जल्द से जल्द इब्राहिम की तरफ जाने लगा। हमें हर हाल में ये सब रोकना होगा, खावर ने खुद से कहा। इब्राहिम के घर के बाहर गाड़ी रोककर इब्राहिम के पास पहुँचा। इब्राहिम लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। खावर आ गए तुम? इब्राहिम ने कहा। इब्राहिम जल्दी करो, अपना काम पूरा करें। फिर रास्ते में खबीसों ने एक और मासूम को शिकार बनाया। इब्राहिम ने गुस्से से मुट्ठी भेजी। चलो इनसे तो इनकी नस्लों के हिसाब लेने हैं। दोनों गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। खावर तुम्हारा शुक्रिया, इब्राहिम ने खावर से कहा। किस बात का? अगर तुम उस दिन मुझे ना बचाते तो मेरे माँ बाप की मौत का इंतकाम अधूरा रह जाता। हुआ यह था कि जब इब्राहिम को बेरिए ने काटा था और वो वहीं बेहोश हुआ था तो जो दो लोग उसको लेकर गए थे वो खावर और उसका बाप था। इब्राहिम बेहोश पड़ा था। तुम्हें नज़र नहीं आता खावर, तुमने गलती से क्या कर दिया? बाबा माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं चला। खैर अब जो होना था वो हो गया, कारेज ने खावर को कहा और इब्राहिम के ज़ख्म पर मरहम लगाया। थोड़ी देर बाद इब्राहिम होश में आने लगा। उसने खुद को एक लकड़ी के घर में एक कमरे के बिस्तर में खुद को पाया। तुम लोग कौन हो? इब्राहिम ने कहा। और मुझे क्यों बचाया? मेरे माँ बाप को तो इन हवानों ने मार दिया है, मेरा दुनिया में उनके अलावा और कोई नहीं था। मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगा? मैं मरना चाहता हूँ, इब्राहिम ने रोते हुए कहा। कारेज ने कहा, ठीक है तुम मरना चाहते हो मर जाओ, लेकिन तुम्हारे पास दो रास्ते हैं अब भी हैं। या तो तुम मर जाओ या अपने माँ बाप की मौत का बदला ले लो। वो कैसे? इब्राहिम ने हैरान होकर पूछा तो वो शैतान है और मैं इंसान, उनका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? खैर इंसान तो अब तुम भी नहीं रहे, क्या मतलब लग जाएगा पता रात होने तो? इब्राहिम ने नासमझी से खावर की जानिब देखा। तुम्हारा नाम क्या है? कारेज ने पूछा। इब्राहिम और आपका? मेरा नाम कारेज है, ये मेरा बेटा खावर है। लेकिन आप इतने खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हैं? क्या आपको उनसे डर नहीं लगता? ये हमारा इलाका है, वो हमसे डरते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, सब समझ जाओगे, रात होने तो अभी तुम आराम करो और सो जाओ। रात के आखिरी पहर जब चौदहवीं का पूरा चांद निकला तो इब्राहिम तकलीफ के मारे नींद से बेदार हुआ। इस छोटे जैसे घर में ना तो उसे कारेज नजर आया ना ही खावर, उसके पूरी जिस्म में नाकाबले दर्द तकलीफ हो रही थी।
नाकाबले बर्दाश्त तकलीफ़ हो रही थी। खावर चीख कर घर से बाहर निकला। तकलीफ़ की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ गए। इब्राहिम के जिस पर बाल निकल रहे थे वो पागलों की तरह कभी इधर भाग रहा था। देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े बेड़ियों में तब्दील हो गया। पीछे खावर और कारीज ये सब देख रहे थे। पता चला कि अब तुम इंसान नहीं रहे, पीछे से कारीज ने कहा। और देखते ही देखते कारीज और खावर भी बेड़ियों में तब्दील हो गया। पीछे खावर और कारीज ये सब देख रहे थे। पता चला कि अब तुम इंसान नहीं रहे, पीछे से कारीज ने कहा। और देखते ही देखते कारीज और खावर भी बेड़ियों में तब्दील हो गए। कुछ देर बाद इब्राहिम खावर और कारीज के घर के अंदर बैठे हुए थे। ये सब कैसे हुआ इब्राहिम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बताता हूँ, आज से कई हज़ार साल पहले वैम्पायर्स लोगों का खून पीते थे। वो इतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन जब से उनके साथ एक आदम कौर बिल्ला मिले तो वो ज़्यादा शिकार करते गए। हम बेरिया के कबीले में से थे। एक बेरिया 100 साल बाद इंसान का रूप से ले सका। हम उसी कबीले में से हैं। हमारे खानदान पर यह फ़र्ज़ नस्लों से चला आ रहा है। हम इंसानों के खैरख्वाह हैं। वैम्पायर्स और बेरियों की दुश्मनी बहुत पुरानी है। जैसे उनकी बहुत लंबी उम्रें होती हैं, वैसे हमारी भी बहुत ज़्यादा उम्रें होती हैं। मैं 400 साल का हूँ, यह मेरा बेटा खावर 200 साल का है। हमारी भी फैमिली है। ये लोग लोगों में रहते हुए शिकार करते हैं। किसी को पता नहीं चल पाता कि ये शैतान है और इनकी पसंदीदा जगह यह घना जंगल है। ये शहर से लोगों को भटका कर इधर जंगल में लाकर शिकार करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से तुम लोग कुछ चल कर आ गए, इसलिए हमें भी इनको मारने के लिए शहर में रहना पड़ता है। हमारा कबीला अल्लाह को मारने वाला मुस्लिम कबीला है। बेरिया जिसको भी काट लें वो बेरिया बन जाता है। इस दिन खावर की गलती की वजह से तुम्हारे बाजू पर खावर के दांत लग गए, इसलिए तुम आज एक बेरिए हो। तुम बताओ तुम इंतकाम लेना चाहते हैं, क्योंकि तुमने लिखा होगा वो लोग हमारे आने से कैसे जान बचा कर भागे, क्योंकि हमारी ताकत में उनसे कहीं ज़्यादा है। मैं उनके इतने छीतरे करूँगा कि वो याद रखेंगे। तीनों घर के बाहर आ गए। मैं इब्राहिम आज वादा करता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ उनकी नस्लें तबाह कर दूँगा इंशाल्लाह। कारीज और खावर दोनों ने एक जबान होकर कहा। इब्राहिम की आंखों में खून उतर आया। तीनों ने रूप बदला, बेरिया बन गए और ऊँची आवाज़ में चिंगारे। आवाज़ दूर दूर तक पहुंच गई। कार में बैठे इंसान का खून पीते माइकल लरज गया। कार में खून पीते हुए माइकल ने वसीम की तरफ खौफजदा नज़रों से देखा। जितना हमें याद है सिर्फ 2 बेड़ियों को हम जानते हैं जो हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन ये तीसरा कौन है, किधर से आया? वसीम ने खून भरी उंगलियां चाटी। वो लाश के सर से दिमाग निकाल कर खा रहा था। वसीम की कहानी बहुत अजीब थी। वो एक नफसियाती मरीज था। से लगता था कि इंसानी दिमाग खाने से इंसान बहुत ताकतवर हो जाता है, बहुत ज़हीन और चलाक होता है। अपने इसी पागलपन की वजह से उसने अपने घर के सब अफराद को मारकर उनका दिमाग खाया था और अपने घर से भाग निकला। इसे इन सब का नशा लग गया और एक दिन वो किसी सुनसान जगह पर किसी इंसान को मारकर उसका दिमाग खा रहा था कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। ऐसे में कोई आकर उसको पीछे से पकड़ता और उसकी गर्दन पर काटता है। वसीम दर्द के मारे तड़पने लगा और इस इंसान को देखता है जिसने एक पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक इंसान वहाँ शैतान नजर आता है जिसके 2 दांत लंबे और बाहर को निकले होते हैं। वसीम आज पहली बार डरता है। तुम कौन हो? मैं माइकल हूँ, तुम्हें इंसानी सर खाता देख रहा था। मैं एक वैम्पायर हूँ। वो मेरे साथ मिलकर लोगों का शिकार करें, पर मुझे क्यों काटा? मुझे बहुत दर्द हो रही है। ताकि तुम भी एक वैम्पायर बन जाओ। इससे क्या होगा? वसीम ने कहा। इससे तुम में और ज़्यादा ताकतें आ जाएंगी। हम इंसानी से आसानी से मिलकर लोगों का शिकार करेंगे। इसके बाद मैं माइकल और वसीम दोनों इकट्ठे शिकार करना शुरू हो गए। माइकल और वसीम पहले खून पीते, इसके बाद वसीम दिमाग निकाल कर खाने लगता। वो ज़्यादा देर एक इलाके में नहीं रहते थे ताकि लोगों को उनकी असलियत पता ना चल सके। ऐसे ही शिकार करते करते वो लोग बेड़ियों के इलाके में आ गए। दरअसल बहुत अरसे से लोगों का खून पीते पीते माइकल बहुत ताकतवर हो चुका था। उनका ज़्यादातर बसेरा जंगल में कार में होता और वो शहर जाकर लोगों को बहका कर जंगल की तरफ ले आते और इनका शिकार करते। 1-2 दफ़ा शिकार करते उनका सामना बेड़ियों से हुआ, यानी खावर और कारेसक से लड़ाई में दोनों जख्मी होकर भाग निकलते। लेकिन इस बार उन्होंने इब्राहिम को माँ बाप को मारकर अपनी मौत खुद लिखी थी। वसीम और माइकल आदमखोरी के अलावा बहुत आयाश भी थे। उन्होंने काफ़ी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। माइकल को अपना एक वारिस चाहिए था। उसने एक लड़की को इस बात पर राजी कर लिया कि अगर लड़का हुआ तो पैदा होने के बाद उसकी तरबियत करेगी, अगर लड़की हुई तो माइकल उसे मार देगा। लड़के को पैदा करने और उसकी तरबियत करने के एवज़ में तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना मुझे सेकंड में नहीं लगना तुम्हारे जिस्म से खून को ख़त्म करते और दुनिया को दिखाने के लिए आपस में शादी कर ली। लड़की ने खौफजदा होकर माइकल की यह बात मान ली और दूसरी तरफ वसीम को भी अपना वारिस चाहिए था। उसने भी ऐसे ही एक लड़के को डरा कर यह काम करने पर मजबूर किया। मजबूर किया था आपस में शादी कर ली। मुद्दत पूरी होने पर ये दोनों
पर दोनों लड़कियों ने लड़के ही पैदा किए। तब तक वो लोग शिकार करते रहे। उनकी माँ ने उनकी तरबियत अच्छी करना चाहिए, लेकिन थे वो मेहमानों के ही खून। जब बच्चे 5 साल के हुए तो उन्होंने उनको भी खून की लत लगा दी। वो कब के बच्चों को ही माँ को मार देते, लेकिन के बच्चों की खातिर जिंदा रखा। वो दोनों ही इकट्ठे एक घर में रहती थी, दोनों ही इनसे नफरत करती थी। दूसरी जानब इब्राहिम मौके की तलाश में था कि कब वो अपने माँ की मौत का बदला ले, और इसे ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। भेड़िया बन जाने के बाद इब्राहिम खावर और कारेज के साथ रहता था। दिन में कभी कभार शहर अपने घर चक्कर लगा लेता। खावर दुनिया की नज़र में एक बहुत अच्छा डॉक्टर था, जबकि कारेज जंगल में ही रहता। खावर ने भी अपने कबीले में ही शादी रखी थी, जो खावर के साथ शहर में रहती थी। उनका बहुत ही प्यारा बेटा था, जिसका नाम उन्होंने शाह मीर रखा। इब्राहिम और खावर में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। इब्राहिम आगे से ज़्यादा संजीदा और गुस्से वाला हो गया था। मुझे रह कर सनम की बेवफाई और माँ बाप की मौत याद आती थी। एक दिन मौसम बहुत ही ख़राब था, ज़ोरों शोर से हवाएं चल रही थी। इब्राहिम टहलने के लिए आधी रात को जंगल में निकला। इब्राहिम जंगल में काफ़ी आगे निकला, अचानक ज़ोरों शोर से बारिश शुरू हो गई। इब्राहिम वापस पलटने ही लगा था कि उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लग गई। जंगल में इस टाइम वो भी बच्चा कहाँ से आया, इब्राहिम सोचने लगा। उसने आगे जाकर देखा तो एक आदमी नज़र आया, छुपते छुपाते आ रहा था। उसने ज़मीन पर एक नन्ही सी जान को डालकर ये बोलते चला गया, चलो जान छुट्टी, मुझे लड़कियों से नफरत है, मुझे बेटा चाहिए। इब्राहिम गुस्से से ये सब दरख्त के पीछे से देख रहा था। इब्राहिम का दिल किया भी जाकर इस इंसान को चीर फाड़ कर रख दे, लेकिन वह बिला वजह किसी की जान नहीं लेता था। इब्राहिम ने उसके जाने के बाद आगे बढ़कर बच्चे को उठा लिया। अरे ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है, इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। बारिश की वजह से बच्ची सही तरह से सांस नहीं ले पा रही थी। वो इसे घर ले गया क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको जाते हुए दो आंखें देख रही थी, माइकल था। उसने भी इब्राहिम की तरह बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी थी। उसके ईमानी दिमाग में सोच आई थी कि आज एक नन्हे से जान का खून पीऊँगा, लेकिन उसके जाने से पहले इब्राहिम बच्ची को लेकर जा रहा था। माइकल गुस्से से वसीम के पास आया और बताया कि आज पहली दफ़ा किसी छोटे बच्चे का खून पीने का दिल किया, लेकिन कोई आदमी उसे ले गया। बच्ची के दिमाग का सोचकर वसीम के मुंह में पानी आ गया, चलो फिर ढूंढ लेते हैं उसको। दोनों इब्राहिम की तलाश में निकल गए, ये जाने बगैर कि आज वो अपनी मौत की खुद दावा देने जा रहे थे। कराकर इब्राहिम ने खावर और कारेज को बच्ची के बारे में बताया। खावर ने जल्दी से बच्ची को मसनूई सांस दी, जिससे बच्ची की हालत बेहतर हो गई। ये तुम्हें कहाँ से मिली, कारेज ने कहा। इब्राहिम ने सारी कहानी दोनों को बताई। कितनी अफसोस की बात है, खावर ने कहा, बच्चियाँ तो खुदा की रहमत होती हैं, ये लोग कैसे लोग हैं जो हम दरिंदों से भी ज़्यादा बड़े दरिंदे हैं। कारेज ने कहा, जिस घर को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं उस घर में अल्लाह ताला बेटी को पैदा करते हैं। पता नहीं है जाहिल लोग किस किस्म के हैं जो बेटियों को कबूल नहीं करते। अब इस बच्ची का क्या बनेगा। आज से मैं इसका बाप हूँ, इब्राहिम ने कहा। मैं इसको जान से ज़्यादा मोहब्बत करूँगा, जितना इसका बाप सोच भी नहीं सकता होगा। ये मेरी प्यारी सी बेटी है, इसका नाम मैं नताशा रखूँगा। इब्राहिम ने नताशा के माथे पर बोसा दिया। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि बाहर उन्हें दस्ते की आवाज़ें में देखता हूँ, इब्राहिम ने कहा। वो नताशा को लेकर बाहर की जान दरवाज़ा खोलने गया तो सामने इन्हें दो खबीसों को देखकर इब्राहिम गुस्से से पागल हो गया। माइकल ने लचाई नज़रों से नताशा की तरफ देखा। इब्राहिम उनकी नीयत को समझ चुका था। माइकल ने नताशा को छीनना चाहा। इब्राहिम ने एक ज़ोरदार मुक्का माइकल के मुंह पर मारा। माइकल दूर जा गिरा। आवाज़ सुनकर खावर और करेज भी बाहर आ गए। ओहो, हमसे बचकर ये चूहा बेरियों के पास छुपा हुआ है, वसीम ने माइकल को कहा। हाँ भाई, इसलिए इतना शेर हो रहा है। इस दिन तो तुम बच्चे बच गए, लेकिन आज तुम नहीं बचोगे। आज तुम्हारा इस बच्ची का हाल तुम्हारे माँ बाप जैसा ही करेंगे। ये कहकर माइकल के दोनों दांत माहिर आ गए। आज ये बेरिया भी नहीं बचेंगे, हर शिकार में हर काम में टांग रहते हैं, वसीम ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, खावर बेरिए के रूप में आ गया और वसीम पर हमला कर दिया। इब्राहिम ने जल्दी से नताशा को कारेज को पकड़ाया। उसको संभालने और उसका ख्याल रखिएगा, मुझे आज पुराने हिसाब चुकाने हैं। और बेरिया बनिया, वसीम और माइकल हैरान रह गए। इब्राहिम माइकल पर टूट पड़ा। एक जानब वसीम और खावर लड़ रहे थे, दूसरी जानब इब्राहिम माइकल पर बारी पड़ रहा था, लेकिन दूसरी जानब खावर को वसीम ने उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। कारेज ने जल्दी से नताशा को घर के अंदर लटाया, दरवाज़ा बंद करके मैदान में उतर आया। वो खावर की जानब गया, वसीम ने साथ देकर खावर को छोड़ा, उसकी जानब चकन्ना हो गया। अब कारेज और वसीम आपस में लड़ रहे थे, बीच में खावर भी आ गया। वसीम को खावर और कारेज ने घेरा हुआ था। वो लोग लड़ते लड़ते पहाड़ की चोटी पर आ गए। इब्राहिम बहुत ज़ख्मी हो गया था, लेकिन उस पर जुनून सवार था। दूसरी जाने वसीम खावर और कारेज दोनों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उसने एक चाल चली, वो बिजली की तेज़ी से गायब हो गया। कारेज को पता लग गया कि नताशा के पास गया है। उसने खावर को इशारे में इब्राहिम की मदद का कहा। वो आंधी तूफान की तरह वसीम के पीछे गया। कारेज घर के पास पहुँचा तो उसे वसीम कहीं नज़र नहीं आया।
वो इंसानी रूप में आ गया नताशा के पास गया। अभी नताशा को उठाने ही लगा था कि पीछे से वसीम ने उसके पेट में खंजर मार दिया। खंजर के पेदर पे वार करता गया, उसका रेज ने वहीं दम तोड़ दिया। मैं नताशा को मारने ही वाला था कि पीछे से खावर बेरिया के रूप में अंदर आया और वसीम की गर्दन को दांतों से काट कर तन से जुदा कर दिया। जमीन पर काले रंग का खून फैल गया। खावर इंसानी रूप में वापस आ गया और कारेज के पास बैठ कर ऊंचा रोना शुरू हो गया। बाबा मुझे इतने आसानी से छोड़कर नहीं जा सकते, खावर दाने मार कर रो रहा था। दूसरी जानब इब्राहिम पर माइकल बारी हो रहा था। ये इब्राहिम की पहली लड़ाई थी, वो इतना जानता भी नहीं था। वैसे तुम्हारे माँ बाप का खून काफ़ी मज़े का था। माइकल ने इब्राहिम को कहा, अब देखो तुम्हारा और इस बच्चे का कैसा होगा। मुझे तो सोच के मुंह में पानी आ रहा है। ये सुनते ही इब्राहिम दुख और गुस्से से पागल हो गया और एक ही जस्ट में माइकल के पेट में पंजे गाड़ दिए, उसके पेट को फाड़ कर रख दिया। माइकल अभी जिंदा था, तकलीफ से तड़प रहा था। इब्राहिम ने उसकी गर्दन काट कर दूर फेंक दी और ज़ोर से चिंगारा। इसके बाद इंसानी रूम में आरम अपने मुँह में माइकल का लगा खून साफ किया। और इब्राहिम ने जब आसपास खावर और करेज को नहीं देखा तो भागता हुआ घर की जानब चला गया। वहाँ जाकर उसने अपने मोहसिन यानी कारेज को मुर्दा हालत में पाया और पास बैठा। खावर झाड़ों कतार रो रहा था, पास ही वसीम की गंदी लाश पड़ी थी। इब्राहिम सब समझ गया। हौसला करो खावर और मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब हुआ। नहीं इब्राहिम ऐसा मत कहो, बाबा की लिखी इतनी थी, माइकल मर गया, हाँ जहन्नम वासिल कर दिया, इब्राहिम ने नफरत से कहा। इब्राहिम ने आगे बढ़कर प्यार से नताशा को गोद में उठाया। मेरी प्यारी सी बच्ची, जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। इब्राहिम और खावर ने कारेज को शहर वाले घर ले गए। वहाँ पर उनके जानने वालों को बताया कि उनका किसी ने कत्ल कर दिया है। वहाँ पर सब बहुत गमजदा थे क्योंकि भले ही कारेज भेड़िया था लेकिन वो बहुत नेक दिल और अच्छा इंसान था। कारेज को दफनाने के बाद खावर और इब्राहिम नताशा को लेकर शहर शिफ्ट हो गए। इब्राहिम ने नताशा को बाप से भी बढ़कर पाला। नताशा को उसकी माँ के बारे में ये बताया कि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। खावर का बेटा जो कि नताशा से 4 साल बड़ा था, दोनों की आपस में बहुत बनती थी। बचपन में वो दोनों बहुत खेलते थे। मैटर करने के बाद शाहमीर को खावर ने बिरोने मुलक भेज दिया। इब्राहिम और खावर माइकल और वसीम के मारने के बाद ये सोच रहे थे कि इंसान आदमखोर हिमानों की कहानी ख़त्म हो गई। इस बात से जान के जब माइकल और वसीम को खावर और इब्राहिम मार रहे थे तो 4 आंखें पत्थर के पीछे से ये सब देख रही थी। इब्राहिम और खावर माइकल और वसीम को मारकर ये सोच रहे थे कि कहानी ख़त्म हुई, लेकिन जब वो लोग उनको मार रहे थे तो पत्थर की ओर से जो 4 आंखें दिशांक रही थी वो वसीम और माइकल के बेटे थे। उनकी उम्र 12 साल थी और बदकिस्मती से वो भी बाप के नक्शे कदम पर चल रहे थे। माइकल और वसीम ने उनके मुँह को भी खून का जायका लगा दिया था। वो और अपने अपने बाप से मिलने जंगल में आए थे लेकिन उनको गार में वो नहीं मिले। उनको ढूंढते वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ उनका आपस में मुकाबला हो रहा था। अपने अपने बाप की लाश देखकर उनके अंदर इंतकाम की आग जलने लगी। वो लोग जंगल सीधा घर गए, अपनी अपनी माँ को उनकी बाप की मौत का बताया, जिससे सुनकर वो दोनों बहुत खुशी हैं और उनके चेहरों से खुशी झलक रही थी। बच्चे बहुत हैरान हुए कि उनके बाप की मौत की खबर सुनकर उनकी माएँ बजाय रोने और दुख करने के बहुत खुश नज़र आ रही हैं। मामा आप खुश क्यों हो रही हैं? क्योंकि इसलिए बेटा तुम्हारे बाप सही नहीं थे, वो एक शैतान थे, लोगों का खून पीकर उन्हें मार देते थे। वो दोनों इस बात से अनजान थी कि वो दोनों भी अपने बाप पर गए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता था कि माइकल और वसीम ने उनको भी खून की लत लगा दी है। पर मामा हमें तो खून पीना है, हमें पीकर मज़ा आता है, वो बहुत मज़े का आता है, उनके दोनों बेटों ने कहा। वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और खौफज़दा हो गए कि ये नए दरिंदे बन जाएंगे और वैसे ही लोगों का शिकार बनाते रहेंगे। नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते, नहीं दोनों ने इकट्ठा कर कमरे में चले गए। कभी कभार वो लोग स्कूल में बच्चों को बहला फुसला कर बाहर लाते, जंगल में जाकर उनका खून पीते। और वसीम का बेटा उसकी तरह दिमाग खाता। मिकाइल के बेटे का नाम डायवर और वसीम के बेटे का नाम ताबिश था। कुछ पल के लिए उन्होंने अपनी सरगर्मियों को रोक दिया था। वो जल्द से जल्द अपने बाप का इंतकाम लेना चाहते थे, इसलिए वो किसी की नज़रों में नहीं आना चाहते थे। डायवर और ताबिश मिकाइल और वसीम से काफ़ी ज़्यादा चलाकर होशियार थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो 25 साल के हो चुके थे। उन्होंने दोबारा से अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। दोनों काफ़ी खूबसूरत थे, काफ़ी लड़कियाँ उन पर मरती थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो ज़्यादातर लड़कियों का ही शिकार करते। दूसरी जानब इब्राहिम और खावर गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ उन्हीं को ढूंढने आ रहे थे। ना तो वो उनको जानते थे और ना कभी देखा था। हम पहुँच गए, इब्राहिम ने ख्यालों में गुम खावर से कहा। दोनों गाड़ी से नीचे तो जंगल की जानी पड़ गए। उन्होंने आसपास देखकर भेड़िए के रूप में आ गए। जंगल में उन्हें ढूंढने गए, उन्होंने उनकी खुशबू कहीं नहीं मिली, यानी वो लोग यहाँ नहीं थे, क्या वहाँ से चले गए थे। दोनों वापस इंसानी रूप में आकर गाड़ी में बैठ गए। अगर यहाँ नहीं है तो वो लोग किधर हैं? खावर ने इब्राहिम से पूछा। इब्राहिम आगे ही तपा हुआ था, कुछ गुस्से से बोला,
मुझे क्या पता किधर है, मुझसे तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो उनके साथ, या मैं मिलकर उन लोगों का शिकार करता रहा हूँ। अच्छा अच्छा गुस्सा क्यों कर रहा है, मैं तो वैसे एक बात की थी, तू हमेशा फजूल ही बात करते हो। हाँ तुम तो जैसे बहुत बड़े साइंसदान हो, मेरा मुँह ना लगो खबर, मुझे आगे ही नताशा की बहुत टेंशन हो रही है, वो कॉलेज जाने के लिए ज़िद करती है और हालात तुम्हें पता है कुछ भी हो सकता है। उसकी टेंशन मत लो, समझो उसकी हिफाजत का इंतज़ाम हो गया। क्या मतलब, कैसे, इब्राहिम ने पूछा। बस तुम मुझ पर छोड़ दो, वक्त आने पर बता दूंगा, खावर ने मुस्कुरा कर कहा। इब्राहिम खावर को अपने घर वापस आया तो नताशा गार्डन में बैठी झूले पर बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रही थी। बाबा आप आ गए, हाँ बेटा चलो आओ मिलकर लंच करते हैं, इब्राहिम ने नताशा को कहा। दोनों ने डट कर खाना खाया। बाबा मैंने आपसे कुछ कहना था, नताशा ने इब्राहिम की तरफ देखकर कहा। जी बेटा कहो, इब्राहिम ने नताशा को प्यार से देखते हुए कहा। बाबा घर में से अजीब आवाज़ें आ रही हैं जैसे कोई चिल्ला रहा हो। इब्राहिम चौंक गया। नहीं बेटा आपका वहम होगा, आप अभी आराम करें, थोड़े दिन पहले आपकी तबीयत ख़राब थी इसीलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। अच्छा शायद मेरा वहम हो, नताशा मुतमईन हो गई तो इब्राहिम की सांस में सांस आई। अच्छा बाबा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इब्राहिम जल्द खाने से फारिग होकर तय खाने की तरफ गया। तीनों वहाँ पर बेहोश पड़े थे, उनको उठाओ, इब्राहिम ने जमूर्द खान से कहा। जमूर्द खान ने उनके ऊपर पानी की बाल्टी फेंकी। तीनों जा गए। इब्राहिम आज मास्क के बगैर था। अंकल आप तीनों यक जबान होकर कहा। मैं लेकिन अंकल हमने क्या किया जो आप हमारे साथ ये सब कर रहे हैं, अभी भी याद करवाना पड़ेगा। इब्राहिम ने गुस्से से तीनों की तरफ देखा। अंकल मैं माफ़ कर दें, आइंदा ध्यान रखना, अगर नताशा को इस बारे में बताया तो तुम तीनों को मैंने अगवा किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आइंदा किसी को गलत रास्ता बताने की गलती मत करना, और कॉलेज जाती तुम तीनों सब कॉलेज के सामने नताशा से माफ़ी मांगोगे। समझ गए या समझाऊँ। नहीं अंकल हम सब, हमें समझ आ गई है, लड़के ने अकलाते हुए कहा। जहाँ जमूर्द खान, उनको उनके घरों तक पहुंचा दो। जी सरकार, जमूर्द खान ने ताबियादारी से कहा। उनको घर भेजकर इब्राहिम अपने कमरे में आ गया, वज़ू करके नमाज अदा की। इब्राहिम चाहे दरिंदा बन गया था लेकिन उसने 5 टाइम की नमाज नहीं छोड़ी थी। इब्राहिम मसल्ले पर बैठकर दुआ मांग रहा था। ऐ अल्लाह मेरी ज़िंदगी आपके सामने ही कितनी मुश्किल और तकलीफ बर्दाश्त की, मैंने मेरी बीवी बेवफा निकली, मेरे माँ बाप इस दुनिया से मुझे तनहा छोड़कर चले गए, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं सिवाय नताशा के। मेरे अल्लाह मुझसे मेरे नताशा कभी दूर मत करना। मैं नहीं जानता कि मेरी असली जानकर नताशा का रद्दअमल क्या होगा, लेकिन अगर उसने मुझे गलत समझा, मुझे छोड़कर चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा, इसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना, आमीन। अगले दिन नताशा कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। नताशा आगे से कहीं ज़्यादा उसे खूबसूरत हो गई थी, उसे मेकअप पसंद नहीं था, वो ज़्यादातर सिंपल रहती थी। आंखों में हल्का सा काजल लगाने के बाद वो तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर आई जहाँ पर इब्राहिम पहले ही बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप, नताशा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह का शुक्र है बाबा, आज से हमारी क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं, सुना है आज नए टीचर भी आएंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, जमकर पढ़ाई करो, इब्राहिम ने प्यार से नताशा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अल्लाह हाफिज़ बाबा, नताशा ने निकलते हुए कहा और जाकर बाहर गाड़ी में बैठ गए। कॉलेज पहुंचकर नताशा अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। आज उसका बायो का पहला लेक्चर था, सब स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठे हुए थे, नताशा भी एक सीट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में एक लड़की नताशा के पास आकर खड़ी हुई और बैठने के लिए पूछने लगी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। नताशा ने सर उठाकर देखा तो एक बहुत ही प्यारी और क्यूट सी लड़की थी। हाँ क्यों नहीं बैठ रहे, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबर्रा है। वालेकुम अस्सलाम मुबर्रा, मेरा नाम नताशा है, एक्चुअली मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं, मैं अभी न्यू एडमिशन हूँ, लड़की ने मासूमियत से कहा। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी। मुबर्रा को नताशा बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई लड़की लगी। सेम हेयर, मेरी भी कोई दोस्त नहीं, मैंने भी न्यू एडमिशन हूँ, नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर ठीक है, आज से हम दोनों फ्रेंड्स, ओके। मुबर्रा ने नताशा के आगे हाथ बढ़ाकर कहा। फ्रेंड्स, नताशा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। इतनी देर में क्लास में सर के आने का शोर मचा। दरवाजे से एक खूबसूरत शख्सियत क्लासरूम में दाखिल हुई। ऊंचा लंबा का चौड़ा सीना, गंदमी सी रंगत पर स्टाइलिश दाढ़ी, मगरूर सी खड़ी नाक, चोरी पेशानी पर डार्क ब्राउन घने बाल और बड़ी बड़ी पुर असरार सी सब्ज आंखें। लड़कियां पहली नज़र में ही दिल हार बैठी। नताशा ने भी सर उठाकर सामने देखा। नताशा को इसकी आंखों से खौफ महसूस हुआ तो घबराकर उसने आंखें नीचे कर ली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका न्यू प्रोफेसर शामिर, मैं आज से आप लोगों को बायो पढ़ाया करूँगा, मुझे उम्मीद है आप सबको मेरे से पढ़कर खुशी होगी, इसने कहा क्लास को था, लेकिन देखा नताशा की जानिब था। शामिर नाम सुनकर नताशा ने जल्दी से दोबारा उसकी जानिब देखा। कहीं ये मेरा बचपन का दोस्त शामिर तो नहीं, नताशा सोचने लगी, क्योंकि जब नताशा ने उसको आखिरी बार देखा तो वो 5 साल की थी जब अंकल खावा ने उसे दूसरे मुल्क भेज दिया। उसे आज भी याद है, वो बहुत ज़्यादा रोई थी क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो वापस आता तो अंकल खावर जरूर बताते। वो
कोई नहीं सोचा मैं मगन थी कि किसी ने इसके आगे चुटकी बिछाई। हेलो मिस, किसके ख्याल में खोई हुई है? सामने शामिर का रहा था, आंखों में एक अजीब सी चमक लिए नताशा की जानब देख रहा था। नताशा को शामिर की आंखों में एक अलग किस्म का जज्बा उभरता नजर आया। नहीं सर, वो बस ऐसे ही, नताशा ने घबराते हुए नगाह नीचे कर ली। अच्छे चले आपसे शुरू करते हैं, खड़ी हों और बताएं अपना तारुफ कराएं। शामिर ने नताशा से कहा, मेरा नाम नताशा इब्राहिम है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, नताशा ने अहतमाद से कहा। अब उसमें खुद अहतमाद भी वापस आ चुकी थी। गुड, शामिर ने नताशा की तरफ देखकर कहा। फिर सब क्लास ने बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन कराया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल से हम पढ़ाई शुरू करेंगे, शामिर ने स्टूडेंट से कहा। क्लास से चला गया लेकिन जाते हुए नताशा की तरफ देखना नहीं भूला। अजीब इंसान है, गुड़ी जा रहा है मुझे कब से, नताशा ने सोचा। क्लास खत्म होने के बाद नताशा और मुबर्रा कॉलेज की कैंटीन में आकर बैठ गई। यार मुझे तो बहुत सख्त भूख लगी है, मुबर्रा ने नताशा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ यार, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, मैं सुबह नाश्ता ज़रा सा करके आई थी। दोनों ने बिरयानी का ऑर्डर दिया। यार नताशा से शाह देखे थे, मुबर्रा ने नताशा से कहा। हाँ मैं कौन सा आंधी हूँ, क्लास में आएंगे तो देखूंगी ही नहीं। यार पागल, वो बात नहीं, तुमने देखा नहीं वो कितने खूबसूरत है, हैंडसम से डैशिंग एंड टॉल, लड़कियाँ तो देखते ही फिदा हो गई। नहीं स्टडी कैसे करेंगे, उनको देखेंगे या पढ़ाई करेंगे, उनकी आंखें देखी थी, काश मेरा कोई ऐसा भाई होता, मुबर्रा ने अफसरदा लहजे में कहा। नताशा को पल में शामिर की अजीब से चमक वाली आंखें याद आ गईं। चलो बस करो, तुम क्या कसीदा पढ़ना शुरू हो गई, नताशा उकता कर बोली। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तो तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? नताशा ने मुबर्रा से कहा। मैं हूँ मामा बाबा, एक छोटी बहन है, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे मामा बाबा को मुझे डॉक्टर बनाने का बहुत शौक है, मुझे भी इनके शौक से बहुत मोहब्बत है, मुबर्रा ने कहा। तुम सुना, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मुबर्रा ने नताशा, मैं हूँ, मेरे प्यारे बाबा हैं, बस मेरी मामा की बचपन ही में डेथ हो गई थी घर में आग लगने से। नताशा ने अफसरदगी से कहा। क्या तुमने इनकी कोई तस्वीर देखी है? लाजमी तुम्हारी तरह होंगी। नहीं, बाबा बता रहे थे कि सारे घर में आग लगी तो सब कुछ ही साथ ही जल गया, इसी वजह से मैंने आज तक अपनी मम्मा की तस्वीर नहीं देखी। आई एम सॉरी नताशा, मुबर्रा ने दुख भरे लहजे में माजरा की। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नताशा ने आंखों में आंसू साफ किए। इतने में बिरयानी आ गई तो दोनों खाने लगी, लेकिन दूर खड़े किसी के सीने पर मुबर्रा के आंसू बोझ डाल रहे थे। कॉलेज से छुट्टी के बाद में नताशा ड्राइवर के साथ सीने पर नताशा के आंसू बोझ डाल रहे थे। कॉलेज से छुट्टी के बाद नताशा ड्राइवर के साथ गाड़ी में वापस आ रही थी। उनके अचानक उनकी गाड़ी एक झटके से रुकी। क्या हुआ अंकल? नताशा ने ड्राइवर से पूछा। बेटा लगता है गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मैं नीचे उतरकर देखता हूँ। ड्राइवर नीचे उतरा तो साथ नताशा भी उतर गई। बेटा आसपास तो कोई भी गाड़ी वाली दुकान नहीं है। नताशा काफ़ी परेशान हो गई, अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि उनके पास सियाह मर्सिडीज आकर रुकी। नताशा ने मुड़कर उस जानब देखा तो मर्सिडीज का दरवाज़ा खुलकर शामिर बाहर आ रहा था। क्या हुआ शामिर ने उनसे उनकी जानब आते हुए पूछा। सर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, नताशा ने शामिर को बताया। अच्छा चले आप ऐसा करें, मेरी गाड़ी में आ जाए। नहीं हम ठीक हैं, हम चले जाएँगे, नताशा ने घबराते हुए कहा। आपको मैंने बहस का नहीं बोला, साथ चलने का बोला है, शामिर ने काबलू चुका कर कहा। जहाँ नताशा की गाड़ी ख़राब हुई वहाँ आसपास जंगल था। चलो यहाँ से जल्दी निकलो, शामिर ने हवा में कुछ महसूस करते हुए ने कहा। अंकल आप जल्दी से गाड़ी के पीछे बैठो, नताशा सोच में पड़ी हुई थी जाए के ना जाए, लेकिन शामिर ने उसका बाजू खींच कर जल्दी से गाड़ी में बिठा कर गाड़ी चला दी। सारे रास्ते गाड़ी में खामोशी रही। गाड़ी जब नताशा के घर के पास आकर रुकी तो इब्राहिम टेरेस में खड़ा था। गाड़ी में से नताशा और ड्राइवर बाहर निकलो को गाड़ी जन से आगे ले गया। इब्राहिम ने सब कुछ देख रहा था, नताशा ड्राइवर किसके साथ आए हैं और गाड़ी किधर है। इब्राहिम ने सोचा, जल्दी से नीचे आने लगा। नताशा ये तुम किसके साथ आ रही हो? ड्राइवर से पूछा। गाड़ी कहाँ है? इब्राहिम घबरा गया। बाबा अंदर तो आने दे, सब बता रही हूँ। नताशा इब्राहिम को अपने साथ अंदर ले गई। बाबा हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, आसपास कोई दुकान भी नहीं थी। मेरे कॉलेज के न्यू सर जो हमें बाया पढ़ाते हैं वो रास्ते में हमें मिल गए। मैंने लाख बार मना किया लेकिन वो नहीं माने, कहने लगे कि सुनसान रास्ता है इसलिए वो हमें गाड़ी में बिठाकर साथ ले आए। मैं तो डर ही गया था, तो आप इन्हें साथ ले आती बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनका शुक्रिया अदा कर देता, इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा वो रुके ही नहीं, मुझे और अंकल को तारा जल्दी से चले गए। बाबा वैसे आपको बताया ना कि मैं हर बात से शेयर करती हूँ, नताशा ने इब्राहिम की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बेटा मुझे पता है, क्यों क्या हुआ? इब्राहिम ने नताशा की जानिब मतवजा होते हुए पूछा। बाबा ये जो सर मुझे छोड़ के गए हैं ना, ये मुझे बहुत अजीब लगे, क्लास में आज ये जब आए तो मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे उनकी आँखों में कुछ था। इब्राहिम नताशा इब्राहिम की तरफ देखकर बता रही थी। ये सुनते इब्राहिम का पारा हाई हो गया, जो उसका शुक्रिया अदा करने का सोच रहा था अब उसका हशनजर करने का सोचने लगा, लेकिन उसने नताशा के सामने खुद को कंट्रोल में रखा। अच्छा बेटा वैसे नाम क्या था इनका और किधर रहते हैं? आपके सर
बाबा रहने का तो पता नहीं, लेकिन उनका नाम शाह मीर है और वह मेरे न्यू प्रोफेसर हैं। इब्राहिम नाम सुनते चौंक गया। क्या नाम बताया इब्राहिम ने सवालिया नजरों से नताशा की तरफ। बाबा शाह मीर, नताशा ने दोबारा कहा। अच्छा आप जाकर फ्रेश हो जाओ, कॉलेज से थकी हारी आई हो। ओके ठीक है बाबा, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। नताशा के जाने के बाद इब्राहिम ने खावर को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम, खावर ने कॉल उठाते हुए कहा। तुमने मुझे बताया नहीं ये उल्लू का पट्ठा वापस कब आया है? कौन उल्लू का पट्ठा, किसकी बात कर रहे हैं? खावर ने इब्राहिम से हंस कर पूछा। बकवास मत करो इब्राहिम ने खावर को डांटते हुए कहा। 3 दिन पहले आया, खावर ने इब्राहिम को बताया। क्यों, तुम्हें कहाँ मिल गया? मुझे नहीं मिला, नताशा को मिला, बता रही थी, उसका न्यू सर है। हाँ हाँ मेरा बेटा है ड्रामेबाज, तुम्हारी तरह ड्रामे कर रहा है, कोई सर नहीं है वहाँ पर, उसने एडमिशन लिया है। नताशा को तंग करने के लिए उसको ये नहीं बताया कि वो वापस आ चुका है, जानबूझकर उसको तंग करने के लिए सर बांधकर उसके सामने खुद को मुतारफ़ करवाया। इस उल्लू के पट्टे का मुंह तोड़ दूंगा अगर मेरी बेटी को दोबारा तंग किया तो। इब्राहिम ने खावर से कहा, तुमने क्या बार बार उल्लू का पट्टा लगाया हुआ है? भूल गए बनना तो उसने तुम्हारा ही दामाद है, खावर ने इब्राहिम को छेड़ते हुए कहा। अबे चल, मैं अपनी बेटी बेड़ियों के खानदान में कभी नहीं दूंगा। ओहो देखो तो ज़रा, बात कौन कर रहा है, ज़रा गिरबान में जानको, तुम भी कोई इंसान नहीं हो, गंदे भेड़िए कहीं के। खावर फुल लड़ने के मूड में आ गया। तो भेड़िया बनाया किसने तुम्हारी गलती की वजह से? भेड़िया अच्छा खासा इंसान था, जानवर बना के रख दिया। इब्राहिम ने कोफत भरे लहजे में कहा। अच्छा तो ये बात है, अगर मैं तुम्हें काटता या ना बचाता तो आज तुम्हें उससे कार पे बात ना कर रहे हो। तो पहले तुम्हारा वो खून पीते, फिर दिमाग खाता जिसमें हद से ज़्यादा भूसा भरा हुआ है। खावर ने इब्राहिम को छेड़ते हुए कहा, तुम तो बहुत बड़े साइंसदान हो, जैसे खुद उल्लू ड्रामेबाज वैसे ही उल्लू का पट्टा पैदा कर। इस नलायक को मेरे पास भेजो और इसे कहो कि ड्रामे बंद करें, नताशा को तंग करना बंद करें, इसको आकर बता दे कि वो वापस आ चुका है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे होने वाले दामाद को खुद साथ लेकर आ रहा हूँ। खावर अभी ऐसा कुछ मत सोचो, मैं नताशा की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करूँगा, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, इब्राहिम ने खावर से कहा। जानता हूँ यार, तुम फिक्र मत करो, खावर ने इब्राहिम को तसल्ली दी। स्टोरी का दूसरी जाने ताबिश और डेविड आदमी ज़्यादातर महसूस कर रहे थे। वो दोनों शिकार पर निकले थे और सड़क पर घूम रहे थे। सामने से उन्हें एक 13 या 14 साल का बच्चा आते हुए नजर आया। वो बच्चा भीख मांग रहा था और उनके पास आके भीख मांगने लगा, भाई कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। दोनों ने शैतानी मुस्कुराहट से एक दूसरे की तरह देखा। इब्राहिम का घर, शाह मीर और खावर इब्राहिम के घर में आई। इब्राहिम ने बड़े गौर से शाह मीर को देखा और उसके कान खींचने लगा। क्यों बदतमीज़ मेरे बच्चे को तंग करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा सॉरी, छोड़ें तो मैं तो मजाक में उसे तंग कर रहा था, शाह मीर हंसने लगा। इब्राहिम को शाह मीर बहुत अच्छा लगा, बचपन की नस्बत वो काफ़ी संजीदा और समझदार लग रहा था। इब्राहिम को शाह मीम बहुत थी, वो खूबसूरत और एट्रैक्टर पर सनेटी का हामिल सा लगा। अंकल नताशा कहाँ है? अंकल नताशा कहाँ है? मैं उसको सरप्राइज देना चाहता हूँ। बेटा वो अपने कमरे में है, इब्राहिम ने शाह मीर को बताया। अंकल मैं जाऊँ नताशा के पास? शाह मीर ने जाने से पहले इब्राहिम से जाए कर गई, हाँ बेटा जाओ, और इब्राहिम ने प्यार बड़े लहजे में कहा। शाह मीर के जाने के बाद इब्राहिम ने खावर से पूछा, और क्या ये भी? हाँ इब्राहिम ये भी, खावर ने इब्राहिम की तरफ देखते हुए कहा। दूसरे जब शाह मीर नताशा के कमरे में गया तो नताशा खिड़की में खड़े और दुपट्टे सूरज का नज़ारा कर रहे, डूबते सूरज नजर उसे पीछे खड़े शाह मीर की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। शाह मीर आहिस्ता से नताशा के पीछे आया और हाओ करके डराया। नताशा जल्दी से पटली तो शाह मीर को अपनी आंखों के सामने देखकर हैरान रह गई। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं नताशा ने गड़बड़ाते हुए कहा। कुछ नहीं, तुम्हें मिलने आया हूँ। दिल क्या तो मिलने आ गया, तुम मेरी दोस्त नहीं? शाह मीर ने नताशा को चीरते हुए कहा। नताशा को गुस्सा आ गया, दफा हो जा मेरे कमरे से अभी के अभी, वरना मैं मेरे बाबा तुम्हारा हश्र काट देंगे। जाओ नहीं जाता, जो करना है कर लो, और टांग पर टांग रखकर कुर्सी पर बैठ गया। शाह मीर ने नताशा की तरफ देख कर कहा। बाबा, नताशा ने चीख कर इब्राहिम को आवाज़ दी। खावर इब्राहिम नताशा के कमरे की जानी भाई, बाबा ये वही आदमी है जो मैंने आपको बताया था कि मेरा सर भी है और अजीब तरीके से घूरता है, और आते हुए रास्ते में उसी के साथ गाड़ी में आए थे। इब्राहिम ने हंसते हुए कहा। नताशा बेटा आपने पहचाना, ये आपका बचपन का दोस्त है मीर है, उसको 3 दिन हो गए हैं और इस पत्नी ने आपको तंग करने के लिए सर का ड्रामा किया था। ये आप ही के कॉलेज में एडमिशन आप
मिशा आपकी क्लास में ले चुका है। नताशा की हालत के मारे यहाँ के बाहर को आ रही थी तो तुमने तुम थे बदतमीज कहीं के। नताशा ने शमीर को मुक्का मारते हुए कहा। सब हंसने लगे। दूसरी जानब डेविड और ताबिश उस भीख मांगने वाले बच्चे से कहा कि आओ हमारे साथ, हमारे पास बहुत ज़्यादा खाना और पैसे हैं, हम तुम्हें देंगे। बेचारा बच्चा भूखा था, खाने और पीने में बच्चा उनके साथ चल पड़ा। वो लोग उसे एक सुनसान जगह पर ले आए। अंकल खाना किधर है? बच्चा भूखे मारे वो बेताब था। वो तो हमारे सामने है। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे को देखा और देखते ही देखते दोनों के लंबे लंबे दांत बाहर को आ गए। वह बच्चे की तरफ बढ़ रहे थे। ड्राइवर और उसको काटने ही वाला था कि कहीं से बिजली की तेज़ी से एक भेड़िया आया जिसने डेविड को हवा में उछाल दिया। वो भेड़िया बहुत बड़ा खतरनाक लग रहा था। डेविड और ताबिश उसको देखकर भाग निकले। उनके पीछे जाने के बजाय भेड़िया इंसानी रूप में आया और बच्चे को साथ लेकर चल पड़ा। बच्चा बहुत डरा हुआ था। उन्हें बच्चों को तसल्ली दी और बच्चों को खाना और बहुत से पैसे देकर वापस उसके घर पहुँचा कर आया। बेटा हालात बहुत ख़राब है, आप दोबारा घर से बाहर मत निकलना। बच्चा जल्दी से अंदर चला गया। कितना मासूम बच्चा था। वो जालिम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगे थे। मैं तुम लोगों के टुकड़े करके रख दूंगा, उसने सोचा। वो जो कोई भी था लेकिन उसकी आंखों में गुस्से से छनकारा निकल रही थी। शमीर और नताशा बचपन के दोस्त। शमीर के थोड़ा बड़ा होते ही खामर ने उसे दूसरे मुल्क उसके चचा के पास भेज दिया था ताकि शमीर को अपनी तरबियत और जिम्मेदारी के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाए। नताशा तब छोटी थी जब शमीर चला गया था। शाम थोड़ा समझदार था। शमीर बचपन ही नताशा को पसंद करता था। शमीर जा रहा था तो नताशा और शमीर दोनों की आंखों में आंसू थे। शमीर बचपन से ही नताशा का बहुत ख्याल रखता था। शमीर के जाने के बाद नताशा खुद को बदकला महसूस करती थी। यह वजह थी कि नताशा थोड़ी डरपोक हो गई थी। अब आगे इब्राहिम और खबर के जाने के बाद नताशा और शमीर टेरेस पर आ गए और सुनाओ कैसी हो, कैसी जा रही है लाइफ? शमीर ने नताशा से पूछा। ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, तुम इतनी देर कहाँ थे? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना मिस किया, नताशा ने शमीर की तरह देखकर कहा। बस यहाँ कुछ जिम्मेदारियाँ थी जिनकी तरबियत हासिल करने के लिए गाता। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ सीख चुका हूँ, इसलिए वापस आ गया तुम्हारे पास हमेशा के लिए और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए, शमीर ने दिल में सोचा। एक बार तो नताशा ने शमीर की तरह देखते हुए कहा। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। ये तुम मुझे उस दिन क्लास में अजीब तरीके से बोल क्यों रहे थे और सर क्यों बनकर आए थे? सर बनोगे वो भी तुम शक्ल देखिए, नताशा ने हंसते हुए शमीर से कहा। शमीर नताशा की हंसी में खो गया। कोई इतना प्यार किसे कैसे हो सकता है? शमीर ने नताशा के गहरे गहरे डिप्पल देखकर सोचा। कहाँ खो गई? नताशा ने शमीर के मुंह के आगे चुटकी बजाई। कुछ ऐसे ही किया था तुमने उस दिन, शमीर ने हंसते हुए कहा। वैसे ही यार तुम्हें सरप्राइज के चक्रों में छे रहा था। वैसे कितने मजे की बात है कि तुम कितना डर गई थी। सर कुछ नहीं, शमीर ने नताशा की नकल उतारते हुए कहा। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगी, शमीर नताशा ने मुक्का दिखाते हुए कहा। अच्छा बाबा सॉरी, आइसक्रीम खाने चले गए, शमीर ने नताशा से पूछा। हाँ ने की और पूछ, नताशा ने झट से कहा। शमीर अच्छी तरह जानता था कि नताशा को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, लेकिन बाबा से ज़्यादा कौन लेगा ना? नताशा ने परेशानी से मुंह बनाया। जनाबे अली बंदा हाजिर है, शमीर ने जाकर एक्टिंग की। दोनों नीचे लॉन्ज में चले गए जहाँ खबर इब्राहिम बैठ कर चाय पी रहे थे। अंकल मैं आइसक्रीम खाने ले जाऊँ? शमीर ने इब्राहिम से पूछा। बेटा इस टाइम रात बहुत हो चुकी है, कहीं कुछ हो गया तो? बाहर के हालात भी ठीक नहीं है अंकल, आपको हालात से डर लग रहा है, ये मुझ पर यकीन नहीं है। जब तक नासा मेरे साथ है वो महफूज है, शमीर की आंखों में वैसे ही चमक उभरी जब इब्राहिम की आंखों में चमकती थी। इब्राहिम ने शमीर की आंखों में देखा और मुस्कान लगा। ठीक है बेटा, जब मुझे तुम पर यकीन है। थैंक यू अंकल, पापा ने नताशा बहुत खुश हुई। नताशा खुश देखकर इब्राहिम मुस्कान लगा। जाओ बेटा फी ईमानुल्लाह। शमीर और नताशा घर से बाहर निकल गए। इनके जाने के बाद खामन ने इब्राहिम को फिर से जनाबे अली बंदा हाजिर है, शमीर ने जाकर एक्टिंग की। दोनों नीचे लॉन्ज में चले गए जहाँ खबर इब्राहिम बैठ कर चाय पी रहे थे। अंकल मैं आइसक्रीम खाने ले जाऊँ? शमीर ने इब्राहिम से पूछा। बेटा इस टाइम रात बहुत हो चुकी है, कहीं कुछ हो गया तो? बाहर के हालात भी ठीक नहीं है अंकल, आपको हालात से डर लग रहा है, ये मुझ पर यकीन नहीं है।
जब तक नासा मेरे साथ था वो महफूजा। शामिर की आंखों में वैसे ही चमक उभरी जब इब्राहिम की आंखों में चमकती थी। इब्राहिम ने शामिर की आंखों में देखा और मुस्कान लगा। ठीक है बेटा, जब मुझे तुम पर यकीन है। थैंक यू अंकल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। नताशा बहुत खुश हुई। ताशा खुश देखकर इब्राहिम मुस्कान लगा। जाओ बेटा फी ईमानुल्लाह। शामिर और नताशा घर से बाहर निकल गए। इनके जाने के बाद खावर ने इब्राहिम को फिर से चिढ़ाया। देख रहे हो तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के साथ कितना खुश है। तुम्हारे बेटे के साथ नहीं, एक भेड़िए के साथ खुश है। यार ये तुमने क्या भेड़े भेड़े लगाया हुआ है, खुद तुम बिल्कुल सेठ हो। अच्छा छोड़ो, तुम्हें एक बात बतानी है। खावर ने इब्राहिम से कहा। क्या तुम्हें पता है? तुम नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, इब्राहिम ने बात काटते हुए कहा। ओहो, बात तो सुन लो, बीच में ही शुरू हो जाते हो। तुम दो मिनट जुबान बंद नहीं कर सकते, इब्राहिम खावर ने गुस्से से कहा। अच्छा बोको, इब्राहिम ने हंसते हुए कहा। अगर आप अपने नावल्स, अफसाना, गालिमा, कोई थेरी किसी भी जुबान में, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, तुर्की, किसी भी जुबान में पब्लिश करवाना चाहते हैं तो इसी जुबान में हमें लिखकर इस नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। आपकी तहरीर जल्द से जल्द पोस्ट की जाएगी। चलो यही था बोल। शामिर पदाशी एक ऐसी खूबसूरत थी कि वो आसपास मौजूदा वम्पायर्स और बुरी ताकतों को महसूस और सुन सकता था, और हम में से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब यह है अगर वो उस पास हो गए तो शामिर उनको सूंघ कर पहचान लेगा। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, खावर इब्राहिम से कहा। घर से निकलने के बाद शामिर और तशा गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम खाने निकल पड़े। मैं अपने फेवरेट आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खाऊंगी, नताशा ने शामिर से कहा। नताशा, अगर तुम बुरा नाम मानो तो तुम्हारा नाम ताशा रख लूँ, शामिर ने नताशा से पूछा। हाँ रख लो, और मैं तुम्हारा नाम सिर्फ मीर रख लूँ। हाँ ठीक है, आज से तुम ताशा और मैं मीर, शामिर ने ताशा की तरह देखते हुए कहा। मीर की ताशा शामिर ने दिल में सोचा। शामिर बचपन से ही नताशा को पसंद करता था। यहाँ से जाने के बाद पसंद कब मोहब्बत में बदल गई ये शामिर को भी पता नहीं चला। और अब वो वापस आया था तो नताशा को बताने से डर रहा था कि कहीं उनकी दोस्ती में कोई दरार ना आ जाए। शामिर और नताशा पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करके आइसक्रीम पार्लर की जानी बढ़ गए। दोनों एक खाली मेज पर जाकर बैठ गए। तुम कौन सा फ्लेवर खाओगी, शामिर ने नताशा से पूछा। तुम इतनी जल्दी भूल गए, नताशा ने दुखी अंदाज में इब्राहिम से कहा। हाँ जानता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, चॉकलेट की दीवानी चॉकलेट फ्लेवर ही खाएगी, शामिर ने हंसते हुए कहा। और तुम वही सरा हुआ फ्लेवर वनीला और स्ट्रॉबेरी खाओगे, ताशा की बात सुनकर शामिर हंस लेगा। आर्ट सर ने उसकी मेज पर आकर कार्ड मांगा। इब्राहिम ने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। हाँ तो जंगली बिल्ली, मैंने सुना तुम डॉक्टर बनना चाहती हो। हाँ मीर, ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है, मैं फ्री अस्पताल बनाकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है ताशा, लेकिन तुम तो इतनी डरपोक हो, और डॉक्टरी वाला शोभा तो बहुत मजबूत दिल गुर्दे के मालिक इंसान का होता है, शामिर ने ताशा की तरफ देख कर कहा। मीर तुम आगे हो ना तो अब मुझे मजबूत और बहादुर बना देना, ताशा ने हंसते हुए कहा। इतने में उनके आइसक्रीम आ गई और दोनों आइसक्रीम खाने लगे। अचानक शामिर के नगा शीशे के दरवाजे के पाड़े गरीब आदमी पर पड़ी तो उसकी मदद करने के लिए शामिर उठ गया। कहाँ जा रहे हो, ताशा ने शामिर को उठते हुए देखकर पूछा। वो सामने देखो, उनकी मदद करने जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। ताशा ने सामने शीशे के पार देखा तो गरीब आदमी को देखकर नताशा के दिल में शामिर के लिए इज्जत बढ़ गई। हाँ जाओ, नताशा ने खुश होकर शामिर के जाने के बाद नताशा आइसक्रीम खाने में मगन हो गई। नताशा के साथ वाले मेज पर चार लड़के बैठे थे। लड़का कब से नताशा को घूर रहा था। ये यार वो देख कितनी खूबसूरत लड़की है, चल उससे दोस्ती करते हैं। लेकिन यार वो पहले ही किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी। वो लड़का उठ कर बाहर गया है, दूसरे लड़के ने कहा। यार वार हो गया, उन लड़कों को क्या है, ये तो पैसों के लिए किसी के भी साथ बैठ जाती हैं।
पहले लड़के ने कहा और उठकर नताशा की मेज पर जाने लगा और नताशा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। इतने में सामने से शमीर अंदर आ रहा था और वही रुक गया। वो देखना चाहता था नताशा क्या रद्द अमल होता है। हेलो बेबी, मेरे साथ दोस्ती करोगी, लड़के ने नताशा से कहा। परंतु नताशा उसको देखकर घबराई, लेकिन फिर उसने एक हाथ से जूती उतारी और पीछे छुपा ली। हाँ क्यों नहीं, नताशा ने तंजा मुस्कुराहट के साथ कहा और उठकर लड़के के पास है। लड़के ने मुस्कुराते हुए दूसरे टेबल पर बैठे लड़के को आंख मारी और नताशा की तरफ देखने लगा। तो तुम तो बहुत खूबसूरत हो, लड़की ने लोफराना अंदाज में कहा। हाँ क्यों नहीं, मेरी जूती भी बहुत खूबसूरत है, नताशा ने कहते हुए जोर से जूता लड़के के मुँह पर मारा। जूता पड़ते ही लड़का बहुत पहले हैरान और फिर गुस्से से पागल हो गया। दूर खड़ा शमीर यह देखकर मुस्कान लगा। वह मेरी शेरनी, शमीर हंसते हुए खुद से कहा। तुम दौड़ टके की लड़की मुझ पर हाथ उठाया, पता नहीं किस किस के साथ मुंह काला करती फिरती हो। लड़का यह कहते हैं नताशा की जाने पर ये पीछे से किसी ने उसे उठा ज़मीन पर फटक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे ही ऐसे अल्फाज मुँह से निकालने के। शमीर ने उसे दोबारा ज़मीन से उठाकर हवा में उछाल दिया। दूसरी मेज़ पर बैठे तीनों लड़के डर के मेज़ के नीचे छुप गए। शमीर ने लड़के का सर दीवार के सामने आया जिससे उसका सर फट गया और काफ़ी खून बहाने लगा। छोड़ा मुझे, तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ और तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, शमीर ने फिर सर से मुस्कुराहट के साथ कहा और उसको पेदर पे मुक्के मारने लगा। नताशा ने जैसे शमीर को पकड़ा और कहा, प्लीज़ मेरा मीर उसे छोड़ दो, चलो यहाँ से चलते हैं। लोगों ने भी शमीर को उसे छोड़ने और माफ़ करने का कहा। शमीर ने उसे छोड़ दिया, वो लड़का स्पिन पर गिर गया। शमीर उसे एक टांग रसीद करता हुआ नताशा को लेकर आइसक्रीम पार्लर से निकल गया। वह मेरी शेरनी क्या जूता मारा, उसको बहुत अच्छा। वाह मेरी शेरनी क्या जूता मारा, उसको बहुत अच्छा लगा। शमीर नताशा से ऐसे बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना। नताशा हैरान होकर शमीर की जानिब देख रही थी। मीर तुम्हें इतना इससे नहीं मारना चाहिए था, उसने इतनी घटिया बकवास की तुम्हारे बारे में और तुम ये कह रही हो। मीर को अचानक गुस्सा है, मेरी इतनी फिक्र परवा। नताशा ने दिल ही दिल में सोचा, मीर मुझे खुद नहीं पता कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मैंने उसको जूता दे मारा। शाबाश, आइंदा भी ऐसे ही बहादुर बनना, शमीर ने हंसते हुए कहा। बातें करते करते वो पार्किंग एरिया में आ गया। अभी वो गाड़ी में बैठने ही लगे थे कि अचानक शमीर को कुछ एहसास हुआ। सामने एक लड़की किसी लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही थी। शमीर ने जल्दी से नताशा को गाड़ी में बैठने का कहा और गाड़ी तेज़ भगा दी। क्या हुआ मीर, नताशा ने मीर शमीर से पूछा। कुछ नहीं, ज़रूरी काम याद आ गया, शमीर ने नताशा को बताते हुए कहा। नताशा को सार नहीं ले जा सकता क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है, शमीर ने दिल में सोचा। तेज़ी से कार ड्राइव करने लगा। नताशा को उसके घर के सामने उतारा, कहा कि तुम अंदर जाओ, मैं अभी थोड़ी देर तक आता हूँ। और सुना जो आइसक्रीम पार्लर में वहाँ, उसके बारे में किसी को मत बताना वरना तुम्हारा बाहर जाना बंद कर देंगे तुम्हारे बाबा। नताशा ना समझी के आलम में अंदर बढ़ गई। सामने इब्राहिम और खावर बैठे हुए थे। आ गई मेरी बेटी, शमीर किधर है, इब्राहिम ने नताशा से पूछा। बाबा शमीर को कोई काम याद आ गया था, वो करने चला गया, कह रहा था अभी थोड़ी देर तक आता हूँ। अच्छा, इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी जानब शमीर को महसूस करता हुआ उनके पीछे तेज़ रफ्तारी से जा रहा था। एक सुनसान जगह पर सुन की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने गाड़ी रोकी और जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरा। और जहान की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। जानब बड़ा एक दरख्त के नीचे से वो लड़की ज़मीन पर लेटी नजर आई। लड़की की लाश सफ़ेद हो चुकी थी और सर गायब था जिसको वो साथ ले गए थे। शमीर ने जल्दी से रूप बदला और एक भेड़िया के रूप में आ गया जो भेड़िया बहुत ही बड़ा और ताकतवर लग रहा था। हाँ, शमीर भी एक भेड़िया था क्योंकि वो खावर का बेटा था, लेकिन इब्राहिम और खावर के कबीले से कहीं ज़्यादा ताकतवर और बड़ा था क्योंकि खावर की माँ भेड़ियों के दूसरे कबीले से थी जो कि बहुत बड़े ताकतवर हुआ करते थे। शमीर को पैदाइशी अपनी माँ की ताकत और खावर की जहानत और ताकत मिली थी। शमीर को जहाँ जहाँ उनकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था वो तेज़ रफ्तारी से उनकी जानब भाग रहा था। दूसरी जानब ताबश और ड्राइवर को ये एहसास हो गया था कि कोई भेड़िया उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उसको चकमा देकर निकल गए। शमीर को अब इनकी ना तो मौजूदगी का एहसास हो रहा था ना ही उनको पता चल रहा था। शमीर वापस इंसानी रूप में आ गया और वापस वहीं दरख्त के पास आया जहाँ लड़की की लाश पड़ी थी। आखिर कब तक बचा के एक ना एक दिन चीट पाट कर रख दूंगा, शमीर ने गुस्से से सोचा और लड़की की जानी देखने लगा और सोचने लगा पता नहीं आज किस के घर में सफ़े मातम बिछेगी।
मुझे समझ नहीं आती ये लड़कियां माँ बाप से छुप कर इन्हें धोखा देकर किसी इंजान लड़कों को भरोसा करके कैसे बाहर मिल लेती हैं। क्या इन्हें ये नहीं पता चलता कि जो तन्हाइयों और अंधेरों में मिलते हैं कभी भी किसी को सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकते। फिर ये कि अपनी जान और माल और इज्जत खतरे में डालकर किसी इंजान पर यकीन कर लेती हैं। शाम ने अफसोस से सोचा, पुलिस को कॉल मिलाई जगह और लाश की निशानदेही करके गाड़ी में बैठ कर वापस घर आने लगा, क्योंकि वो जानता था कि ये केस भी पुलिस किसी दरिंदे या जानवर पर डालकर फाइल बंद कर देगी। शामिल गाड़ी में बैठते हुए ये सोच रहा था कि नताशा को अकेले कहीं बाहर नहीं जाने देगा। शामिल वापस इब्राहिम के घर आ गया। सामने ही लाउंज में इब्राहिम और खावर किसी बात पर बहस कर रहे थे। शामिल को देखकर दोनों चुप कर गए। कहाँ गए थे तुम, खावर ने शामिल से पूछा। नताशा बता रही थी कि शामिल को कोई ज़रूरी काम याद आ गया था। शामिल का चेहरा देखकर खावर ने उससे पूछा कि आवा इतना अफसरदा क्यों बाबा, मैं आज फिर एक लड़की की जान चली गई, मैं उसे नहीं बचा पाया जब आप और मैं अंकल इब्राहिम की तरफ उनसे नताशा से मिलने आ रहे थे। इससे पहले मैं किसी काम से बाहर गया था, रास्ते में मुझे दो लड़के नजर आए जो एक बच्चे को साथ ले जा रहे थे। वो बच्चा बहुत ही गरीब और मांगने वाला था, मुझे इन पर शक हुआ था, मैं उनका पीछा करने लगा, जो मैं सोच रहा था वही हुआ। वो लड़के को पैसे खाने के बहाने एक सुनसान जगह पर ले गए, वो इस बच्चे का शिकार करने ही लगे थे कि मैं वहाँ पर पहुँच गया, रूप बदल कर एक वैम्पायर पर हमला कर दिया, लेकिन वो उसी टाइम डर कर भाग गई। उनके पीछे जाने के बजाय मैंने बच्चे को घर तक छोड़ा, खाना और पैसे दिए, लेकिन वो खबीस मेरे हाथों से निकल गया। आज जब मैं नताशा को आइसक्रीम पार्लर से वापस ला रहा था तो मुझे पार्किंग एरिया में एक लड़का लड़की कार में बैठा नजर आया। जैसे कि बाबा ने आपको बता दिया होगा कि मुझमें ऐसी कुछ खसूसियात हैं जिनसे मैं को पहचान रहता हूँ। दूर से मैं उसका चेहरा भी देख चुका था, महसूस भी कर चुका था कि ये वही वैम्पायर है, इसलिए मैं तेज़ रफ्तारी से गाड़ी भगा कर लाया, नताशा को अंदर जाने का बोलकर उनके पीछे गया, क्योंकि नताशा को साथ ले जाकर मैं उसकी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता था। गो के वो मेरे होते हुए भी नताशा को खरोंच भी नहीं लगा सकते, लेकिन नताशा के सामने ये सब सच लाना भी ज़रूरी नहीं, इसलिए मैंने उसको घर पहले ड्रॉप किया। फिर जब मैं उनके पीछे गया तो बहुत देर हो चुकी थी, लड़की का खून पीकर उसका सर साथ ले जा चुके थे। शाहमीन ने अफसोदगी से सारा माजरा बताया कि आखिर कब तक ये लोग ऐसे ही शिकार करते रहेंगे, एक दिन तो हाथ आएंगे तो इनके ऐसे चीतरे उड़ाएंगे कि याद रखेंगे। इब्राहिम ने गुस्से से कहा, जी नहीं अंकल, एक ना एक दिन नहीं, अब उनको ढूंढ कर ख़त्म करना होगा, मैं बहुत जल्द ये काम कर लूँगा। शाहमीन ने मोटियाँ भेजते हुए कहा। इंशाल्लाह, तीनों ने बुलंद आवाज़ में कहा। चलो घर चले, शामिल को खावा ने कहा। दोनों उठ गए। अच्छा अंकल, हमें इजाज़त है, हम जा रहे हैं, और आज से नताशा की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। शामिल ने इब्राहिम की तरफ देखते हुए कहा। इब्राहिम आगे से मुस्कुरा दिए। देखा मेरा बेटा कितना समझदार है, खावा ने फोका पर चोट की। तुम दफ़ा हो जाओ, हर बात में तुम्हारा टांग उड़ाना लाजमी होता है, इब्राहिम ने खावर से कहा। शामिल दोनों की नोक झोंक सुनकर हंसने लगा। वो जानता था कि ये दोनों ऐसे ही हर टाइम लड़ते रहते हैं। अच्छा अंकल, खुदा हाफिज़, चले पापा अभी शुरू हो जाते हैं, शामिल और खावर हंसते हुए वापस अपने घर चले गए। अगले दिन इब्राहिम और नताशा सुबह का नाश्ता कर रहे थे कि शामिल उन्हें गेट से अंदर आता हुआ नजर आया। अरे ओ शामिल, बेटा बेटा तुम भी नाश्ता कर लो, इब्राहिम ने शामिल को देखते हुए कहा। नहीं अंकल शुक्रिया, मैंने बाबा के साथ नाश्ता कर लिया था, शामिल ने नताशा के साथ कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नताशा, बेटा आज से आप शामिल के साथ कॉलेज जाया करेंगे, इब्राहिम नताशा से कहा। ठीक है बाबा, नताशा ने खुश होते हुए कहा। इतना कम क्यों खा रही हो, शामिल ने नताशा की प्लेट में थोड़े से टोस्ट को देखते हुए फिक्रमंदी से कहा। मुझसे नहीं खा रहा था, मैं इतना ही खाती हूँ, नताशा ने शामिल से कहा। क्या मतलब इतना खाती हो, अपनी सेहत देखी। अच्छा तुम इतनी फिक्र मत करो, खा लूँगी जब खाना होगा, नताशा ने बात ख़त्म करते हुए कहा। तुम्हारी फिक्र नहीं करनी तो किसकी करनी है, एक दफ़ा मेरे पास आ जाओ, फिर देखना तुम्हें कैसे प्यार से खिलाऊंगा। इब्राहिम ने नताशा की तरफ देखते हुए दिल में सोचा। नताशा नाश्ते से फारिग हो गई तो इब्राहिम को खुदा हाफिज़ कहकर शामिल के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। चले मैडम, शामिल ने नताशा से पूछा। चलो और तुम मेरा ड्राइवर हो जो इजाज़त मांग रहे हो, नताशा ने हंसते हुए कहा और हंसती ही चली गई। शामिल नताशा की हंसी में खो गया। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो, शामिल ने नताशा की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखा और गाड़ी ड्राइव करने लगा। आगे जाकर सिग्नल पर गाड़ी रोकी तो साइड से एक 14-15 साल का लड़का हाथों में फूल लेकर शामिल की गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसके हाथों में गजरे थे। साहब ले लो गजरे, शामिल ने कहा। नहीं चाहिए बेटा, साहब ले लो, अपनी बीवी को पहना दो, लड़के ने नताशा की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर नताशा शर्म और घबराहट से सुरख हो गई। शामिल ने दांतों तले मुस्कुराहट छुपाई और दिल ही दिल में इंशाल्लाह कहा और बच्चे से 2 गजरे ले लिए और एक प्यारा सा गुलाब का फूल लिया। बच्चा पैसे लेकर खुश होकर चला गया। शामिल ने नताशा के दोनों हाथों में गजरा डाल दिया। मेरी तो कोई बीवी है नहीं और किसी लड़की को मैं जानता नहीं, गजरे मैं पहन सकता नहीं, इसे मैं तुम्हें डाल रहा हूँ। शामिल ने बात को घुमाते हुए कहा कि कहीं नताशा को बुरा ना लग जाए, लेकिन नताशा मुस्कुराने लगी। शामिल ने गुलाब का फूल नताशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। फूल के लिए फूल हाजिर है, जिस पर नताशा ने उसको मुक्का मारकर
जिस पर नताशा ने उसको मुक्का मारकर कहा, ठरकी बनने की कोशिश मत करो शामिर। जिस पर शामिर का कहकर पूरी गाड़ी में गूंजा। इसके बाद दोनों कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज के अंदर दाखिल होने से पहले नताशा ने गजरे उतार कर बैग में रख दिया और शामिर के साथ चलते हुए कॉलेज के अंदर आ गई। जूँ ही वो कॉलेज में साथ साथ दाखिल हुए, सबकी नज़रें उनकी जानिब उठ गईं। कुछ नज़रों में तंज, कुछ में हंसा, कुछ में मुस्कुराहट थी। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। नताशा, जिसकी आंखें नीली थी, और शामिर की सब्ज रंग की, दोनों ही बहुत हसीन लग रहे थे। ये सर के साथ क्या कर रही है? लड़कियों ने आपस में सरगोशियाँ की। सामने बेंच पर बैठी मुबर्रा दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। शामिर और नताशा चलते हुए उसकी जानिब आए। सर कैसे हैं? मुबर्रा ने शामिर से पूछा। ये कोई सर बर नहीं है, नताशा ने मुबर्रा को बताया। मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे तक करने के लिए जानबूझ कर सर बनने की एक्टिंग की थी। दरअसल शामिर ने हमारी क्लास में एडमिशन लिया है, नताशा ने उसको बताया। अच्छा, मुबर्रा ने हंसते हुए कहा। तीनों चलते हुए क्लासरूम में दाखिल हो गए। नताशा कुर्सी पर बैठ गई। मुबर्रा नताशा के साथ बैठने ही लगी थी कि शामिर ने एक्सक्यूज़ मी कहकर उसे पीछे धकेला और नताशा के साथ बैठ गए। मुबर्रा ये देखकर शरारत से मुस्कुराई, दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। जब सब स्टूडेंट्स आ गए तो सब हैरानी से शामिर का कुर्सी पर बैठा देख रहे थे। सर, आप कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? एक लड़की ने कहा। मैं आपका सर नहीं हूं, बस उस दिन थोड़ी सी शरारत की थी, शामिर ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने में एक शौके लड़के ने लड़कियों के सामने बहादुर बनने के लिए शामिर का कॉलर पकड़ा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे साथ घटिया मजाक करने की? कॉलर छोड़ो शामिर ने खूंखार लहजे में लड़के से कहा। मैंने कहा कॉलर छोड़ शामिर ने दोबारा कहा। नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लोगे? लड़के ने हंसते हुए कहा। शामिर ने उसे उठाकर कुर्सियों पर फेंक दिया। वो लड़का मारने के लिए आगे बढ़ा था, शामिर ने उसका बाजू तोड़ दिया। अच्छा खासा हंगामा बरपा हो चुका था। इतने में प्रिंसिपल टीचर क्लास में आ गए। यहाँ क्या हो रहा है? प्रिंसिपल ने ऊंची आवाज़ से कहा। जवाब में शामिर ने मुड़कर प्रिंसिपल को देखा। प्रिंसिपल खावर इब्राहिम को जितना से जानता था, ये भी जानता कि शामिर खावर का बेटा। बेटा आप प्रिंसिपल ने प्यार से शामिर से कहा। इधर क्या हुआ? प्रिंसिपल ने शामिर से पूछा। जिस पर शामिर ने प्रिंसिपल को सारी बात बताई। ओ अच्छा बेटा, आप फिक्र मत करो, मैं इसके घर वालों को कल बुलाकर इसकी शिकायत करूँगा। प्रिंसिपल ने शामिर से कहा। अंकल, मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे और इसके घर वालों को है। शामिर ने एक पुरसरार से मुस्कुराहट के साथ कहा। एक बार फिर प्रिंसिपल डर गया, कहता हुआ ऑफिस की जानी बढ़ गया कि उनका सारा खानदान ही पता नहीं कौन सी अलग महलूक लगता है, हमेशा घूरते ही रहते हैं। प्रिंसिपल के जाने के बाद क्लास के टीचर दो लड़कों के साथ क्लासरूम में दाखिल हुए। स्टूडेंट्स, आज से ये भी आपके न्यू क्लास फेलो हैं। दोनों क्लास को हेलो करके कुर्सी पर जाकर चुपचाप बैठ गए। उनके बैठने के बाद सर ने क्लास शुरू की। क्लास के बाद नताशा और शामिर ग्राउंड में आकर बैठ गए। शामिर, मुझे बहुत भूख लग रही है, नताशा ने शामिर से कहा। तुम यहीं बैठो, मैं अभी कैंटीन से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। शामिर के जाने के बाद नताशा शामिर के बारे में सोचने लगी। आइसक्रीम पार्लर वाला सीन, नताशा की फिक्र करना, उसे फूल और गजरे लेकर देना, ये सब याद करके नताशा के दिल में हल्की सी गुदगुदी होने लगी और मुस्कुराने लगी। वो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे एक हेलो की आवाज़ ने चौंकने पर मजबूर किया। हेलो, क्या मैं इधर बैठ सकता हूँ? एक लड़के ने नताशा की तरफ देखते हुए कहा। ये इन्हीं दो लड़कों में से एक था। नहीं, नताशा ने गुस्से से कहा। गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका नाम क्या है? लड़के ने नताशा से कहा। क्यों, तुमने इसका आईडी कार्ड बनवाना है? पीछे से शामिर ने उसके कंधे पे हाथ मारते हुए कहा। तुम कौन हो? लड़के ने गुस्से से शामिर की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारा बुरा वक्त बन सकता हूँ अगर तुम दो मिनट में यहाँ से अपनी शक्ल गोल ना की तो। इब्राहिम ने गुस्से से लड़के की तरफ देखते हुए कहा। लड़का शामिर को घूरते हुए वापस चला गया। तो शामिर, नताशा और अपने लिए कैंटीन से बर्गर लेकर आया था। दोनों बर्गर खाने के बाद बाकी क्लासेस लेने चले गए। छुट्टी के बाद शामिर ने नताशा को इसके घर ड्रॉप किया और अपने घर चला गया। नताशा जब घर आई तो इब्राहिम ऑफिस गया हुआ था। घर में मुलाजमों के सिवा कोई नहीं था। नताशा ने अपने बैग रखा, फ्रेश होने के लिए कमरे में चली गई। फ्रेश होने के बाद वो नीचे लाउंज में आई तो उसको मुलाजम ने दोपहर का खाना दिया। अभी वो खाना खा ही रही थी कि बाहर गेट में डोरबेल बजी। मुलाजम देखने गया और वापस आया तो भागता हुआ, बीबी जी, बड़े साहब का एक्सीडेंट हो गया है बाहर, उनके ऑफिस का कोई आदमी आपको लेने आया है, साहब आपको बुला रहे हैं। वो आदमी क्या, नताशा बेहोश होते होते बचे रहते हुए जल्दी से शामिर को कॉल मिला। कहा कि बाबा का एक्सीडेंट हो गया है बाहर, कोई आदमी मुझे लेने आया है हॉस्पिटल के लिए, मैं उसके साथ जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो। मैं आदमी से हॉस्पिटल का नाम पता करके सेंड करती हूँ। हेलो, रुको नताशा, मेरी बात सुनो। शामिर बोल रहा था लेकिन कॉल कट चुकी थी। शामिर ने जल्दी से खावर को कॉल मिलाया। कहा, बाबा क्या आपको पता है का एक्सीडेंट हो गया? क्या बकवास कर रहे हो? खावर ने शामिर से कहा। हाँ, अभी नताशा की कॉल आई थी कि कोई ऑफिस का आदमी से हॉस्पिटल ले जाने के लिए आया है, लेकिन शामिर, इब्राहिम तो मेरे सामने बैठा है। क्या, तो नताशा किसके साथ गई है? शामिर ने खावर से कहा। इसका मतलब शामिर के हाथ से मोबाइल छूट कर नीचे गिर गया। खावर, क्या हुआ? इब्राहिम ने खावर के मुँह का रंग उड़ते हुए देखा। इब्राहिम, नताशा को कोई घर से तुम्हारे एक्सीडेंट का बोल कर ले गया है।
इब्राहिम के ऊपर सुबह सातों आसमान टूट पड़े। खावा ने जब इब्राहिम को नताशा के गायब होने की खबर सुनाई कुछ पल के लिए तो इब्राहिम को होश नहीं। खावा ने जल्दी से उसे झुंझोड़ा और कहा कि इब्राहिम जल्दी से नताशा को ढूंढना चाहिए। वो दोनों तेज़ी से भागते हुए एक पार्किंग लॉट में और बकारी में बैठते हुए गाड़ी तेज़ी से भगा दी। वो दोनों सीना इब्राहिम के घर गए। इब्राहिम ने चीख कर पूरा घर सर पर उठा लिया। मुलाजमों को बुलाया, तुम सब कहाँ मर गए थे? तुम लोगों ने इसे बाहर जाने क्यों दिया? और क्या वह किधर गई है? मेरी बेटी साहब जी बीबी जी दोपहर का खाना खा रही थी कि बाहर डोर बेल पर जी एक आदमी आ रहा, उसने आपके एक्सीडेंट का बताया, बीबी जी को साथ चलने का कहा। वो बहुत घबरा गई थी और मुसलसल रो रही थी और उस आदमी के साथ अस्पताल आपको देखने चली गई। इब्राहिम सब सुनकर रोने लगा, उसकी आँखें लाल हो रही थी। खावर समझ गया था कि अब इब्राहिम को अपने आप पर काबू नहीं रहेगा। चलो तुम सब लोग जाओ, अपने क्वार्टर का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लो, जैसे कोई बीबी को ले गया है वो दोबारा घर में भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, जल्दी जाओ, खावर ने उनको डराते हुए कहा। सारे एक मुलाजम खावर की बात सुनकर अपने अपने क्वार्टर में चले गए। अभी उनके जाने की देरी ही थी कि इब्राहिम गुस्से और गम से पागल होकर अपने आप पर काबू को बैठा के दरिंदे के रूप में आ गया। इतने में बाहर से शामिर आता वहाँ दिखाई दिया, उसने इब्राहिम की हालत देख ली थी। अंकल हौसला करें, ऐसे तो हम नताशा को ढूंढ नहीं पाएंगे, शामी ने इब्राहिम से कहा। तो इब्राहिम अपनी असल हालत में वापस आया और ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। खुदा की कसम जिसने ये हरकत की है मैं इसका वो हशर करूँगा कि ये दुनिया याद रखेगी। इब्राहिम ने गुस्से से पागल होते हुए कहा, नहीं अंकल, अब ये मेरा और उसका आपस का मामला है, वो जो कोई भी होगा मैं इसका वो हल करूँगा कि देखने वालों की रूह कहाँ पर जाएगी। शामिर की आंखों में आग जल रही थी, कहीं वो खबीस वैम्पायर्स तो नहीं? खावा ने इब्राहिम और शामिर की तरफ देखते हुए कहा। खावर की बात सुनकर इब्राहिम ने उसको गिरेबान से पकड़ लिया और कहा, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो ये अपनी बकवास भी बंद रखो, माफ़ करना यार, मैं तुम्हारा हाल समझ सकता हूँ लेकिन हमें उस तरह भी सोचना चाहिए क्योंकि आजकल उनके भी शिकार बढ़ रहे हैं। नहीं बाबा, भी जब मैं गेट से अंदर आ रहा था तो बाहर नताशा की खुशबू और साथ में किसी दूसरे शख्स की खुशबू महसूस हुई, अगर वो दरिंदे नताशा को साथ लेकर जाते तो मुझे पता चल जाना था, शामी ने खावर से कहा। चलो तीनों मिलकर नताशा को ढूंढने चलते हैं, खावर ने इब्राहिम और शामी की तरफ देखते हुए कहा। तीनों नताशा को ढूंढने निकल गए। खावर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। शहर की जानी मानी शख्सियत इब्राहिम की बेटी को ढूंढने के लिए सारी पुलिस फोर्स फैल गई लेकिन नतीजा कुछ भी ना निकला। इन्होंने इब्राहिम के घर के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए, तीनों शख्स वीडियो देख रहे थे कि नताशा रोती है गाड़ी में बैठकर किसी शख्स के साथ जा रही थी, कैमरे की तरफ उस शख्स की पीठ थी। नताशा को रोते देख रहे एक दफ़ा फिर से इब्राहिम और शाहमीर का खून खोल गया। अब एक ही हाल बचाया, खावर ने इब्राहिम शाहमीर की तरफ देखते हुए कहा। क्या बाबा? शाहमीर ने खावर से पूछा। हमें हमारे कबीले के सरदार के पास जाकर पता करना है, शायद वो हमें बता देंगे नताशा कहाँ मिलेगी, खावर ने इब्राहिम और शाहमीर से कहा। हाँ बाबा, शायद आप ठीक कह रहे हैं, शामिर इब्राहिम और खावर गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल में पहुंचने के बाद शामिर इब्राहिम और खावर तीनों ने अपना रूप बदला, भेड़िए के रूप में आ गए। तीनों तेज़ रफ्तारी के साथ जंगल में चले गए। खावर इब्राहिम और शामिर को जंगल के बीच में गाड़ में ले गया। वहाँ पर कबीले का सरदार आँखें बंद किए बैठा हुआ था। इब्राहिम और खावर तीनों ने अपना रूप बदला और भेड़िए के रूप में आ गए। तीनों तेज़ रफ्तारी के साथ जंगल के चले गए। खावर इब्राहिम और शामिर को जंगल के बीच में गाड़ में ले गया। वहाँ पर कबीले का सरदार आंखें बंद करके बैठा हुआ था। अब खावर आज तो बहुत देर के बाद आए हैं, उसने बंद आंखों से कहा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। खावर ने सलाम की। वालेकुम सलाम, बैठो। तीनों खावर के पीछे इब्राहिम और शामिर भी सलाम करते हुए बैठ गए। कहो कैसे आना हुआ? सरदार ने उनकी तरफ देख कर कहा। खावर ने उनको सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद वो मुस्कुराने लगे, शामिर की तरफ देख कर कहा। मैं तो तुम पे हैरान हो रहा हूँ, ये काम तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, या तो तुम भूल गए हो या फिर तुम्हें अभी अपनी इस ताकत के बारे में नहीं पता। कबीले के सरदार ने शामिर की तरफ देखकर कहा। कैसी ताकत? बाबा शामिर ने ना समझने के अंदाज में सरदार की तरफ देखकर पूछा। जैसा कि खबर तुम जानते हो कि तुम्हारा बेटा कबीले का सबसे ताकतवर बेड़िया, इसमें अपनी मार तुम्हारा दोनों का खून था का शामिल है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ताकतवर और खूनकार बेड़िया है। इसमें इतनी ताकत ही पाई जाती है कि जिसके बारे में अभी इसको ठीक से अंदाज़ा नहीं हुआ, इसलिए तुम लोग नताशा को ढूंढने के लिए मेरे पास आए हो, हम समझे नहीं। खावर ने भी यही कहा। दूसरी ताकतों के साथ साथ शामिर के पास एक ऐसी ताकत मौजूद है कि वो दुनिया में कहीं भी बैठे हुए शख्स के साथ रब्ता कर सकता है अपने जहन के ज़रिए, जैसे कि टेलीपैथी, और वो इंसान नॉर्मल होने के बावजूद शामिर को दिमाग से जवाब दे सकता है। ये बात सुनकर इब्राहिम शामिर इब्राहिम और खावर दोनों चौंक गए। इसका मतलब हम नताशा को ढूंढ लेंगे। तीनों ने खुशी के साथ एक दूसरे को देखा। चलो अपनी ताकत को आजमा कर देखो, कबीले के सरदार ने शामिर से कहा। शामिर ने आकर बंद करके नताशा के साथ रब्ता करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। दो तीन कोशिशों के बाद उसे नताशा के जहन तक रसाई तो हासिल हो गई लेकिन ना तो वहाँ से कोई जवाब आ रहा था, ना ही शामिर ये अंदाज़ा लगा पा रहा था कि नताशा किधर है।
उसने कबीले के सरदार को बताया कि वह नताशा के जहन तक रसाई तो हासिल कर चुका है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा और ना ही अंदाज़ा लगा पा रहा है कि नताशा इस टाइम कहाँ मौजूद है। कबीले के सरदार ने शाह मेरे को बताया इसका मतलब नताशा अभी भी होश है, तुम लोगों को सब्र करके इसके होश में आने का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर ही नताशा के जहन तक तुम अपना पैगाम पहुँचा पाओगे। वो तीनों सब्र का गूंज भर कर चुप करके बैठ कर नताशा के होश में आने का इंतज़ार करने लगे। शाह मीर को रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, उसको आज तक अपनी इस ताकत के बारे में मालूम क्यों नहीं हो सका, वरना मैं जल्द से जल्द नताशा तक पहुंच जाता। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी नताशा, शाह मीर को यह सोच सोच कर ही दिल को कुछ हो रहा था। दूसरी जानब इब्राहिम के दिल पर चूड़ियाँ चल रही थी नताशा के बेहोश होने का सुनकर। दूसरी रानी में नताशा रोती इस आदमी के साथ गाड़ी में बैठ गई, उसे हॉस्पिटल का पूछने लगी। बीवी जी अभी बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, आदमी ने नताशा से कहा। थोड़ा आगे जाकर उनको सड़क पर एक औरत खड़ी नजर आई जो गाड़ी को हाथ से रोक रही थी। आदमी ने गाड़ी रोककर औरत से पूछा क्या क्या बात है। औरत ने आदमी से कहा कि मेरे शोहर की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे डॉक्टर को साथ ले जाना है, मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही, बड़ा मेहरबानी मुझे अपने साथ ले जाएँ। अच्छा ठीक है पीछे बैठो, मैं जल्दी से अस्पताल पहुँचना है, आदमी ने औरत से कहा। वो गाड़ी खोलकर नताशा के साथ बैठ गई। नताशा मुसलसल इब्राहिम के बारे में सोचकर रो रही थी और दुआ कर रही थी कि उसके बाबा ठीक हों, ज़्यादा चोटें ना आई हों। वहीं नहीं सोचो मैं घूमती हुई से गाड़ी अजीब सुनसान रास्ते पर जाती हुई नजर आई, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, नताशा ने आदमी से कहा। इतनी देर में औरत ने नताशा के मुँह पर रुमाल रखकर जोर से दबाने लगी। नताशा मुजामत कर रही थी लेकिन करोड़ों काम की वजह से जल्द बेहोश हो गई। चलो हमारा काम ख़त्म हुआ, आगे वो लोग जाने, आदमी ने औरत की तरफ देखकर कहा। वो लोग बेहोश नताशा को उठाकर शहर से ज़रा हटकर एक कम गुंजान आबादे इलाके में बड़ी सी कोठी के गेट के पास ले गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। अंदर से चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और वो लोग नताशा को उठाकर अंदर ले गए, जहाँ हाल में बड़े से सोफे पर नगमा बाई बैठी हुई थी। वो नताशा को उसके पास ले गए। क्या मस्त माल ढूंढा है साहिब ने, चलो साहिब के साथ काम के साथ साथ हमारे कोठे की भी रौनक बढ़ जाएगी। नगमा बाई ने खबात से मुस्कुराते हुए कार पास करी, लड़की से कहा रेशमा इसको कमरे में ले जाकर बंद कर दो। नगमा बाई कार में लाने लगी, किसी को कार पर बताया कि साहब आपका काम हो गया है, वह चम्मच छलों को उठाकर कोठे पर ले आए, आप भी पहुंच जाए। नगमा बाई एक नायिका थी जो लड़कियों के जिसम पड़ोसी का काम कारोबार करती थी, उसने आबादी से हटकर अपना एक कोठा बनाया हुआ था जहाँ रात के अंधेरे में अमीर लोग और दुनिया की नज़र में शरीफ और पकीज़ा लोग आते थे। यही नहीं नगमा दूसरे शहरों से लड़के अगवा करके भी उनको जिसम फरोशी के काम पर मजबूर करती थी। दूसरी जाने कुछ घंटों बाद नताशा की घुंघरू की आवाज़ से खुली तो होश में आना शुरू हो गई। ये मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे तो अपने बाबा के पास जाना था, नताशा ने सोए हुए जहन के साथ सोचते हुए कहा। फिर उसके जहन में रास्ते वाला वाक्य आया कि कैसे उसको धोखे से लाकर बेहोश किया गया। नताशा भागकर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी, छोड़ो मुझे अपने बाबा के पास जाना है। नताशा ज़ारों को तार रो रही थी, कभी इब्राहिम कभी शाह मीर को याद कर रही थी। इतने में नताशा के बाद शाह मीर के दिमाग तक पहुंच गई। शाह मीर अचानक उठकर खड़ा हो गया, दरवाज़ा खोलकर नगमा अंदर आई। शैतान मुस्कुराहट के साथ कहा आइए साहब कमाल तैयार हैं। नताशा ना समझ के आलम में नगमा का चेहरा देख रही थी जो कि बहुत ही शौक मेकअप और बाल गई जिसामत के साथ नंगी पीने लगे साथ साड़ी में उसके सामने खड़ी थी, जिसके साथ एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हरकत करने की, तुम्हें पता है शमीर और पापा तुम्हारा क्या अजर करेंगे, तुम वही हो ना आइसक्रीम पार्लर वाले जिसका अजर बिगाड़ दिया था। मेरे मीर ने नताशा इतनी सीरियस कंडीशन में भी तंज करना नहीं भूली, और मोटी हथनी तुम्हारा तो मैं मुंह तोड़ दूंगी, नताशा ने रोते हुए कहा, जिस पर नगमा ने आगे बढ़कर उसको मुंह पर एक थप्पड़ मारा जिससे नताशा दूर जा गिरी। दूर बैठा शमीर जो ये सब सुन रहा था नताशा को देखते ही आप से बाहर हो गया। जैसे ही नताशा को थप्पड़ पड़ा इब्राहिम जल्दी से सब कुछ बताया जो वहाँ हो रहा था। शामी ने पल में रूप बदला, बेरिए के रूप में आंधे के पार की तरह नताशा के पीछे भाग गया। देखा देखी इब्राहिम भी रूप बदलते साथ ही इसके पीछे हो लिया, खावर भी इन दोनों के पीछे निकल पड़ा। शामीर अपने दिमाग के साथ नताशा के दिमाग को और वहाँ होने वाली सारी बातों को बआसानी सुन रहा था। शामीर अब नताशा की मौजूदगी को भी महसूस कर सकता था कि उस टाइम कहाँ है। दूसरी जानब नताशा मुंह पर हाथ रखकर ज़ारों को तार रोने लगी। नताशा अपने रब से अपनी इज्जत और आबरू की दुआ मांग रही थी। वो लड़का चलता हुआ नताशा के पास आया और कहा बड़ी पारसा बन रही थी ना, उस दिन अपने यार के साथ मिलकर मुझे मारा था, अब देख तुम्हारी पारसाई कहाँ जाती है, कहाँ लाकर फेंक दिया मैंने तुम्हें। लड़के ने तकब्बुर से नताशा का बाजू ज़ोर से दबोच कर कहा, अब हर रोज़ रात तुम्हें लोग आकर नोचेंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा मुझसे टक्कर लेने का क्या हाल होता, लेकिन इससे पहले ज़रा मैं तो तुम पर अपने हाथ साफ करूँगी। ये कहते ही लड़का नताशा की जानब बढ़ने लगा। पीछे से नगमा बोली साहब ज़रा ध्यान से बाद में
जिसे हमने इस्तेमाल करना है। और खबास से कहती दरवाज़ा बंद करके चली गई। बेबी अब तुम्हें कौन बचाएगा, अब तो तुम्हारा वो यार भी नहीं है और ही वो आएगा, लड़के ने हंसते हुए कहा। नहीं मेरे पास मत आओ, खुदा का वास्ता मुझे जाने दो, नताशा ने रोते हुए लड़के से कहा। दूसरी जानब शाहमीर खावर और इब्राहिम तीनों कोठी के सामने पहुंच चुके थे। शाहमीर और इब्राहिम अभी तक बेरिए के रूम में थे, जबकि खावर अपने इंसानी रूप में आ गया था। इन दोनों से कह रहा था कि तुम दोनों अंदर जाकर इन सबसे देखो, मैं नताशा को देखने जा रहा हूँ। इसी के साथ इब्राहिम और शाहमीर ने एक ही जस्ते में दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर चले गए। इतने बड़े बेरिए देखकर चौकीदार वहीं बेहोश हो गया। खावर भी इन दोनों के साथ अंदर आ गया। इब्राहिम और शाहमीर का ध्यान से वहाँ पर मासूम लड़कियाँ भी हो सकती हैं, इनको कोई नुकसान ना पहुँचा देना। खावर ने दोनों को तंबीह से कहा। अंदर नगमा सोफे पर अपने बॉडीगार्ड के साथ बैठी थी। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ पर घबरा गई और बॉडीगार्ड से कहा कि जाकर देखो क्या हुआ है। अभी वो ये बोल ही रही थी कि अचानक हाल में दो बड़े बड़े बेड़िए आ गए, जो अपनी मखसूस आवाज़ में ज़ोर से चिंगारे। सबसे ऊँची और गुस्से वाली आवाज़ शाहमीर की थी। उन लोगों ने आज तक इतने बड़े बेड़िए नहीं देखे थे। कुछ लड़कियां डर के मारे अंदर कमरों में छुप गई। उसे ऐसे अरे क्या देख रहे हो, गोली से मार दो, एक गार हिम्मत करके आगे बढ़ो। गोली चलाने ही लगा था कि शाहमीर ने उसकी गर्दन को मुंह में डालकर उसका कीमा बना दिया, जिसे देखकर नंबर में बेहोश हो गई, वहीं गिर गई। इब्राहिम ने आगे बढ़कर दूसरे गार्ड की गर्दन को इसके दर से उतार कर दूर फेंक दिया। सही मायनों में इब्राहिम और शाहमीर दरिंदे और खूनखार बेड़िए बने थे, क्योंकि यहाँ बाद नताशा से मोहब्बत की थी, जो वो दोनों से इससे बेनतहा करते थे। कुछ आदमी ये देखकर, पांच आदमी बड़े बड़े डंडे लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन शाहमीर के एक ही बनने से पांचों के मुंह के छितरे हवा में उड़ गए और वो लोग वहीं ढेर हो गए। ये वही बेगैरत लोग थे जो लड़कियों को अगवा करके नगमा के पास लेकर आते थे। दूसरी जानब इस लड़के ने नताशा का कपड़ा उसके बाजू से फाड़ दिया, जिससे नताशा सदमे से बेहोश हो गई। अभी उसकी जानब बनने ही वाला था कि दार की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और सामने शाहमीर और इब्राहिम अपने इंसानी रूप में खड़े थे। नीचे से वो सबको मारकर ऊपर आ गए। बाकी सब लड़कियां कमरों में दुबकी बैठी थी। खावर ने उनको बताया कि वो बेड़िए चले गए, लेकिन अब अपने कमरों में ही रहो, हम लोग तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। और तो तुम यहाँ पर भी पहुँच के, लड़के ने शाहमीर की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन आज इस लड़की को मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। लड़के ने यह कहते ही अपनी जेब से गन निकाल कर शाहमीर की जानिब तान दी। वो नीचे वाले होने वाले हंगामे और बेड़ियों के आने से अनजान था। शाहमीर और इब्राहिम उसे कहा जाने वाली लड़कों से नज़रों से देख रहे थे। लड़का थोड़ा सा घबराया, लेकिन उसने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक अंधाधुंध फायरिंग की वजह से दो गोलियां शाहमीर के कंधे और बाजू, जबकि एक गोली इब्राहिम के पांव पर लगी। लेकिन इन दोनों को अपना ज़रा भी एहसास नहीं था, वो दोनों सिर्फ अपना इंतकाम लेना चाहते थे। इसी के साथ शाहमीर एक बहुत बड़े बेड़िए में तब्दील हो गया, जिसे देखकर लड़के की आंखें हैरत, डर और खौफ से फटी की फटी रह गईं। उसके देखा देखी इब्राहिम भी एक बेड़िए में तब्दील हो गया। शाहमीर ने लड़के को उठाकर दीवार पर मारा, जिससे उसका सर फट गया और वो वहीं बेहोश हो गया। शाहमीर और इब्राहिम अपने इंसानी रूप में आए और जल्दी से नताशा की तरफ बढ़े। इब्राहिम और शाहमीर को अब तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो नताशा को उठाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में खावर कमरे में आ गए, दोनों को जख्म देखकर घबरा गए। ये तुम दोनों को क्या हुआ? कुछ नहीं, इस लड़के ने हम पर फायरिंग शुरू कर दी थी। इब्राहिम ने लड़के की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखा, जो ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। तकलीफ के मारे इब्राहिम की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वो हिम्मत से काम ले रहा था। जबकि दूसरी जानब शाहमीर का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, लेकिन जैसे वो हर तकलीफ से बेनियाज नताशा को उठाने की कोशिश कर रहा था। खावर ने उनसे कहा कि नताशा को अस्पताल लेकर चलते हैं, तुम दोनों को भी इस टाइम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बच्चों वाली हरकतें मत करो, मेरे साथ चलो। खावर ने दोनों से कहा। बाबा आप अंकल नताशा को लेकर गाड़ी में अस्पताल जाएं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जो लड़के अंदर कैद है उनको भी आज़ाद करना है, शाहमीर ने खावर से कहा। और इन दोनों को भी ठिकाने लगाना है, शाहमीर ने लड़के की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा। लेकिन बेटा तुम्हें दो गोलियाँ लगी हैं, तुम्हारा बहुत खून बह रहा है, जिद मत करो, खावर ने शाहमीर की तरफ देखते हुए कहा। बाबा मैंने कहा ना आप लोग जाएं, मैं अभी बस थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, खावर ने दिल पर पत्थर रखते हुए शाहमीर को इजाज़त दे दी। और इब्राहिम खावर नताशा को लेकर गाड़ी में बैठकर अस्पताल की जानिब चल पड़े। गाड़ी खावर ड्राइवर कर रहा था। इब्राहिम को पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो नताशा की तरफ देख कर रो ही जा रहा था। वो इन दोनों का शनाशा करना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि वहाँ मजीद ठहरता। लेकिन उसे शाहमीर पर पूरा यकीन था कि वो उनको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। नताशा को लेकर खावर इब्राहिम अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने जल्दी से इब्राहिम को ऑपरेशन थिएटर में ले गए, वहाँ जाकर उसकी गोली निकाले गए। बाकी डॉक्टर नताशा को लेकर आईसीयू में चले गए, क्योंकि नताशा को बहुत गहरा सदमा लगा था, जिससे वो होश में नहीं आ रही थी। दूसरी जानिब शाहमीर कमरों के पास गए, जहाँ लड़कियाँ डर कर छुपी बैठी थी। डरो मत, मुझे अपना भाई समझो, लड़कियों की तरफ देख कर शाहमीर ने कहा। आज तक जो भी मर्द आया उन्हें नोचने के लिए आया, लेकिन एक मर्द के मुँह से भाई का लफ्ज़ सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए।
अगवा सिर्फ तुम लोग ही हो। शमी ने एक लड़की से पूछा, भाई हम सब लड़कियां अगवा करके यहां लाई गई थी। कुछ लड़कियां तहखाने में मौजूद हैं लेकिन वह 10 से 11 साल की उम्र की बच्चियां हैं जिनको ये दुबई सप्लाई करने वाली थी। वहां पर दो गार्ड इनकी निगरानी करते हैं। एक लड़की ने शमी को बताया, भाई वहाँ पर मेरी दो छोटी बहनें भी हैं जिनकी उम्र 8 से 9 साल के दरमियान है। एक लड़की ने रोते हुए कहा, भाई प्लीज़ इन्हें भी बचा ले, तुम लोग रो मत और फिक्र मत करो। शामी ने इनके सर पर प्यार देते हुए कहा और जल्दी से तहखाने का रास्ता बताओ। शामी ने लड़की की जानिब देखकर कहा और वो लड़की शामी को नगमा के कमरे में ले आई। नगमा के कमरे में एक दीवार के पीछे खुफिया रास्ता था जिसकी सीढ़ियाँ तहखाने तक जाती थी। शामी ने लड़की को कहा, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। शामी तहखाने की सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया तो उसे वहाँ एक गार्ड नजर आया जिसका चेहरा दूसरी जानिब था। शामी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ी और कड़क की आवाज़ के साथ उसकी गर्दन तोड़ दी। शामी आगे बढ़ा तो उसे एक बहुत बड़ा हाल नजर आया जहाँ पर छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ 15 से 20 की तादाद में ज़मीन पर लेटी हुई थी। कुछ बच्चियाँ रो रही थी। पास ही एक कुर्सी पर नशे में धुत पड़ा दूसरा आखिरी गार्ड सो रहा था। शामी ने पास पड़ा पारी पत्थर उठाकर गार्ड के चेहरे पर दे मारा जिससे उसका सर कुचल गया और वह वहीं मर गया। मासूम बच्चियों की हालत देखकर शामी का दिल खून के आंसू रो रहा था। तुम लोगों का तो मैं वो हाल करूंगा कि तुम लोगों को की मौत देखकर लोगों की रूह तक काम जाएगी। शामी ने नगमा लड़के का सोचते हुए दिन में खुद से आहत किया और बच्चियों को अपने साथ ऊपर चलने का। बच्चियाँ शामी को देखकर डर रही थी लेकिन उसने यकीन दिलाया उन्हें निकाल कर ऊपर बाहर ले आए जहाँ कुछ बच्चियाँ अपनी बिछड़ी बहनों से मिलकर रो रही थी, कुछ अपने घर वालों को याद करके। शामी ने वहाँ पर खड़ी एक समझदार लड़की जिसने उसको तय खाने का रास्ता बताया था उससे कहा कि इन सबको इनके घर पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मुझे अभी बहुत से काम करने हैं और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। शामी को अब नकाहत होना शुरू हो गई थी। शामी ने जेब से निकाल कर काफ़ी ज़्यादा पैसे लड़की की तरफ बढ़ाए और कहा, ये लो इन सबको इनके घर पहुंचा दो। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, आपने हम गरीब और लाचार लड़कियों को बचाकर बोने के का काम किया है। अल्लाह आपकी हर दिली मुराद पूरी करें, हम आपका एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। आमीन, शामी ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से नगमा और उस लड़के को उठाकर गाड़ी में डाला और गाड़ी ड्राइव करने लगा। गाड़ी ड्राइव करके वो अपने घर आया। उन दोनों तहखाने और अपने टॉर्चर रूम में फेंक कर दरवाज़ा बंद करके ऊपर आ गया और घर के मुलाजिम को बुलाकर कहा कि नीचे से कोई भी आवाज़ है तुम लोगों में से वहाँ कोई नहीं जाएगा। मुलाजिम शामी के कंधे पर खून निकलता देखकर घबरा गए। साहब आपको तो गोली लगी है, उनके वफादार मुलाजिम ने कहा। जानता हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैंने आने तक नीचे जितनी भी आवाज़ें हैं वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। और वहाँ से वापस गाड़ी में आ गया। पीछे मुलाजिम बख्शू ये सोचकर पागल हो रहा था कि जिसको दो गोलियाँ लगी हों वो इंसान चल कैसे सकता है। वो ये नहीं जानता था कि शामी इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया और ऐसा भेड़िया जो बहुत ही ताकतवर खूनखार है। शामी को तकलीफ तो हो रही थी लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन खून बहुत ज़्यादा बहने की वजह से शामी को नूदगी में जा रहा था और उससे बहुत मुश्किल से गाड़ी चल रही थी, लेकिन वो अपने आवाज पर काबू करने में की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था उनके साथ जा सकता था लेकिन इन लड़कियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाना, इन दोनों को ठिकाने लगाना शामी को ज़्यादा अहम था। दूसरी जानब डॉक्टर ने इब्राहिम की गोली निकाल दी थी तो वो ठीक था, लेकिन ताशा अभी तक बेहोश थी क्योंकि उसका टेंशन और सदमे के साथ नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। खावर ने यह बात इब्राहिम को नहीं बताई थी। खावर शामीर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, उसे शामीर की फिक्र खाई जा रही थी। वजह ये वो ये जानता था कि शामीर एक ताकतवर इंसान है लेकिन वो ये भी जानता था कि खून की कमी की वजह से शामीर में बहुत ज़्यादा नकाहत और कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी। शामीर गाड़ी बहुत मुश्किल से चला रहा था, अचानक शामीर की आंखों के सामने धुंधलाहट छा गई। खून की कमी की वजह से शामीर को चक्कर आने लगे। शामीर एक दरिया के पुल के ऊपर से गुजर रहा था जिसके आसपास कोई हिफाजती बार नहीं लगी थी। कमजोरी और चक्करों की वजह से अचानक गाड़ी शामीर के हाथों से बेकाबू हुई और बहुत ही गहरे दरिया में जा गिरी। अस्पताल में बैठे खावर के दिल को धचका सा लगा। अल्लाह खैर करे, शामीर खैरियत से हो, खावर ने दिल पर हाथ रख के सोचा। दूसरी जानब शामीर की गाड़ी गहरे दरिया में गिर गई। थोड़ा दूर करके मछुआरे दरिया से मछलियां पकड़ रहे थे कि उन्होंने दरिया में गाड़ी गिरती देखी। वो भी गाड़ी की तरफ बढ़ने का और बीच में बैठे लोगों को बचाने का सोच ही रहे थे कि दरिया के पानी की सतह फाड़ कर एक बहुत बड़ा भेड़िया निकला, एक बड़ी सी छलांग लगाकर दरिया के किनारे झाड़ियों में गुम हो गया। और मछुआरों को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ और वो एक दूसरे का मुँह देखी जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी दरिया में गिर गई, शामीर को चेहरे पर पानी पड़ते ही होश आ गया। वो जल्दी से भेड़िया बनकर पानी से बाहर आ गया। खुशकिस्मती से दरिया के किनारे जब वो झाड़ियों में गया तो थोड़े ही फासले पर अस्पताल था। इससे शामीर अपने इंसानी रूप में वापस आया और मुश्किल अस्पताल तक पहुंच गया। हॉस्पिटल के अमले ने जब एक जख्मी और भीगे हुए लड़के को आते देखा तो जल्दी से उसे स्ट्रेचर पर डालकर एमरजेंसी वार्ड में ले आए। सामने बैठा खबर ने जब किसी नौजवान को स्ट्रेचर पर आता देख रहा था तो उठकर उसने देखा तो शामीर बहुत हद तक कमज़ोर और बेहोश और से बेगाना पड़ा हुआ था। ये आपको कहाँ से मिला और कैसे आया? खावर ने हमले से पूछा तो हमले ने बताया कि हमें अस्पताल के दरवाजे पर आता हुआ नजर आया तो हम इसको जल्दी से स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले आए। अपने बेटे की हालत देखकर खावर का दिल खून के आंसू रो रहा था।
इतने में डॉक्टर आया जो कि खावर का दोस्त और पूछा कि क्या हुआ है। तो खावर ने बताया कि ये मेरा बेटा जख्मी है जो इनको अस्पताल के दरवाजे पर मिला, इसको जल्दी से ट्रीटमेंट दी जाए। खावर रो रहा था, तुम फिक्र मत करो खावर, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ शामिर को ऑपरेशन थिएटर में ले गए इसकी भी गोली निकालने के लिए। खावर का सर टेंशन से फटा जा रहा था, एक तरफ उसका प्यारा दोस्त, दूसरी तरफ उसका बेटा, तीसरी तरफ उसके बेटे की मोहब्बत, तीनों इस टाइम खतरे में थे। थोड़ी देर बाद इब्राहिम के कमरे से डॉक्टर निकलता है, इब्राहिम की गोली निकलने की खुशखबरी सुनाता है और कहता है कि माशाल्लाह से ठीक है, उनका ज़्यादा खून भी नहीं बहा था, आप उनसे मिल सकते हैं। खावर जल्दी से इब्राहिम के कमरे की तरफ गया तो वो आँखें मूंदे लेटा हुआ था। इब्राहिम अब कैसे हो तुम, खावर ने इब्राहिम से पूछा। इब्राहिम ने आँखें खोल दी और खावर की तरफ देखने लगा। नताशा कैसी है और शाहमीर आया कि नहीं अभी तक, इब्राहिम ने खावर से पूछा। नताशा अभी बेहोश है, शाहमीर अस्पताल के अमले को भी गेट के पास अपनी हालत में मिला था, उसको उठाकर अंदर ले आए। शाहमीर का ट्रीटमेंट, उसका काफ़ी खून बह गया है, मुझे माफ़ कर दो खावर, मेरे और मेरी बेटी की वजह से तुम्हारे बेटे की आज ये हालत हुई है। इब्राहिम अगर तुम इस टाइम जख्मी ना होते मैं मुक्का मार तो मुँह तोड़ देना था तुम्हारा, ये क्या बकवास कर रहे हो, हम लोग अलग से कब हो गए, तुम्हें पता है शाहमीर में नताशा की जान बसती है, नताशा मेरी बेटियों से बढ़कर है, मुझे अल्लाह ने कोई बेटी नहीं दी थी, तो नताशा के रूप में मुझे अपनी बेटी नज़र आती है, आइंदा ऐसी बात की तो जख्मों का भी लिहाज नहीं करूँगा, गंदे बेड़े कहीं के। खावर और इब्राहिम दोनों हंसने लगे। इब्राहिम बेड से उठने लगा तो खावर ने कहा कहाँ जा रहे हो, मैं नताशा और मीर को देखने जा रहा हूँ, इब्राहिम ने खावर से कहा। तो खावर ने उसको जल्दी से दोबारा लिटाया और कहा चुपचाप लेटे रहो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, यहाँ से नहीं उठ सकते, तुम्हें मेरी दोस्त की कसम है तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, खावर ने इब्राहिम से कहा। इब्राहिम गुस्से से देखकर चुप करके लेट गया। लेकिन तुम वादा करो कि तुम नताशा और शमीर का ख्याल रखोगे, मुझे पल पल की खबर दोगे। हाँ भाई हाँ ठीक है, अभी तुम आराम करो, मैं बाहर से चक्कर लगा कर आता हूँ और आज ही जाकर कबीले के सरदार से एक ऐसा मरहम लाऊंगा जो तुम लोगों के जख्म पर लगाने के बाद जख्म फौरन भर जाएंगे, जख्म ऐसे हो जाएंगे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो जाओ जल्दी, मेरा मुँह क्या देख रहे, जल्दी से मैं ठीक हूँ, अपने दाशा के पास जाओ, इब्राहिम ने बरहम होते हुए कहा। तो खावर से कहा जा रहा हूँ, एक तो तुम हमेशा पर मुझ पर पता नहीं किस बात का रोब डालते रहते हैं। खावर मुंह बनाकर कमरे से बाहर चला गया। नताशा के डॉक्टर के पास नताशा की हालत पूछने के लिए आया। देखें अभी वो बेहोश है, अगर कल सुबह तक उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती हैं, डॉक्टर ने खावर को बताया। जिसे सुनकर खावर इब्राहिम और शामिल का सोचकर कांप गया कि उनका क्या रिएक्शन होगा, वो तो सब तबाह करके रख देंगे। डॉक्टर अगर आपसे इब्राहिम इसके बारे में पूछे तो प्लीज़ उसको मत बताइएगा, डॉक्टर खावर ने डॉक्टर से इल्तजा की। आप फिक्र मत करें, डॉक्टर ने खावर से कहा। डॉक्टर के कैबिन से निकलकर कॉरिडोर में बैठ गया कि उनके अंदर ऑपरेशन थिएटर में शामिल को की गोली निकाली जा रही थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने बताया कि शामिल के कंधों से दोनों गोली निकाल दी गई हैं, अब वो ठीक हैं, बस उनका बहुत खून बह चुका था, आपको फौरन खून का इंतजाम करना पड़ेगा। डॉक्टर मेरा खून शामिल से मैच करता है, आप उसे मेरा खून लगा दें, खावर ने डॉक्टर से कहा। ठीक है आप लैब में जाकर कुछ ज़रूरी टेस्ट करवा लें, इसके बाद ब्लड बैंक में अपना खून जमा करवा दें, डॉक्टर ने खावर से कहा। वहाँ से चला गया शामिर खावर शामिर के कमरे में गया तो शामिर लेटा छत को घूर रहा था। कैसे हो मेरी जान, खावर ने आगे बढ़कर शामिर के माथे पर बोसा दिया, जिस पर शामिर ने सारी बात खावर को बताई। कहा बाबा नताशा अंकल कैसे हैं, मुझे नताशा के पास जाना है, उठने की कोशिश करने लगा। शामिर अभी आराम से लेटे रहो, तुम्हें खून की ज़रूरत है, मैं ही तुम्हें खून दे सकता हूँ क्योंकि बेरिए का खून ही दूसरे बेरिए को रास आ सकता है, तुम ज़्यादा से ताकतवर हो जाओगे। और रही बात जख्मों की तो मैं सरदार के पास इन जख्मों का मरहम लेने जा रहा हूँ, जिससे लगाते ही जख्म बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। ठीक है बाबा तो जल्दी से जाना लेकर आए। ठीक है मैं अभी अपना ब्लड देने जा रहा हूँ, तुम आराम करो, खावर ने शामिर से कहा, कमरे से निकल गया। खून देने के बाद खावर गाड़ी ड्राइव करके सीधा कबीले के सरदार के पास गया और उन्हें सारी सूरत हाल बताई। कबीले के सरदार ने सब सुनकर कहा चलो शुक्र है तुम लोगों को नताशा तो मिल गई। सरदार ने खावर को एक लेप की तरह की एक मरहम दी और कहा कि ये इन जख्मों पर लगा दो और ये इनके जख्मों पर लगा दो, इनके जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खावर जाने लगा तो उसे कहा ठहरो ये पत्ता भी लेते जाओ, इसको नताशा की नाक के पास करना, नताशा को होश आ जाएगा। और खावर के एक सुरहनी रंग का पत्ता पकड़ा, कहा चलो अब जाओ। खावर में मरहम और पत्ता लेकर वापस अस्पताल आ गया, सीधा इब्राहिम के कमरे की जानेब गया। कमरे में जाने के बाद उसने सोए हुए इब्राहिम को आवाज़ें जगाया, कहा कि तैयार हो जाओ, मैं ये मरहम तुम्हारे जख्म पर लगाने लगा हूँ। खावर ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा बंद किया ताकि कोई अंदर ना आ सके। खावर और इब्राहिम ने मिलकर इब्राहिम की टांग की पट्टी काटी। पट्टी हटाने के बाद इब्राहिम का जख्म साफ नज़र आ रहा था, इब्राहिम को दर्द हो रही थी। लेकिन खावर ने कहा कि मरहम लगाने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा जलन और तकलीफ होगी जो तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। खावर ने वो मरहम इब्राहिम की टांग पर लगाया, मरहम के लगते ही इब्राहिम की चीख निकल गई, जिसके
जिसको इब्राहिम ने मुंह पर हाथ रख के रोका, क्योंकि इब्राहिम को जख्म पर मरहम लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा तकलीफ और जलन महसूस हो रही थी। जैसे ही मरहम लगी, देखते ही देखते इब्राहिम का जख्म ऐसे ठीक होना शुरू हुआ जैसे वहाँ पर कुछ था ही नहीं, हत्या के निशान भी बाकी नहीं रहा और इब्राहिम की टांग बिल्कुल सही सलामत हो गई। जिसे देख कर खावर और इब्राहिम दोनों बहुत खुश हुए। इब्राहिम जल्दी से खड़ा हो गया, चलने लगा। दूर दूर तक इब्राहिम को टांग पर कोई दर्द महसूस ना हुआ। खावर ने इब्राहिम को पत्ते के बारे में बताया जो कि उन्होंने ताशा को सुंघाना था, लेकिन वो पहले दोनों शाहमीर के कमरे की जानी बढ़ गए। इब्राहिम और खावर जब शाहमीर के कमरे में गए तो शाहमीर तकिए के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था, बिल्कुल सही सलामत बेहतर हालत में लग रहा था। शाहमीर को ज़्यादा खून की कमी की वजह से कमजोरी हुई थी जो कि खावर के खून के बायस पूरी हो गई। कैसे हो शाहमीर बेटा, इब्राहिम ने शाहमीर से पूछा। लगा चुका है ठीक ठाक हूँ, कल आप सुनाए ठीक हैं, आपका जख्म ठीक हो गया? शाहमीर ने इब्राहिम से पूछा। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम्हारे बाबा ने जो मरहम लगाया था उससे मेरा जख्म बिल्कुल ठीक हो गया है और ऐसे हो गया है जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं, इब्राहिम ने शाहमीर से कहा। इब्राहिम जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं, अगर नताशा जल्दी होश में ना आई तो वो कोमा में चली जाएगी। खावर ने ये खबर दोनों को सुनाई तो दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा मैं ये मैं नहीं डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कबीले के सरदार से एक ऐसा पत्ता लाया हूँ जिसको सूंघा नताशा होश में आ जाएगी। इब्राहिम जल्दी से शाहमीर के कंधे की पट्टी को उतारो, खावर ने इब्राहिम से कहा। यह सुनकर इब्राहिम ने जल्दी से शाहमीर के कंधे की पट्टी हटाई। देखो शाहमीर, मैं जानता हूँ कि तुम्हें तकलीफ बर्दाश्त करने की हिम्मत है, लेकिन ये मरहम लगाते ही तुम्हें हद से ज़्यादा जलन और तकलीफ होगी जिसको तुम बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाबा आप लगाएं, मैं तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँगा, शाहमीर ने हंसते हुए खावर से कहा। खावर ने आगे बढ़कर शाहमीर के दोनों कंधों पर मरहम लगाए। शाहमीर का चेहरा देखने लगा, जहाँ तकलीफ के कोई भी आसार नहीं थे वो मुतमिन बैठा हुआ था और ये देखकर मुस्कुराने लगा। दिल में सोचा कि मैं ये क्यों भूल गया हूँ कि शाहमीर हमारे कबीले का सबसे ताकतवर भेड़िया है। जैसा कि इब्राहिम का जख्म ठीक हुआ था वैसे ही शाहमीर का जख्म भी मिनटों में सही हो गया, वहाँ कुछ भी बाकी ना रहा। शाहमीर बहुत खुश हुआ और वो तीन अपने कमरे से निकल नताशा के कमरे की जाने बढ़ गए, लेकिन वहाँ पर पहले ही डॉक्टर मौजूद थे जो इन दोनों को सही सलामत चलता देखकर हैरान परेशान रह गए। आप लोगों को तो अभी मुकम्मल रेस्ट की ज़रूरत है, आप लोग सही तरीके से चल कैसे रहे हैं? डॉक्टर ने इब्राहिम की टांग और शाहमीर के कंधे की जानब देखते हुए कहा। जिस पर खावर ने कहा कि ये हमारे बाजदाद के लेप की वजह से हुआ, वो सदियों से जड़ी बूटियां तैयार करते हैं जिसकी वजह से उनके जख्म का दर्द कम हो गया और ये चाल सही चल रहे हैं आसानी के साथ। खावर जख्म बिल्कुल ठीक होने वाली बात बीच में से गोल कर गया। अच्छा लाए मुझे भी दिखाएं, डॉक्टर ने खावर से कहा। जिस पर इब्राहिम ने रोक के साथ कहा, डॉक्टर साहब हम दोनों ठीक हैं, आप अपना काम करें। जिस पर डॉक्टर कंधे झुकाकर कमरे से बाहर चला गया। खावर जल्दी से नताशा के पास गया, शाहमीर और इब्राहिम भी साथ थे। शाहमीर और इब्राहिम नताशा को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। खावर ने जल्दी से नताशा के नाक के आगे पता किया, लेकिन नताशा में कोई हरकत महसूस नहीं हुई। तीनों परेशान से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इब्राहिम ने आगे बढ़कर खावर की हाथ से पता लेकर नताशा की नाक के पास किया, फिर भी कोई हरकत महसूस नहीं की। पास ही खड़ा शाहमीर भी नताशा की जानब देखते हुए बेख्तियार रो रहा था। इब्राहिम ने अल्लाह का नाम लेकर दोबारा वो पत्ता नताशा के नाक के करीब किया तो दूसरी जानब रोते हुए शाहमीर के आंसू के कतरे नताशा के चेहरे पर गिरे तो नताशा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलना शुरू कर दी, जिस पर तीनों ने खामोशी से एक दूसरे की जानब देखा। इब्राहिम जल्दी से नताशा की तरफ बढ़ा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तीनों ने इकट्ठे कहा। नताशा की जानब बढ़ गए नताशा इब्राहिम को देखकर जोर से चीखी बाबा और उनके पास जाकर रोने लगी। बाबा मुझे पता था आप ज़रूर आएंगे, मुझे यकीन था कि आप मुझे बचा लेंगे, बस मेरा बच्चा बस। इब्राहिम ने रोती हुई नताशा को चुप करवाया। इब्राहिम से अलग होकर नताशा की नज़र शाहमीर पड़ी तो दोबारा से रोने लगी और कहा, शाहमीर तुम्हें याद है वो लड़का जो आइसक्रीम पार्लर में हमसे लड़ा था? ये सब उसी ने किया है, जानते हैं हम सब। खावर ने नताशा के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि वक्त पर हम पहुँच गए थे, इसे लड़के और औरत को कैद करवा दिया है जबकि दूसरी लड़कियों को शाहमीर ने आज़ाद करवा के उनके घर पहुँचा दिया। नताशा ने मशगूल नज़रों से शाहमीर को देखा, जिसे शाहमीर नज़रअंदाज करके इब्राहिम की जानिब देखने लगा और कहा, अंकल गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप लोग नताशा को लेकर गाड़ी में आ जाना। ये कहता हुआ शाहमीर वहाँ से चला गया, जिसे तीनों ने महसूस किया। बाबा शाहमीर को क्या हुआ है? नताशा ने इब्राहिम से पूछा, जिस पर खावर ने नताशा से कहा, बेटा वो आपसे बहुत बुरा नाराज़ है। लेकिन क्यों अंकल, मैंने क्या किया है? नताशा ने हैरत से पूछा, जिस पर इब्राहिम ने पहली दफ़ा नताशा पर गुस्सा किया और कहा कि सिर्फ शाहमीर नहीं बेटा मैं भी आपसे नाराज़ हूँ, लेकिन क्यों बाबा, मैंने आखिर किया क्या है? नताशा रोहानसी होकर इब्राहिम से पूछा, आपने बहुत ही बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया है कि बजाय मुझे कॉल करने के या शाहमीर या अंकल खावर को कॉल करने के आपने किसी अजनबी इंसान पर भरोसा करके घर से उसके साथ चलेंगे और देखें नतीजा आपके सामने है, इसलिए शाहमीर आपसे नाराज़ है।
इब्राहिम ने नताशा की जानिब देखते हुए कहा, जिस पर नताशा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहा, सॉरी बाबा आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस पर इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए उसे दोबारा से अपने साथ लगा लिया, कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आइंदा ध्यान रखिएगा। पर बाबा शामीन में मुझसे नाराज़ी से बोले, मुझसे बात कर ले। नताशा ने इब्राहिम से मदद बड़े लहजे में कहा, जिस पर इब्राहिम ने हार जाते हुए कहा, भाई मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, आप जानो या शामीर जाने। अंकल आप ही कहिएगा शामीर को। जिस पर खावर ने भी कहा, बेटा गलती आपकी है तो आपको ही माफ़ी मांगकर शामीर को मनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, नताशा ने मुंह लटकाते हुए कहा, जिस पर दोनों की हंसी निकल गई। इतने में डॉक्टर भी कमरे में नताशा को देखने को आया तो उसको सही सलामत बातें करता हुआ देखता दोबारा हैरान हुआ, कहा कि अभी आधे घंटे पहले तो नताशा बेहोश थी, अचानक कितनी जल्दी होश में कैसे आ गई। जिस पर खावर ने कहा, आपने ही तो कहा था कि अगर अल्लाह ने चाहा तो वो होश में आ जाएगी, तो देखे हमारी बेटी होश में आ गई। जिस पर डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहा, बहुत बहुत मुबारक हो, दूर दूर तक हमें नताशा के होश में आने के चांसेस नहीं थे, लेकिन सही कहते हैं जिसे अल्लाह चाहे उसे शफा दे देता है। ये कहते हुए डॉक्टर कमरे से चला गया। इब्राहिम, तुम नताशा को लेकर गाड़ी में चलो, मैं अस्पताल की ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अभी आता हूँ। जिस पर इब्राहिम ने कहा, ठीक है, नताशा को लेकर अस्पताल से बाहर ले जाने लगा। नताशा इब्राहिम के साथ हॉस्पिटल के बाहर आ गई। सामने शामिर गाड़ी में बैठा उनका इंतजार कर रहा था। दोनों गाड़ी की जानी भर गए। इब्राहिम और नताशा गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गए तो शामिर ने बैक मिरर से नज़र उठाकर नताशा, जहाँ उसकी आंखों में नताशा के लिए बेपनाह मोहब्बत नज़र आ रही थी, जिसे इब्राहिम बासानी देख चुका था, लेकिन नताशा का ध्यान दूसरी जानब था तो शामिर दोबारा से सामने देखने लगा। नताशा ने चोरी चोरी शामिर के चेहरे की जानब देखा, जहाँ चेहरे पर भरपूर संजीदगी के साथ सामने देख रहा था। उसे देखकर नताशा के दिल को कुछ हुआ। उसने सोचा कि उसकी छोटी सी गलती की वजह से छोटी सी उसका शामिर उससे नाराज़ हो गया है। कोई बात नहीं, मैं जाकर मना लूँगी, नताशा ने दिल को समझाते हुए कहा, लेकिन अंदर से वो शामिर की संजीदगी से डर रही थी, क्योंकि आज तक उसने शामिर को इतना संजीदा नहीं देखा था। इतने में खावर सब कुछ निपटा कर वापस आ गया और फ्रंट सीट पर शामिर के साथ बैठ गया। खावर के बैठते ही शामिर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इब्राहिम के घर पहुंचकर चारों गाड़ी से उतरे, अंदर की जानी बढ़ गए। इब्राहिम ने नताशा को कमरे में जाकर आराम करने का कहा, जिस पर नताशा ने कहा, बाबा मैं ठीक हूँ, मैं शामिर के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ, आपको मैं सुन रहा हूँ। जिस पर शामिर ने संजीदगी से नताशा की तरफ देखते हुए कहा, शामिर मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ख्याल रखूँगी, नताशा ने शामिर की तरफ देखते हुए कहा। जिस पर शामिर को अच्छी खासी तब चढ़ गई। ज़ोर से नताशा का बाजू पकड़ते हुए कहा कि छोटी सी गलती, तुम सोच भी सकती हो कि क्या हो जाता अगर हम वहाँ पर टाइम पर ना पहुँच पाते, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे, और तुम इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो। जब मैं कॉल पर तुम्हारे साथ बात कर रहा था तो तुमने बगैर कुछ सुनने कॉल काट दी, बेवकूफ़ लड़की, तुम या तो अंकल को कॉल करती या फिर मेरे आने का इंतज़ार करती, तुम मुँह उठाकर किसी अजनबी के साथ चली गई। मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। शामिर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और हक पर भी था, जिस पर इब्राहिम और खावर ने से कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप उसकी जानी देख रहे थे। साथ शामिर की ये सोचकर ही जान निकल रही थी कि अगर शामिर की बात सुनकर नताशा की आंखों में आंसू आ गए और अपने लिए शामिर की इतनी फिक्र देखकर नताशा के दिल को कुछ हुआ, कहा कि शामिर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और रोने लगी। नताशा के आंसू देखकर शामिर को तकलीफ़ होने लगी और कहा, अच्छा आप चुप कर जाओ, टंकी मैं नाराज़ नहीं, और आंसू ले लगा। जिस पर नताशा गुस्से से उसे देखती ऊपर कमरे में चली गई। नताशा के जाते ही इब्राहिम ने शामिर के कान को पकड़ा, कहा कि आज तो नताशा की गलती थी, इसलिए मैंने तुम्हें उसे डांटने दिया और कुछ नहीं कहा। अगर शादी के बाद तुमने मेरी बेटी को ज़रा सा भी रुलाया तो उल्लू के पट्टे में तुम्हारे बाप का भी लिहाज नहीं करूँगा, और तुम्हारा मुंह तोड़ के तुम्हारे बाप के हाथ में पकड़ा दूंगा। जिस पर शामिर और खावर हंसने लगे, लेकिन उन्होंने शादी वाली बात पर तवज्जो नहीं दी। तो अचानक ही शामिर को इब्राहिम के अल्फाज याद आए। शामिर ने हैरत और खुशी के साथ इब्राहिम की जानिब देखा और कहा, अंकल क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, मैंने सोचा है मैं जल्द अज जल्द नताशा की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा, तुम्हारे साथ ज़्यादा महफूज रहेगी, तुम्हारा प्यार नताशा के लिए मेरे से डका छुपा नहीं हो तो फिर तुमने फैसला कर ही लिया गंदे बेड़े में अपनी बेटी देने का, खावर ने इब्राहिम को छेड़ते हुए कहा, जिस पर वो तीनों हंसने लगे। शामिर से खुशी छुपाए नहीं चुप रही थी, वो नताशा का साथ सोचकर ही खुशी से दीमाना हुआ जा रहा था और बार बार मुस्कुरा रहा था। अचानक इब्राहिम ने शामिर से लड़के और नगमा भाई के बारे में पूछा कि वो लोग कहाँ हैं, क्या तुमने उन लोगों को मार दिया? ये बात करते ही उसके लहजे में नफ़रत भरी हुई थी। नहीं अंकल, मैंने उनको नहीं मारा, जिसको सुनकर इब्राहिम गुस्से से पागल हो गया। शामिर की जानी बढ़ने लगा कि तुमने उन दोनों को छोड़ कैसे दिया जो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने लगे थे। अंकल यह आपने सोच कैसे लिया कि मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा? उन लोगों से मैं आपको कल मिलवाऊंगा, आज ज़रा मेरी इन दोनों के साथ अपॉइंटमेंट है।
ये कहते हुए शाहमीर के लहजे में हद से ज़्यादा वहशत ज़ुफ़ाकियत गिली हुई थी, जिसे इब्राहिम और खावर दोनों ने महसूस किया। खावर तो ये सोचकर ही दहल गया कि शाहमीर उनके साथ क्या करेगा, लेकिन इब्राहिम पुरसकून हो गया क्योंकि वो भी शाहमीर की तरह उनका बहुत बुरा असर देखना चाहता था। अंकल, कल सुबह हम तीनों नताशा को कॉलेज ड्रॉप करके हमारे घर चलेंगे, फिर वहाँ जाकर आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा, लेकिन ज़रा दिल थाम के देखिएगा क्योंकि मैं उनका बहुत शक करने वाला हूँ जो वो काम में भी सोच नहीं सकते, शाहमीर ने मुस्कुराते हुए कहा। और परसों खावर, मैं नताशा और शाहमीर की मंगनी रखना चाहता हूँ, तुम जिनको इन्वाइट करना चाहते हो कर लो। मंगनी के एक हफ्ते बाद शाहमीर और नताशा की शादी रखना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं, इब्राहिम ने खावर की तरफ देखते हुए कहा। न बोला मुझे क्या एतराज़ होगा। हाँ, हो सकता है शाहमीर को कोई एतराज़ हो, एक दफ़ा मुझे बता रहा था कि 4-5 साल बाद शादी करूँगा, खावर ने शाहमीर को छेड़ते हुए कहा। जिस पर शाहमीर ने कहा, खुदा का खौफ करें बाबा, क्यों जालम समाज बन रहे हैं। इस पर तीनों का कहका निकला। शाह इब्राहिम, हमें इजाज़त दो हम तुम आज ही नताशा से पूछ लेना, क्योंकि इसकी रजामंदी होना ज़्यादा लाजमी है। वह शाहमीर को अपना अच्छा दोस्त समझती है, शायद उसे ये बात एक्सेप्ट करते हुए टाइम लगे, इसलिए पहले उसकी रजामंदी होना लाजमी है। खावर ने इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इब्राहिम ने खावर की जानिब देखते हुए कहा। नहीं अंकल, पहले मैं नताशा से उसके दिल की बात जानना चाहता हूँ, क्या वो मेरे बारे में अपने दिल में क्या जज्बात रखती है, इसके बाद आप उससे पूछ लीजिएगा, और ये बात मैं खुद आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, इब्राहिम ने शाहमीर से कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अच्छा फिर अंकल, खुदा हाफिज़। शाहमीर और खावर इब्राहिम के घर से निकलकर अपनी गाड़ी में आ बैठे और अपने घर की जानिब चल पड़े। दूसरी जानिब नताशा कमरे में आकर शाहमीर के बारे में सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी। नताशा शीशे के सामने जा खड़ी हो गई, अपने आप को शीशे में देख रही लगी। नताशा, क्या तुम्हें शाहमीर से प्यार हो गया है, वो अपने आप से सवाल करने लगी। और उसे शाहमीर का अपने लिए फिक्रमंद होना याद आ गया तो उसके दिल में हल्की सी गुदगुदी हुई और उसने कहा, हाँ शाहमीर, हाँ मैं शाहमीर से मोहब्बत करने लगी हूँ। इसके साथ ही नताशा के गाल सुरख हो गए, वो शर्मा गई। इब्राहिम के घर से वापस आने के बाद शाहमीर ने खावर से कहा कि बाबा आप कमरे में जाएं, मुझे ज़रा कुछ काम है, जिसे खावर समझकर खामोश हो गए, सर हिलाकर अपने कमरे में चला गया। शाहमीर तहखाने की जानी बनने लगा, सीढ़ियाँ उतरकर शाहमीर ने कमरे का खोला तो नगमान वलड़का जंजीरों में बंधे थे। शाहमीर ने अस्पताल से आते वक्त अपने मुलाजमों से कहा कि दो लोग तहखाने में बंद हैं, मेरे उन्हें मेरे अंदाज में जंजीरों में बांध रहे। उन्होंने ऐसा ही किया, शाहमीर के आने से पहले इन दोनों को जंजीरों में बांध दिया। जब शाहमीर कमरे की जानी बढ़ा तो नगमा और वो लड़का दोनों होशोबाज में मौजूद थे, ओ हो तो जाग रहे हो दोनों, शाहमीर ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखकर कहा। शाहमीर आगे बने लड़के के सर के बाल पकड़ते हुए कहा कि तुम्हें पता है तुमने किसकी होने वाली बीवी पर निकाह डाली है, बड़ा शौक है ना तुम्हें लड़कियों पर अपनी गंदी निगाह डालने का, तो चलो आज तुम्हारी निगाहों का इलाज करते हैं। ये कहते ही शाहमीर ने उसके सर को छोड़ा था, हमने दीवार के बने टेबल की दराज में से थैला निकाला जिसमें से उसको टॉर्चर टूल्स रखे थे। शाहमीर ने उस थैले में से एक लंबी नोक वाला जीप था तैयार निकाला, इसे लेकर लड़के की जानी बढ़ने लगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, शाहमीर ने लड़के से पूछा तो उसने डरते डरते कहा मेरा नाम सलीम है। अच्छा चलो शहजादा सलीम, तुम्हें तुम्हारी हरकत का इनाम दिया जाए, मुझे हाथ भी मत लगाना, तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है, वो तुम्हें उठवा लेगा, सलीम ने शाहमीर को डराते हुए कहा, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। दूसरी जानिब नगमा का भी डर से बुरा हाल हो रहा था, तुम जिंदा बचे हुए तो किसी को बुलाओगे ना, शाहमीर ने सलीम की जानिब देखते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा, सलीम ने शाहमीर की जानिब देखते हुए कहा तो उसने कहा, ये लो मतलब देख लो, ज़ोर से वो हथियार उसकी आँख में मारकर उसकी आँख निकाल दी, जिससे उसकी चीखें पूरे तहखाने में गूंज रही थी। तहखाना साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी चीखें अपने कमरे में बैठे खावर के कानों में गईं तो वो और भी पुरसकून हो गया, क्योंकि वो भी उनका बुरा अंजाम देखना चाहता था, लेकिन इस बात से अनजान के उसकी सोच से भी बुरा हाल शाहमीर उनका करने वाला था। सलीम की आँख निकालने के बाद शाहमीर उसकी दूसरी आँख के जाने बनने लगा था, उससे रहम के भीख मांगने लगा, जिस पर उसने गुस्से से उसे देखा, किस मुँह से तुम रहम की भीख मांग रहे हो, तुम लोग रहम करते हो किसी की माँ बहन बेटी के साथ, अरे तुम जैसे लोग तो 5 से 6 साल की बच्चियों को नहीं बख्शते, तो अब किस मुँह से रहम की भीख मांग रहे हो, गलती हमारे माशरे में कानून की नहीं है, क्योंकि आजकल तो हर तरफ रिश्वत सूदखोरी और हराम का पैसा कमाने की हवस चली हुई, यहाँ इंसाफ मिलते मिलते या तो गरीब मर जाता है या उसका पैसा उसका घर हर बार हर चीज़ बिक जाती है, और अफसोस इंसाफ फिर भी नहीं मिलता इस माशरे में। कानून साजी करने वाले इदारे दूसरे लोग सिर्फ तमाशा ही बने होते हैं, तुम लोगों के पैसे पे पल रहे होते हैं, इसलिए तुम लोगों को जेल भेजने के बजाय मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि वहाँ से तुम लोग बआसानी छूट सकते हो। लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद ज़रा सोचा है कि अगर इसकी जगह तुम्हारी बहन या बेटी होती तो क्या फिर क्या होगा, बात सिर्फ नताशा की नहीं या मेरी बीवी होने की नहीं है, बात के लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की है, कभी इस इंसान ये कहते हुए शाहमीर ने उसके मुंह पर
एक ज़ोरदार तमांचा मारा। अगर मैं तुम लोगों को जेल भिजवा देता ना तो मेरा इंतकाम पूरा होता, ना ही तुम लोगों को तुम्हारी औकात पता चलती। मेरा मानना यह है कि गरीब इंसान इंसाफ मांगने के बजाय उसी टाइम मौका पर अपने मुजरम को वहीं मार दे। वैसे भी तो इंसाफ मांगने के चक्कर में सारी ज़िंदगी ख़त्म ही करनी है, तो इससे अच्छा है कि अगले को मारकर चला जाए। कम से कम दिल को सुकून होगा कि उसकी बहन बेटी का मुनसाफ खुद ले चुका है। यह कहते हुए शामीर ने उसकी दूसरी आंख भी निकाल दी। उसकी दोनों आंखें निकल चुकी थी और उसमें गहरा सुरख सियाल निकल कर उसके पूरे मुंह को भिगो चुका था। इसकी चीखें पूरे तहखाने में गूंज रही थी। वो तकलीफ की शिद्दत के साथ बेहोश हो चुका था। इसके बाद शामीर नगमा की जानिब बढ़ा, जबकि तब तक नगमा भाई होश में आ चुकी थी और शामीर की जानिब देखकर गिड़गिड़ाने लगी कि खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बेतहाशा पैसे दूंगी, मेरे पास बहुत पैसा है। नगमा ने शामीर की जानिब देखते हुए खौफजदा लहजे में कहा, चुप कर जा जलील। और साथ ही नगमा के मुँह पर तमाचा मारा जिससे उसका होंठ फट गया। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन तुम एक औरत कहलाने के भी लायक नहीं। तुम तो डाइनों से भी बदतर हो, जो कि औरत होकर मासूम बच्चियों का सौदा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। और कौन सा हाथ हमने उठाया था नताशा पर, शामीर ने वहशत के साथ मुस्कुराते हुए नगमा की जानिब देखते हुए कहा। शामीर दराज के पास दोबारा गया, एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाकर ले आया। ये वाला ना, शामीर ने उसका सीधा हाथ पकड़ते हुए कहा, जोर से एक ही जरब के साथ उसका बाजू काट कर फेंक दिया, जिससे नगमा की चीखें पूरे तहखाने में गूंजने लगी, जिसे वो बहुत इंजॉय कर रहा था। इसके बाद उसने उनके साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में ख्वाब में भी सोच नहीं सकते थे। वो सब करने के बाद शामीर ने उन्हें वहीं पर छोड़ा। तहखाने का दरवाज़ा बंद करता हुआ ऊपर अपने कमरे में आकर अपने कमरे में हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर शामीर खावर के कमरे में गया। आ बेटा, खावर ने शामीर को दरवाजे से अंदर आते देखा। हाँ तो सबक सिखा दिया उनको, मुझे उनकी चीखों की आवाज़ आ रही थी, इन्हें खूब मारना था डंडों के साथ ताकि वो याद रख सके। खावर की बात सुनकर शामीर मुस्कुराने लगा, कहा बाबा आप सिर्फ मुझे इतना ही जानते हैं, इन्होंने मेरी मोहब्बत पर अपनी गंदी निगाह डाली। बात सिर्फ नताशा की नहीं बल्कि उन्होंने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं मैं नताशा को अंकल इब्राहिम से ज़्यादा जुनूनियत वाली मोहब्बत करता हूँ, शामीर ने खावर की जानिब देखते हुए कहा। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं, मैं उन्हें बहुत ही कम तकलीफ दूँगा, क्या मतलब है तुम्हारा, उसने खावर ने शामीर की तरफ देखते हुए कहा। सब मतलब समझ आ जाएगा बाबा, कल तक इंतज़ार करें, शामीर ये कहता हुआ खावर के कमरे से बाहर आकर अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन खावर और शामीर इब्राहिम के घर चले आए। नताशा नाश्ते से फारिग हो चुकी थी। इब्राहिम पास बैठा अखबार पढ़ रहा था जब शामीर और खावर लॉन्च में दाखिल हुए। अस्सलामुअलैकुम खावर, उन दोनों ने मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, इब्राहिम ने जवाब दिए। चले अंकल हमारे साथ, मैंने आपको आज कुछ दिखाना था। शामीर ने आते इब्राहिम से मुखातिब हुआ, चलो चलते हैं। इब्राहिम ने बताबी से कहा, वो जानता था कि शामीर इससे इन दोनों के पास लेकर जा रहा है। इब्राहिम ने उनको अपने हाथों से सजा देना चाहता था। चले लेकिन इससे पहले हम तीनों नताशा को कॉलेज ड्रॉप कर दे, फिर इसको वापस घर छोड़ कर मुझे दोबारा कॉलेज जाना है, और कॉलेज से आते वक्त मैं नताशा को अपने दिल की बात बता दूंगा। शामीर ने इब्राहिम की जानिब देखते हुए कहा, हाँ ठीक है जैसे तुम कहो, मैं भी नताशा को आवाज़ देता हूँ। अपने कमरे में जाने के लिए तैयार हो रही थी, इतने में खुद ही नताशा सीढ़ियाँ उतरती हुई नजर आई और आते ही तीनों को सलाम किया। चले शामीर ने नताशा से पूछा तो कहा, हाँ चलो वो चारों गाड़ी में बैठ के। तो नताशा ने कहा कि आप लोग साथ जाएंगे, जिस पर इब्राहिम ने कहा, नहीं बेटा हमें रास्ते में कुछ काम है, आपको शामीर कॉलेज छोड़ कर दोबारा वापस कॉलेज आ जाएगा। ओके पापा, नताशा ने सर हिलाया। शामीर ने गाड़ी स्टार्ट की, चलाने का सारे रास्ते चारों आपस में हंसी मजाक करते रहे, बातों में पता ही नहीं चला कब कॉलेज आ गया। नताशा गाड़ी से उतरी तो साथ में इब्राहिम भी उसके पीछे गाड़ी से उतरा। उन सबको कहा कि मैं नताशा को छोड़कर आता हूँ, उसके प्रिंसिपल से बात करता हूँ कि कोई भी नताशा को परेशान मत करें क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है आप जाएं। शामीर ने कहा, हम आपका बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं। इब्राहिम नताशा को लेकर कॉलेज के अंदर चला गया और सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की जानिब बढ़ा। प्रिंसिपल इब्राहिम को देखकर खड़ा हो गया, कहा ये सर बैठे। तो इब्राहिम ने कहा, मैं यहाँ बैठने ही आया, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि नताशा मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़रा ध्यान रखने से कोई परेशान मत करे। पहली दफ़ा तो मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन इस बारे में किसी को माफ़ नहीं करूँगा। इब्राहिम ने सर्द नज़रों से प्रिंसिपल की जानिब देखते हुए कहा, जी सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, पिछली बार भी तुमने कुछ ऐसा ही कहा था। इब्राहिम ने प्रिंसिपल की जानिब देखते हुए कहा, नहीं सर इस दफ़ा मैं खुद इस बात का ख्याल रखूँगा, प्रिंसिपल ने इब्राहिम से कहा। पास ही दो कुर्सियों पर वो दोनों लड़के भी बैठे थे, जिसको देखकर इब्राहिम को कुछ अजीब सा लगा लेकिन वो इग्नोर कर गया। नताशा भी उनकी जानिब देखकर रुख मोड़ गए, ये वही लड़का था जो इस दिन उसे ग्राउंड में मिला था। इब्राहिम अपनी बात मुकम्मल करके नताशा को लेकर बाहर आ गया और कहा, बेटा कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो तो मुझे बता देना, अभी थोड़ी देर में शामीर आपके पास आ जाएगा।
मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नताशा ने मुस्कुराकर इब्राहिम की जानिब देखते हुए कहा, ओके बेटा अल्लाह हाफिज़ इब्राहिम। नताशा को खुदा हाफिज़ कहकर वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। इब्राहिम के जाते ही नताशा बेंच पर जाकर बैठ गई और अपनी बुक्स निकाल कर उनको देखने लगी। हेलो, वही लड़का दोबारा नताशा के पास आकर बैठ गया, जिसे नताशा ने नागवार नज़रों से उसकी तरफ़ देखा। आखिर तुम्हारा मसला क्या है, क्यों तुम बार बार मेरा पीछा कर रहे हो? नताशा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता आपका बुरा लगेगा। दरअसल मेरी एक बहन थी जिसकी डेथ हो गई है, उसकी शक्ल आपसे बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए मैं आपकी तरफ खींचा चलाया। ओ आई एम रियली सॉरी। नताशा ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई, उससे माफ़ी मांगने लगी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि एक लड़की के लिए मुश्किल होता है कि वो लड़का उसका पीछा करे। कोई बात नहीं, आज से मैं आपकी बहन बन जाती हूँ। भाई आप फिक्र मत करें, नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकता। मैं आपसे बात करूँगा तो मुझे आप में अपनी बहन नज़र आएगी, लड़के ने मुस्कुराकर नताशा की जानिब देखते हुए कहा। नहीं भाई, शुक्रिया किस बात का, मुझे तो इस बात की खुशी होगी कि मैं आपकी बहन की कमी को थोड़ा सा पूरा कर पाऊँगी। नताशा अपने नरम दिल होने के बाद लड़के से कहने लगी, आपका नाम क्या है? नताशा ने लड़के से पूछा, जिस पर लड़के ने बताया, मेरा नाम ताबिश है। अच्छा ताबिश भाई, मैं अपनी क्लास लेने जा रही हूँ, आपसे दोबारा बात होगी। ठीक है छोटी सिस्टर, आप जाए, आराम से दोबारा बात होगी, ताबिश ने नताशा को जाते हुए कहा। नताशा के जाने के बाद एक और लड़का ताबिश के पास आया और कहा, हाँ फिर काम हुआ कि नहीं? जिस पर ताबिश ने खबासत से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा खासा काम हो गया है। असल में वो दोनों लड़के ताबिश और ड्राइवर होते हैं, इन दोनों ने भी कॉलेज में दाखिला लिया होता है लोगों को शिकार बनाने के लिए। वो जानते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई भेड़िया लाजमी मौजूद हैं, इसलिए इन्होंने एक ऐसी जड़ी बूटी ढूंढी थी जिससे उनके वैम्पायर होने की खुशबू उनसे छुप गई थी, इसलिए उन्हें इस दिन से शामीर पहचान नहीं पाया था। जब शामीर उनको इस बच्चे को साथ ले जाते देखा, तब उन्होंने हुडी पहनी हुई थी जिससे उनके चेहरे छुपे हुए थे, इसलिए शामीर उनको देख नहीं पाया और जड़ी बूटी होने की वजह से उस दिन उनकी खुशबू शामीर को महसूस नहीं हो सकी। उस दिन नताशा को मासूम लड़की समझकर ताबिश उसके पास हाय हेलो करने के लिए गया, लेकिन पीछे से शामीर के आने के बाद वो गुस्सा करते हुए वहाँ से चला गया। वैम्पायर्स को ये कभी पता नहीं चलता कि इंसान के रूप में भेड़िया मौजूद है, वो सिर्फ उनको जानते थे जिनको वो भेड़िए के रूप में देख चुके होते हैं। ताबिश और ड्राइवर सिर्फ कावर इब्राहिम के भेड़िया होने के बारे में जानते थे। आज जब वो किसी काम के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में आए तो वहाँ पर इब्राहिम को दोनों ने देखा तो दोनों चौंके काफ़ी। उसके बाद उन्होंने इब्राहिम को देखा था, इब्राहिम के साथ उन्होंने नताशा भी खड़ी नजर आई। जब इब्राहिम ने बताया कि ये मेरी बेटी है तो दोनों की आँखें इंतकाम से लाल हो गई कि इस लड़की की वजह से हमारे पाप को इन भेड़ियों ने मारा। इन्होंने अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया, चुपचाप बैठे रहे। इब्राहिम के जाते ही वो दोनों भी ऑफिस से बाहर निकल आए। इब्राहिम और नताशा को जाते देखकर उनकी पुश्त को खूनखान नज़रों से घूमने लगे। ड्राइवर ने ताबिश से कहा कि ये वक्त जोश से नहीं और से काम लेने का है, हमें अपने बाप की मौत का इंतकाम इब्राहिम से इस अंदाज से लेना है कि उसकी रूह कांप जाए। हमें इब्राहिम की कमज़ोरी को ढूंढना है जो कि हमें मिल गई, इसकी बेटी ही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हम उसकी बेटी के ज़रिए इसको अजियत पहुँचा कर कमज़ोर करेंगे, फिर इसकी उसको मौत के घाट उतार देंगे। इसी तरह उसके दोस्त खावर को भी हम मार देंगे, ड्राइवर ने ताबिश की जानिब देखते हुए कहा। लेकिन इससे पहले हमें एक प्लान की ज़रूरत है जिससे हम नताशा को शीशे में उतार सकें, क्योंकि इब्राहिम ने इसकी सिक्योरिटी बहुत मजबूत कर रखी है, ड्राइवर ने ताबिश से कहा। इस बात की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देखो कैसे नताशा को अपनी बातों में जाकर उसको अपने साथ लगाता हूँ, ताबिश ने मुस्कुराते हुए कहा। नताशा के पास जाकर बहन वाला ड्रामा करके उसे अपनी बहन बना लिया। नताशा इन सबसे अनजान अपने रम दिल होने के वजह से उसको अपना भाई बना बैठी। दूसरी जानिब शाहमीर इब्राहिम और खावर को अपने घर लेकर आया और इन्हें तहखाने की जानिब ले जाने लगा। तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचकर शाहमीर ने चाबी के साथ तहखाने का दरवाज़ा खोला और इब्राहिम और खावर को अंदर आने का कहा। तहखाने में काफ़ी अंधेरा था, जिस पर खावर ने उसको लाइट जलाने का कहा तो शामी ने आगे बढ़कर लाइट जला दी। इब्राहिम और खावर ने सामने दीवार के साथ बंधे हुए दो वजूदों को देखा तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। जी तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज़ अंकल, कि आप इससे भी ज़्यादा बुरी हालत इनकी देख कर सकते थे? शामी ने दरिंदगी से मुस्कुराते हुए इब्राहिम की जानिब देखते हुए कहा। उनकी हालत देखकर एक दफ़ा इब्राहिम को भी दहशत सी आ गई, जबकि खावर फटी आँखों से सब कुछ देख रहा था। सामने नगमा और सलीम जिंदा तो थे लेकिन इनकी हालत बहुत बुरी थी। सलीम की दोनों आंखें शामीर निकाल चुका था, जबकि नगमा के दोनों बाजू शामीर ने काट दिए थे। यही नहीं, शामीर ने उनके जिस्म पर मीठी कोई चीज़ लगा दी थी और इसके ऊपर मोटे मोटे कीड़े छोड़ दिए थे जो इनके जिस्म को नोच नोच कर खा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा जिस्म के अंदर भी घुस गए थे। उनकी शक्लें बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। नगमा और सलीम दोनों बेहोश थे। शामीर ने इब्राहिम से पूछा,
अंकल क्या आप कुछ और चाहते हैं या जो मैं करना चाहता हूँ वो कर लूँ? जिस पर इब्राहिम ने कहा नहीं काफ़ी है जो तुम करना चाहते हैं कर लो, दूसरी जानी मुँह कर लिया। शाहमीन ने फ़ोन किया तो दो चार आदमी अंदर आए, उन्होंने कहा कि इन दोनों को उठाकर ले जाओ बाहर किसी कचरे में फेंक दो। उन्होंने ऐसा ही किया, इन दोनों को उठाकर बाहर लेकर शहर के सबसे बड़े कचरा कंडी में दोनों को फेंक दिया। वो दोनों अभी जिंदा थे। खावर ने शाहमीन से ये करने की वजह पूछी तो शाहमीन ने कहा कि मुझे ये भी पता लगा था कि ये औरत जिन लड़कियों के घर बेटे पैदा होते थे ये उनके बेटे ऐसे ही कचरे में फेंक देती थी जबकि इनकी लड़कियों को पालती थी अपना कोठा चलाने के लिए। और ये सलीम छोटे छोटे बच्चों को अंधा या लूला लंगड़ा करके उनसे बींग मंगवाता था। इसका पूरा कारोबार पूरी माफिया थी जिसका सरगना ये खुद था। ये लोग मरेंगे नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी ऐसे ही बींग मांग कर गुजारेंगे। शाहमीन ने नफरत से कहा और तय खाने से बाहर चला गया जिसके पीछे इब्राहिम और खावर भी बाहर आ गए। आज खावर इब्राहिम को अंदाज़ा हो गया था कि शाहमीन इन दोनों से भी खतरनाक और खूंखार बेरिया है। अच्छा अंकल, अब के जब हर चीज़ ठीक हो गई है तो कल आप मंगनी का अरेंजमेंट करें। आज मैं नताशा से दिल की बात कर लूँगा और मुझे पूरा यकीन है कि नताशा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी। शाहमीन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बात से अनजान के अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। नताशा को यकीन नहीं आ रहा था कि इसका शाहमीन मिलने वाला है। जब बाबा ने इसको रिश्ते के बारे में बात की तो एक पल के लिए नताशा का दिल बंद हो गया। उसका दिल किया कि वो फ़ौरन इनकार कर दे लेकिन बाबा की खुशी की वजह से उसने कुर्बानी देने का सोच लिया। लेकिन अगले ही पल जब इब्राहिम ने शाहमीर का नाम लिया तो नताशा को अपने कुव्वत समाअत पर यकीन नहीं आया। लेकिन जब इब्राहिम ने मुस्कुराकर उसे बताया कि वो उसकी शादी शाहमीर से करने जा रहे हैं तो नताशा की जान में जान आई। वो शर्माती हुई अपने कमरे की जानिब चली गई और शाहमीर के साथ आने वाले वक्त को याद करके मुस्कुराने लगी और सपने बुनने लगी। दूसरी जानिब शाहमीर और खावर ज़ोरों शोर से तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। आफ्टरऑल खावर का एक बेटा था और इब्राहिम की भी एक ही बेटी थी, इसलिए दोनों की शादी मंगनी धूमधाम से करना चाहते थे। इब्राहिम ने अपने ऑफिस के सब वर्कर्स को इनवाइट किया था और शहर के जाने माने बिजनेसमैन और मीडिया को भी मधु किया था। खावर ने अपनी फैमिली अपने कबीले में से सबको मधु किया और शाहमीन ने अपने चंद गिने चुने दोस्तों को इन्वाइट किया। अपने कज़न अली का था जो कि उसी की तरह एक बेरिया था लेकिन वो ज़रा कम ताकतवर बेरिया था। अली शाहमीर का बेस्ट फ्रेंड सबसे अच्छा कज़न भी था। इब्राहिम और खावर ने मिलकर वेन्यू फाइनल किया। जिस होटल में नताशा और शाहमीर की मंगनी होना थी वो शहर का सबसे महंगा होटल था। शाहमीर ने इस होटल को इस कदर खूबसूरत डेकोरेट करवाया था कि जो भी देखता रह जाता। मंगनी से एक दिन पहले इब्राहिम ने नताशा को कहा था कि वो जिसको इनवाइट करना चाहती है कर ले, जिस पर नताशा ने कहा कि वो अपनी एक दोस्त को इनवाइट करेगी क्योंकि बस वही उसकी एक दोस्त है। नताशा ने इब्राहिम को ताबिश के बारे में बताया और कहा, बाबा ताबिश मुझे अपनी बहन समझता है, मैं ताबिश को भी इनवाइट करूंगी। जिस पर इब्राहिम ने उसे खुशी से इजाज़त दे दी। उसने मैसेज पर दोनों को पैगाम दिया जिस पर बड़ा बहुत खुश हुई। लेकिन ताबिश के माथे पर बल आ गए कि ये कहानी किस मोड़ को जा रही है। अगर उसकी शादी हो गई तो हमारा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। जिस पर डेविड ने कहा कि तुम हौसला करो, टेंशन मत लो, होगा वही जो हमने सोचा है, तुम बस जाने की तैयारी करो और हाँ मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, हो सकता है लगे हाथ कोई शिकार ही कर ले। डेविड ने ताबिश को देख कर आँख मारी। दोनों मुस्कुरा पड़े। दूसरी जान मुबर्रा बहुत ही ज़्यादा पुरजोश और खुश थी क्योंकि उससे नताशा और मुबर्रा की शाहमीर की जोड़ी बहुत ही प्यारी लगती थी। अगले दिन मुबर्रा सुबह नताशा के पास पहुंच गई। मुबर्रा ने आते ही नताशा को ज़ोर से गले से लगाया, मुबारकबाद दी, जिस पर वो शर्मा गई। तुम्हारा मंगनी का ड्रेस किधर है, मुझे जल्दी से दिखा, मुबर्रा ने नताशा को खींचते हुए कमरे में ले जाते हुए कहा, जिस पर नताशा ने शर्माते हुए कहा कि मंगनी का ड्रेस शाहमीर कह रहा था वो खुद अपनी पसंद का लेकर आएगा, मैंने उसे कहा था कि मुझे शॉपिंग पर ले चलो लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं अपनी पसंद की हर चीज़ लेकर आऊँगा। ओहो, अभी से ही इतनी मोहब्बत तो बाद में क्या होगा, मुबर्रा ने नताशा को छेड़ते हुए कहा, जिस पर नताशा ने उसकी कमर में मुक्का जार दिया। वो दोनों हंसी मजाक कर रही थी, उन्हें वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हो सका। इतनी देर में इब्राहिम ने मुलाजमा को नताशा को बुलाने को कहा। नताशा मुबर्रा को कमरे में बिठाकर इब्राहिम की बात सुनने के लिए गई। जी बाबा बोले इब्राहिम के पास जाकर नताशा ने कहा, नताशा बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम और मुबर्रा को मैं सैलून छोड़ने जा रहा हूँ, तुम लोग वहाँ से रेडी होकर मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें अगेन पिक करने आ जाऊँगा। ठीक है बाबा, नताशा और मुबर्रा इब्राहिम के साथ गाड़ी में बैठकर सैलून तैयार होने के लिए चले गए। इब्राहिम उन दोनों को सैलून छोड़कर वापस घर आ गया और आकर खामोशी से अपने कमरे में चला गया। आज इब्राहिम का दिल उदास था, वो जानता था कि एक हफ्ते के बाद वो अपने जिगर के गोशे को रिक्सत कर देगा। इब्राहिम ने बेशक नताशा को गोद ही क्यों ना लिया हो लेकिन वो नताशा को इतनी मोहब्बत करता था कि जितना उसका बाप भी नहीं कर सकता था। आज इब्राहिम का दिल बहुत उदास था, पता नहीं क्यों इतनी प्यारी बच्ची को किसी ने फेंक दिया और कैसे हौसला पैदा हो गया। इब्राहिम ने सोचने लगा कि माशरे में यह नसूर आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा है, कुछ पढ़े लिखे और दीन इस्लाम को जानने वाले लोग बेटियों को रहमत और खुशी तसव्वुर करके उनको दिलो जान से कबूल करते हैं लेकिन आज भी कहीं कहीं जहालत की इंतहा है। बेटी एक से ज़्यादा पैदा होने पर या फिर एक ही पैदा होने पर फेंक दी जाती है और तसव्वुर किया जाता है कि यह कौन सा बड़ा होकर हमें कमा कर देगी।
उल्टा ये हमारे लिए गले का तोक बनेगी कि इसको जहेज बना कर देना पड़ेगा। और ऐसा बहुत से जहाँ लोगों का ख्याल है, लेकिन जैसे जैसे माशरा तरक्की पजीर होता जा रहा है, लोगों में शऊर पैदा होता जा रहा है कि बेटी भी बेटियों के बेटों की ही तरह होती हैं, बस इंसान की सोच सोच का फ़र्क होता है। लेकिन आज भी कई यतीम खानों में काफ़ी ऐसे चूल्हे मौजूद हैं जहाँ पर लोग अपनी बेटियाँ दे जाते हैं या फिर उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, ये सोचे बगैर कि इस बच्चे की ज़िंदगी में बचपन का ये सानिया और हादसा किस तरह हम असरअंदाज होते हैं या सारी ज़िंदगी के लिए वो बच्ची किस मरहूमी का शिकार हो जाती है। इसीलिए इब्राहिम ने नताशा को कभी ये बनक नहीं पड़ने दी कि इब्राहिम ने उसे जंगल से उठाया था। वो कभी भी नहीं चाहता था कि नताशा को इस बात का इलम हो और वो भी दूसरे बच्चों की तरह एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। जो मर्ज़ी हो जाए, कोई किसी बच्चे को जितना मर्ज़ी प्यार कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ये महरूमी और एहसास कमतरी उसको अजियत पहुंचाती रहती है कि आखिर उसका कसूर क्या था। इब्राहिम इन्हीं सोचों में गुम था कि उसने अपने बेड के साइड टेबल की दराज से एक तस्वीर को निकाला और अपनी आंखों के सामने किया। इब्राहिम की आंखों में दो मोती टूटकर गिर गए। सनम ने उसके साथ चाहे बहुत बुरा किया था, उसकी मोहब्बत का जवाब बेवफाई और बेरुखी से दिया था, लेकिन उसके मरने के बाद आज भी इब्राहिम उसको अक्सर याद करके गमगीन हो जाता था। नताशा की मोहब्बत देख कर कभी कभी इब्राहिम को ये भी दुख और तकलीफ होती कि अगर आज सनम जिंदा होती और उसके साथ बेवफाई ना करती बल्कि उसको इसी की तरह चाहती तो इब्राहिम का एक अपना प्यारा सा खानदान होता। इब्राहिम ने दोबारा इस तस्वीर को दराज में डाल दिया और बेड पर लेट कर गहरी सांसें लेने लगा। बेशक नताशा खावर शाह मीर के पास ही जा रही थी, लेकिन इब्राहिम से दूर होकर दूसरे घर में नताशा को रुखसत हो जाना था, जिससे इब्राहिम के दिल को तकलीफ पहुंच रही थी। लेकिन आज तक बादशाह भी अपनी बेटियों के घर पर नहीं रुक सके तो फिर वो तो इब्राहिम की बेटी थी। यही सोचकर इब्राहिम नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। इब्राहिम जब नहा कर निकला तो उसने अलमारी में से अपना 3-पीस सूट निकाला और पहने लगा। तैयार होकर इब्राहिम ने शीशे की जानिब एक नज़र मारी। इतने साल गुजरने के बाद भी इब्राहिम मर्दाना वजाहत का शाहकार था। इब्राहिम अपने आप पर परफ्यूम का छिड़काव कर रहा था कि उसका मोबाइल बजने लगा तो दूसरी जानिब नताशा का फ़ोन था, जो कि इब्राहिम को कह रही थी कि हम रेडी हो गए, हमें आकर ले जाएं। ओके बेटा, मैं भी आया, इब्राहिम ने नताशा को फ़ोन पर कहा और कार बंद करके उन्हें पिक करने के लिए चला गया। दूसरी जानिब शाहमीर और खावर होटल में पहुँच चुके थे। खावर भी कुछ कम नहीं था, वो भी अच्छा खासा हैंडसम था। शाहमीर और खावर बार बाप बेटा कम जबकि भाई भाई ज़्यादा लग रहे थे। शाहमीर ने ब्लैक कलर का डिनर सूट पहना हुआ था जिसमें उसकी सबज आंखें चमक रही थी। इतने में शाहमीर का कज़न अली भी आ गया और शाहमीर से गले मिलने लगा और कहा, भाई यार बड़े छुपे रुस्तम निकले, बैठे भी टाइम मंगने करवाने लगे हो, बताया भी नहीं, मैं ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर का गया, तुमने तो पीछे से अपनी महबूबा ढूंढ ली। जिस पर शाहमीर ने कहा, बकवास मत कर, तुम्हें पता तो है मैं बचपन से ही नताशा को चाहता हूँ। जानता हूँ मेरे बाप, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अली ने हंसते हुए कहा। अच्छा शाहमीर, इन दोनों वैम्पायर्स का क्या बना, अली ने संजीदा हुए शाहमीर से पूछा। जिस पर शाहमीर ने मुठियाँ भींच ली और कहा, बस इस शादी से फारिग होकर इन्हीं का काम तमाम करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अब मैं भी आ गया हूँ तो मिलकर उनको जहन्नम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। शाहमीर ने भी पूर अजम लहजे के साथ कहा। शैयार बाबी का है, नज़र नहीं आ रही, अली ने शाहमीर की जानिब देखते हुए पूछा। शाहमीर आगे ही नताशा का इंतज़ार करके तपा हुआ बैठा था। अली की बात सुनकर मजीद तप गया कि यार मैं भी तेरे सामने उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि होटल की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। कैमरा मैन ने स्पॉटलाइट सामने होटल की एंट्री की तरफ मारी तो सबकी निगाहें वहाँ उठ गई। सामने से नताशा मुबर्रा इब्राहिम के हमरा चली आ रही थी। लाइट पिंक और पीच कलर के कॉम्बिनेशन पर सिल्वर और डायमंड का नफीसा काम किया गया था। इसके ऊपर लाइट से मेकअप में अपनी नीली आंखों के साथ नताशा का हेड डाल रही थी। शाहमीर ने आज तक इतनी खूबसूरती पहले कहीं नहीं देखी थी। नताशा का ड्रेस शाहमीर ने ही सिलेक्ट किया था, लेकिन शाहमीर को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि नताशा इतनी खूबसूरत लगेगी। शाहमीर नताशा को देखता ही रह गया। दूसरी जानिब अली नताशा के साथ खड़ी कन्फ्यूज मुबर्रा को देख रहा था। देखते ही मुस्कुराने लगा। खावर उन दोनों के पास आया। शाहमीर खुले मुंह से नताशा की जानिब देख रहा था जबकि अली मुस्कुराकर मुबर्रा की जानिब देख रहा था। खावर ने शाहमीर का मुंह बंद करते हुए कहा, अब एक गधो, तुम दोनों यहाँ पर तारने में मसरूफ़ है, इब्राहिम यहाँ पर ही मौजूद है। शाहमीर, अगर इब्राहिम ने तुम्हें इस तरह नदीदों की तरह नताशा की जानिब देखते हुए पकड़ लिया तो तुम्हारी आँखें निकाल कर इनके साथ कंचे खेलेगा। निकाह से पहले इसे नदीदों की तरह घूर रहे हो, आज ही निकाह ना करवा दो तुम्हारा, खावर ने शाहमीर से मुस्कुराकर पूछा। जिस पर वो हंसने लगा, कहा, बाबा नेकी और पूछ ये ज़रा लगे हाथ, मेरा भी कबूल करवा दें, अली ने खावर से कहा। जिस पर खावर ने हल्की सी चपत उसके सर पर की और अब बेड़ियों का सारा खानदान ही इंसानों में से लड़कियाँ लाएगा और तीनों हंस लेंगे। इतने में ताबिश और डायवर्ट भी उधर आ पहुँचे। वो आज यहाँ
से एहतमाम के साथ आए थे। अपने जिस्म की बदबू को इस तरह से छुपाया हुआ था कि इब्राहिम और खावन उनकी बदबू को सूंघ ना सके। नताशा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इब्राहिम और मुबर्रा के हमरा स्टेज की जानिब चल रही थी। स्टेज पर जाकर बैठ गई। होटल में बड़े बड़े बिजनेस टाइकोन और मीडिया वाले आए हुए थे। मीडिया शाहमीर और नताशा की मंगनी की कवरेज कर रहे थे। खावर शाहमीर को साथ लिए स्टेज तक पहुंचा। शाहमीर को नताशा के साथ बिठा दिया। शाहमीर ने बैठते ही आस्था से चश्मे बद्दूर कहा, जिसे सिर्फ और सिर्फ नताशा ही सुन सकी। और पास खड़ा खावर, खावर ने सुनते ही शाहमीर के कान में हल्के से दांत मुंह ना तोड़वा ले, चुप करके बैठे रहो कहा। शाहमीर की बात सुनकर नताशा ब्लश करने लगी, मुस्करा कर निगाहें नीचे कर ली। मंगनी की रस्म का आगाज़ किया गया। एक बहुत ही प्यारी मखमल की डिबिया में डायमंड की रिंग खावर ने शाहमीर को थमाई और नताशा को पहनाने के लिए कहा। इब्राहिम ने नताशा को हाथ आगे करने का कहा तो नताशा ने शर्माते हुए हाथ आगे किया, जिसे शाहमीर ने पकड़ लिया और अंगूठी पहना दी। सारा हाल तालियों से गूंज उठा। अभी नताशा को इब्राहिम ने सोने की अंगूठी पकड़ाई, जिसको नताशा ने शाहमीर के हाथ में पहना दिया। एक बार फिर से हाल तालियों से गूंज उठा। फिर सबने बारी बारी आकर नताशा और शाहमीर को तोहफे दिए। कुछ लोग इससे जोड़ी के हक में नेक तमन्नाएं और दुआएं कर रहे थे। कुछ लड़कियों की आंखों में हसद और जलन थी कि शाहमीर उनके हाथों से निकल गया। दूर खड़े ताबिश और डाइवर्ट भी नफरत इंतकाम की आग में जल रहे थे। उन्हें इब्राहिम और खावर की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहुत अच्छा, इसलिए ये इतना अच्छा रहा था इस लड़की के लिए, ये उसका आशिक था। ताबिश ने डाइवर्ट को शाहमीर के बारे में बताया। उछलने दो उछलने दो, एक ना दिन इस लड़की की मौत हमारे हाथों होगी, इसके बाप की भी और इसके इश्क की भी। और वह दिन दूर नहीं जब डाइवर्ट ने नफरत भरे लहजे में कहा। ताबश और डाइवर्ट भी गिफ्ट देने के लिए स्टेज पर पहुंचे। ताबश ने नताशा की जानिब गिफ्ट बढ़ाया और कहा, मुबारक हो छोटी बहन। ताबश और डाइवर्ट को स्टेज पर देखकर शाहमीर के माथे पर बर पड़ गए। उसे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन तमाशा ना बने मीडिया के सामने, इसलिए चुप कर गया। ताबिश ने नताशा के पास खड़े इब्राहिम की जानिब बढ़ते हुए हाथ बढ़ाया और कहा, मैं नताशा का मुँह बोला भाई ताबिश हूँ। मेरे बारे में नताशा ने शायद आपको बताया होगा, जिस पर इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, इब्राहिम ताबिश और डाइवर्ट को देखकर चौंक गया क्योंकि उनकी शक्ल उसे किसी से मुशाबत लग रही थी। ताबिश और डाइवर्ट को देखकर इब्राहिम को उनकी शक्ल किसी से मुशाबा लगी, लेकिन मंगनी के हंगामे में इब्राहिम ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। तोहफे तहाइफ देने के बाद खाना खाया गया। इसके बाद सब आहिस्ता से अपने घरों की जानिब लौट के शाहमीर और नताशा, इब्राहिम, खावर भी इब्राहिम के घर आ गए। शाहमीर, खावर, इब्राहिम लाउंज में बैठकर आपस में बातें करने लगे। नताशा बहुत थक गई थी इसलिए वो अपने कमरे में आराम करने चली गई। आज शाहमीर के नाम की अंगूठी पहनकर नताशा खुशी से सरशार थी। लाउंज में खावर, इब्राहिम और शाहमीर बैठ के आने वाले एक हफ्ते में होने वाली तैयारी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि एक हफ्ते बाद शाहमीर और नताशा की शादी थी। एक हफ्ते के अंदर मेरी गुड़िया यहाँ से रुखसत हो जाएगी, इब्राहिम ने अफसरदा होते हुए कहा, जिस पर खावर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, समझो कि वो अपने ही घर जा रही है। नताशा को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी, तुम्हारा जब दिल करेगा तुम आ जाना, नताशा का जब दिल करेगा वो तुम्हारे पास चली आएगी। अंकल आप भी ज़रा भी टेंशन मत लें, मैं नताशा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, जिस पर इब्राहिम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। दूसरी जानिब नताशा अपने कपड़े चेंज करके सारे गिफ्ट लेकर बैठ गई और पुरजोश अंदाज में इन सबको खोलने लगी। गिफ्ट काफ़ी अच्छे थे। मुबर्रा ने नताशा को एक प्यारी सी घड़ी गिफ्ट की जो कि बहुत ही नफीस और प्यारी थी। नताशा आखिरी वाला तोहफा खोलने लगी, वो तोहफा सबसे बड़ा था। नताशा ने जैसे ही उसका रैपर उतारकर बॉक्स को खोला तो उसकी चीख पूरे घर में आग भर गई, जिसे सुनकर इब्राहिम और शाहमीर भागते हुए नताशा के कमरे की जानिब बढ़े। पीछे खावर भी उनके साथ था। इब्राहिम ने दरवाज़ा खोला तो सामने बेड पर नताशा वहशत से कांप रही थी और जाड़ कुतार रो रही थी। इब्राहिम और शाहमीर आगे बढ़े और इब्राहिम ने आगे बढ़कर नताशा को अपने साथ लगा लिया और पूछा कि बेटा क्या हुआ। नताशा ने कांपते हुए डिब्बे की तरफ इशारा किया। शाहमीर ने आगे बढ़कर देखा तो डिब्बे में किसी लड़की का कटा हुआ सर था, साथ में एक कागज़ पड़ा था। शाह ने आगे बढ़कर उस कागज़ को उठाया और उसको पढ़ने लगा। कागज़ पर लिखा था कि इब्राहिम तुम्हारी बेटी का भी हम यही हशर करेंगे। यह तहरीर पढ़कर शाहमीर ने गुस्से से कागज़ के टुकड़े कर दिए और कहा कि किसकी ये जुर्रत है करने की। और साथ ही शाहमीर की आंखों का कलर चेंज होने लगा, जिस पर खावर ने उसे जल्दी से पकड़ा और कहा कि होश करो, पास नताशा बैठी हुई है, जिसे सुनकर उसने खुद पर काबू पाया। नताशा खौफ के साथ रोई जा रही थी। इब्राहिम को समझ नहीं आ रहा था कि नताशा को कैसे चुप करवाए। शाहमीर ने नताशा से कहा कि तुम रो मत, ये घटिया हरकत जिसने भी किया उसका ज़रूर पता लगवाऊंगा। शाहमीर ने आगे बढ़कर बॉक्स को देखा तो उस पर किसी का भी नाम नहीं लिखा था, वो बगैर नाम के ही नताशा को दिया गया था। अंकल मुझे लगता है मुझे नताशा को ऊपर टेरेस पर लेकर जाना चाहिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं
इसको ऊपर ले जाओ, इसका थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा, शाहमीर ने इब्राहिम की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर उसने इस बात में सर हिलाया और शाहमीर नताशा को लेकर टेरेस की जानिब आ गया। नताशा अब भी खौफ के आलम में थी, जिस पर शाहमीर ने उसे अपने सामने किया, कहा देखो मेरी बात सुनो, आगे जाकर ज़िंदगी में बहुत से नशीब और फराज आएंगे, ये दुनिया बहुत से राजों और वाकयात से भरी ही पड़ी है, अगर ऐसे ही तुम बात बात पर सब कुछ अपने ऊपर हावी करती रही तो सारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, हो सकता है आगे जाकर तुम्हें बहुत कुछ जानना पड़े जिसका तुम्हें दुख भी हो और यकीन तुम्हें यकीन भी ना आए, इसलिए अपने दिल को मजबूत करो। मैं जानता हूँ ये इतना आसान काम नहीं, लेकिन जब मैं और बाबा तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें किसी भी किस्म की टेंशन लेनी नहीं चाहिए। चलो शाबाश, रोना बंद करो, नीचे जाकर सो जाओ, कल हमें अपनी शॉपिंग के लिए भी निकलना है। मीर ने नताशा को प्यार से कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ ताशा कि मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, ना ही तुम्हें मेरी ज़िंदगी में कोई किसी किस्म की तकलीफ पहुँचेगी, तो बताओ बनोगी ना मेरी मजबूत और हिम्मत वाली नताशा, उसने उसकी जानिब देखते हुए पूछा, जिस पर उसने अस्पात में सर हिलाया और आंसू साफ करने लगी। चलो तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं बाहर तुम्हारे बाबा और अपने बाप के साथ बैठा हुआ, ठीक है? जिस पर नताशा नीचे अपने कमरे में चले गए। क्या हुआ नताशा, सो गई? इब्राहिम ने शामिर से पूछा। पता नहीं, मैंने उसको मुतमिन करके कमरे में भेज दिया है, मैंने उससे कहा है कि थोड़ा मजबूत और हिम्मत वाली बनो, आगे आने वाले वक्त में भी तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त। इब्राहिम ने परेशानी से कहा, वही मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले वक्त में इसको एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा, नहीं तो हमें बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? खावा ने नासमझी से इन दोनों की जानिब देखा, जिस पर इब्राहिम ने घूर के कहा, यही बताना पड़ेगा कि तुम्हारा होने वाला ससुर एक गंदा भेड़िया, तुम्हारा होने वाला शोहर एक लफंगा भेड़िया है। जिस पर खावा ने घूर कर इब्राहिम को देखा, जबकि शाहमीर की हंसी छूट गई। अपने बारे में क्या बताओगे कि तुम्हारा बाप एक इंतहाई ढीठ बदतमीज़ मुँह फट और सरपरा भेड़िया है, खावा ने अपना बदला उतारते हुए कहा। जिस पर शाहमीर और इब्राहिम का कहका बुलंद हुआ, आप लोगों को क्या लगता है ये हरकत किसकी होगी? शाहमीर ने संजीदगी के साथ दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, हो सकता है ये हमारे किसी दुश्मन की हो, खावा ने इब्राहिम से पूछा, लेकिन हमने आज तक तो किसी के साथ ना कोई लड़ाई झगड़े किया ना ही कोई दुश्मनी पाली है, इब्राहिम ने खावर को देखते हुए कहा। जो कोई भी है, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार मेरे हाथ आ जाए, शाहमीर ने मुट्ठी बींचते हुए कहा। अच्छा छोड़ो इस बात को, फिलहाल मैं शादी के बाद जाकर होटल के मैनेजर से नताशा की मंगनी की सीसीटीवी की फुटेज ने करवाऊंगा, खावा ने बात समेटते हुए कहा। तीनों शादी की तैयारियों के बारे में डिस्कस करने लगे। शादी की तैयारी में इतने दिन गुजर के पता ही नहीं चला शाहमीर और नताशा दोनों ने मिलकर शादी की शॉपिंग की। आज नताशा की मेहंदी थी, इब्राहिम और खावा ने इब्राहिम के घर के लॉन में सारा सेटअप करवाया था, क्योंकि इब्राहिम का घर बहुत बड़ा था इसलिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त डेकोरेशन की गई थी। सामने ही स्टेज बनाया गया और स्टेज के दरमियान में प्यारा सा लकड़ी का झूला लगाया गया था, जिसको पीले गेंदे के फूलों से सजाया गया था। इब्राहिम नताशा का निकाह आज ही इसकी मेहंदी पर शामिल के साथ करने वाला था। मुबर्रा सुबह से आकर नताशा का सर खा रही थी और दूसरी जाने वाली शामिर का सर खा रहा था कि मुबर्रा के साथ उसकी दोस्ती करवाई। शामिर ने हरी झंडी दिखाते हुए कहा, भाई खुद ही इस तरह के काम करो। सुबह से इब्राहिम हाउस में जोरों शोर से तैयारियां जारी थी। शाम होते ही इब्राहिम हाउस बड़की कमकमों और रोशनी से नहा गया। इब्राहिम का घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। नताशा ने मेहरून और जर्द रंग का लहंगा जेबतन किया हुआ था, दोनों हाथ मेहंदी से भरे हुए थे, दोनों हाथों में गुलाब मोती गुलाब और गेंदे के गजरे पहने हुए थे, फूलों के ही गहने पहने हुए थे। उसे मुबर्रा खुद अपने हाथों से तैयार किया। नताशा अपनी मेहंदी पर बिल्कुल सादा रहना चाहती थी, वो चाहती थी कि उसका निगाह बावजूद सादगी में हो। मुबर्रा ने भी जर्द और हरे रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी, चोटी को बल देकर आगे डाला हुआ था। मुबर्रा भी इंतहाई खूबसूरत लग रही थी, नजर लगने की हद तक प्यारी लग रही थी। दूसरी जानब शाहमीर ने सफ़ेद रंग की कलर वाली शलवार कमीज पहनी हुई थी, गले में खूबसूरत सा जर्द बट्टा डाला हुआ था। शाहमीर की खिलती रंगत पर सफ़ेद शलवार कमीज बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। अली ने भी शाहमीर जैसा ही लिबास एतन किया हुआ था। इब्राहिम और खावर भी शलवार कमीज में बहुत जच रहे थे। इब्राहिम हाउस में काफ़ी चहल पहल थी, रिश्तेदार खवातीन और इब्राहिम खावर के जाने वाले लोग सब वहाँ आ चुके थे। हाल में नकाह का लहदा से सेटअप किया गया था, एक तरफ शाहमीर को बिठाया गया जबकि दूसरी जानी नताशा को बिठाया गया और दरमियान में गुलाब के फूलों का पर्दा लगा दिया गया। नकाह खान ने नकाह शुरू किया, नताशा की जानब से इजाबा कबूल के बाद शाहमीर से पूछा गया, शाहमीर वल्द खावर, शाहमीर क्या आपको नताशा वल्द इब्राहिम से नकाह कबूल है? शाहमीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कबूल है दिलो जान से कबूल है। साथ ही मुबारकबाद का शोर उठ गया, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बेटे, खावा ने शाहमीर को गले लगाकर मुबारकबाद दी। मुबारक हो मेरा दोस्त शहीद हो गया, अली मजाक उड़ाते हुए शाहमीर के गले लगा। मुबारक हो बेटा, इब्राहिम ने आंसू भरी आंखों से शाहमीर के गले लगकर कहा, जिस पर शाहमीर ने उन्हें हौसला दिया। मुबारक हो बहुत बहुत मुबारा ने नताशा के गले लगकर कहा और बोली, आज हमारी दोस्त पराई हो गई। मुबारक की आंखों में आंसू आ गए, नताशा की आंखों से भी बहने लगे। इब्राहिम नताशा को मिलने के उसके पास आया और इब्राहिम को देखते ही नताशा अपना जब्त खो बैठी और इब्राहिम के साथ लग के रोने लगी। बाबा मैं आपको बहुत मिस करूंगी, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं और तुम मेरी दुनिया की सबसे प्यारी बेटी हो। इब्राहिम भी
आंसू लिए नताशा को साथ लगाते हुए बोला। वहाँ मौजूद लोग बाप बेटी का प्यार देकर अश्कबार हो गए। शाहमीर बाहर लगे लान में जाकर झूले पर बैठ गया, जबकि नताशा को मुबारा और उसकी दूर की कज़न साथ लेते हुए बाहर आ रही थी। पहले की तरह आज भी नताशा बहुत खूबसूरत लग रही थी। शाहमीर को वह किसी जर्द गुलाब की तरह खिली खिली लग रही थी। मेकअप से आड़ी चेहरा उसके चेहरे पर पाकीजगी को बयान कर रहा था। साथ ही कराली नताशा के साथ आती हुई मुबारा को फिर से मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था, जिसे मुबारा अच्छी तरह समझ रही थी। मुबारा ने मगनी वाले दिन के लेकिन नज़रों को और इनमें झलकती पसंदीदगी को नोट किया था, लेकिन अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन आज सुबह से अली उसको बहाने से देख रहा था। मुबारा के दिल में भी अली को देखकर हलचल सी हुई थी। उसे अली बहुत ही प्यारा लगा था और सबसे बढ़कर उसकी नज़रों में छुपी सच्ची मोहब्बत को वो देख पा रही थी। दूसरी जानब अली भी इंतहाई सीरियसता से पहली दफ़ा किसी लड़की को देखते ही पहली नज़र वाली मोहब्बत हो गई, लेकिन वो मुबारा से बात करने से कतरा रहा था कि कहीं वो बुरा ही ना मान जाए। सुबह जब अली इंतजाम देख रहा था, मुबारा किसी काम से बाहर गई, वो बेदयानी में चल रही थी कि सामने से आते हुए अली को ना देख पाई, जोर से उसके साथ टकरा गई। अंत वो नज़र नहीं आता, मुबारा ने बगैर देखते हुए कहा और अपनी नाक सहलाने लगी। लेकिन जैसे ही मुबारा ने सामने देखा तो सामने अली को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। नहीं, अंधा तो नहीं था, लेकिन आजकल किसी को देखकर हो गया हूँ। सुबह शाम उसी की तस्वीर नज़र आती है, अली ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर मुबारा ने कहा, तो जाकर किसी डॉक्टर को चेक करवाएं, आपको नफ्सियाती मसला है। ये कहते हुए वो मुस्कुराहट दबाते वहाँ से चली गई। अच्छा, साढ़े नाल की टू पार्टियाँ, अली ने मुस्कुराते हुए सोचा। जो मर्जी कर लो बीवी, तुम एक भेड़िए की ही बनेगी। अली वहाँ से कहता हुआ चल दिया। और आज भी मुबारा अली की नज़रों को अच्छी तरह समझ रही थी। शर्मा का नज़र झुका गई, जिसे देखकर अली की मुस्कुराहट कह रही। नताशा को लाकर शाहमीर के बराबर बिठा दिया गया। शाहमीर यह सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि आज नताशा उसकी हमेशा हमेशा के लिए होगी। नताशा के बैठते ही शाहमीर को से तंग करने वाली शरारतें सूझने लगी। हम तुमने कसम डाली हुई है मुझे पागल करने की, नहीं मतलब कोई फूल भी लग सकता है, शाहमीर ने तेज़ से नताशा की जानब देखते हुए कहा। हाँ, लगता है जैसे मैं फूल लग रही हूँ और तुम गोभी का फूल लग रहे हो, नताशा ने उसे जवाबी वार करते हुए कहा, जिसे सुनकर शाहमीर हंसने लगा और कहा, अरे वाह भाई, बीवी बनते ही असली रूप में वापस आ गए। फिर सब ने बारी बारी इन दोनों को मेहंदी और उपटन लगाई। रात काफ़ी देर तक फंक्शन चलता रहा। मुबारा 3 दिनों के लिए घर से इजाज़त लेकर नताशा के साथ रहने आई थी। सारे फंक्शन अली मुबारा को तारता रहा और मुबारा कन्फ्यूज़ होती रही, जिसे उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। शाहमीर में बहुत थक गई, नताशा ने शाहमीर से कहा, जिसे पास खड़े इब्राहिम ने सोलिया नताशा मुबारा को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। कमरे में जाकर नताशा और मुबारा ने चेंज किया और दोनों फ्रेश होकर बेड पर लेट गई। नताशा, तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मुबारा ने नताशा से कहा, जिस पर नताशा ने कहा, पूछने की क्या बात है, बताओ क्या हुआ है। जिस पर मुबारा ने अली वाली सारी बात बता दी, जिसे सुनकर नताशा बहुत खुशी और खुशी से चिल्लाते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों ही ये तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों एक ही घर में इकट्ठे रहेंगे। अली के फादर मदर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, इसके बाद अंकल कावर इसके सब कुछ है, वहाँ मेरी पीठ पीछे मोहब्बत में होने लगी, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। नताशा ने मसनूई नाराज़ होते हुए मुबारा से कहा, जिस पर मुबारा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो ऐसे ही ये कहते हुए मुबारा शर्मा गए। जिस पर नताशा ने हंसते हुए कहा, मैं शादी के बाद अंकल कावर से लाजमी बात करूँगी, और आगे बढ़कर उसको गले लगा लिया। इतने में उसका मोबाइल बोलने लगा, पर नाम शामीन का नाम लिखा आ रहा था, जिसे देखकर मुस्कुराते हुए नताशा ने उठाया। अस्सलामुअलैकुम, मोबाइल से शामीर की आवाज़ गूंजी। वालेकुम अस्सलाम, नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो मेरी जोजा मोहतरमा, शामीर ने शरारत से पूछा। आपकी दुआ मोहब्बत से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरे शोहर नामदार, जवाब पर नताशा ने भी शरारत से कहा। जिस पर शामीर ने कहकर लगाया, तुम्हें पता है आज इस दिन के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया था, शामीर ने मोहब्बत बने लहजे में कहा, कल तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, हम दोनों को कभी कोई जुदा नहीं कर सकेगा, इंशाल्लाह, नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। अगले दिन खावर और इब्राहिम मोटर के इंतजाम देखने के लिए सुबह ही रवाना हो गए। वैसे तो उनके पास उन कामों के लिए बहुत सारे मुलाजमीन थे, लेकिन वो दोनों की इकलौती लाद की शादी थी, इसलिए वो दोनों सारे इंतजाम को खुद देख रहे थे। शाम होते ही नताशा और मुबारा सैलून चलेंगी। शाहमीर अली घर तैयार हो रहे थे। नताशा और मुबारा सैलून से आकर ब्राइडल रूम में बैठी बारात का इंतजार कर रही थी। बारात हाल के दरवाजे पर आ गई थी। लड़कियां और बच्चियां फूलों की प्लेट पकड़कर बारात का इस्तकबाल करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। शाहमीर मुगलिया अंदाज की स्किन शेरवानी के ऊपर मेहरून कुल्ला पहना हुआ था, जिसके दरमियान में डायमंड जड़ा हुआ था। शाहमीर बग्घी पर बैठा किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। बग्घी से उतरकर शाहमीर अली और खावर के हमरा शहजादों की आनबान के साथ चलता हुआ हाल के अंदर दाखिल हुआ। लड़कियां और बच्चियां उन पर फूल फेंक रही थी। शाहमीर चलता हुआ स्टेज पर जाकर बैठ गया। शाहमीर के चेहरे और चाल ढाल में एक अजीब किस्म का मगरूर रानापन झलक रहा था, जैसे उसने दुनिया फतह कर ली हो।
दूसरी जानिब नताशा गहरे डीप रेड कलर के टेल लहंगे में, जिसमें रूबी और डायमंड जड़े हुए थे, खूबसूरत सा मेकअप किए हुए किसी मुल्क की शहजादी लग रही थी। नताशा मुबर्रा और अपने बाबा इब्राहिम के साथ चलती हुई स्टेज तक आई। शाह मीर के बराबर में आकर बैठ गई। निकाह तो पहले ही हो चुका था। दूध पिलाई की रस्म मुबर्रा ने की और शाह मीर से पैसे मांगने लगी, जिस पर अली ने कहा हम देते नहीं बल्कि दूसरों को भी ले लेते हैं। इसकी बात का मफहूम समझते हुए मुबर्रा ने नजरें झुकाने, जबकि शाह मीर और खावर में मुस्कराने लगे। रस्में और खाना खाने के बाद दुल्हा और दुल्हन के फोटो सेशन के बाद रुखसती का शोर उठा। नताशा इब्राहिम के गले लगकर रोने लगी, जिस पर इब्राहिम ने उसे तसल्ली दी। उसे पता था कि उसने अपने दिल पर कैसे काबू किया है, लेकिन वो इसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था कि नताशा परेशान ना हो जाए। इब्राहिम ने इसको खुद से अलग किया। नताशा मुबर्रा से मिलकर आगे चलने लगे, भी वो दो कदम ही चली थी कि सारे हाल की लाइट्स बंद हो गई, खूब अंधेरा छा गया, हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। शाह मीर इब्राहिम और काबर गुस्से में आके कहा जल्दी से लाइट ऑन करें। नताशा और मुबर्रा के मुंह पर किसी ने कपड़ा रखा तो वहीं पर बेहोश हो गई। नताशा तुम घबराओ नहीं, लाइट्स अभी ऑन हो जाएंगी, शाह मीर ने नताशा से कहा, लेकिन आगे से कोई जवाब ना पाकर वो परेशान हो गया और दोबारा पुकारा, नताशा क्या तुम मुझे सुन रही हो? इतने में हाल की लाइट्स ऑन हो गई, लेकिन सामने मुबर्रा नताशा को ना पाकर काबर शाह मीर और इब्राहिम के सर पर आसमान टूट पड़े। जिधर नताशा खड़ी थी वहाँ पर नताशा का दुपट्टा और एक चिट पड़ी थी। इब्राहिम ने जल्दी से आगे बढ़कर वो पर्ची उठाई और पढ़ने लगा। इस पर लिखा था, 2 दिन बाद तुम्हारी बेटी की सर कटी लाश तुम्हें किसी जंगल के किनारे से मिल जाएगी और हमारा इंतकाम पूरा हो जाएगा। इब्राहिम सकते के आने में नताशा के दुपट्टे को देखे जा रहा था। शाह मीर ने आगे बढ़कर तहरीर पढ़ी तो उसके सर पर भी क्यामत टूटी। कहा मैं नताशा के साथ हसीन सपने सजाए बैठा था, लेकिन उसकी खुशियों को नज़र लग गई। शाह मीर का गुस्सा आसमान को छू गया। कितने कुत्ते की मौत मारूंगा, तुम जो कोई भी हो तुम ये नहीं जानते तुमने किसकी बीवी पर हाथ डाला है। अब असल में शाह मीर का असली रूप सामने आएगा कि वो कितना बड़ा खतरनाक खूंखार दरिंदा है। शाह मीर गुस्से से पागल हो रहा था कि उसकी इज्जत की को उसके सामने कोई ले गया। नताशा की हालत लम्हा लम्हा गैर होती जा रही थी, उसका सारा जिस्म सफ़ेद पड़ने लगा। शाह मीर खबर की बात सुन हो गए, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि वो जानता था कि बेड़िया बनने के दौरान नताशा को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी और वह इंसान नहीं रहेगी, जिससे नताशा टूट जाएगी या उस पर गहरा असर होगा। कुछ करो शाह मीर, मेरे हमारे पास वक्त बहुत कम है, नहीं तो नताशा भी एक वैम्पायर में तब्दील हो जाएगी। शाह मीर इब्राहिम की जानब देख रहा था, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुबर्रा भी नताशा की हालत देखकर रो रही थी, जबकि अली पास खड़ा परेशान खड़ा था। मुझे माफ़ करना नताशा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, शाह मीर ने नताशा से कहा जो कि बेहोश थी। शाह मीर ने दिल पर पत्थर रख के जहाँ नताशा को वैम्पायर ने काटा था वहाँ पर उसको काट कर उसका खून चूस लिया। खून चूसते ही नताशा का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सफेदी से ठीक होने लगा। नताशा के जिस्म को झटके लगने लगे। इब्राहिम ने मंजर देख नहीं सका, उसने दूसरी जानी मुंह कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि अब नताशा को बहुत तकलीफ होने वाली है। शाह मीर भी दूर खड़ा आंसू बहा रहा था। अचानक नताशा की आँखें खुली और चीखें मारने लगी। तकलीफ के बस नताशा की चीखें पूरे गाड़ में गूंज रही थी और उसके जिस्म को मुसलसल झटके लग रहे थे। कोई 10 मिनट तक नताशा दर्दनाक तकलीफ में रही। इसके बाद देखते ही देखते वो भी एक बेड़िया बन गई, जिसकी चिंगार पूरे गाड़ में गूंजी। खावर इब्राहिम शाह मीर मुबर्रा और अली दुख भरी नज़रों से नताशा को देख रहे थे। नताशा दोबारा अपने असली रूप में आई ज़मीन पर बैठ कर रोने लगी। सब भागकर उसके पास गिरे से तसली देने लगे, लेकिन वो मुसलसल रोई जा रही थी। बाबा ये मुझे क्या हो गया, नताशा ने इब्राहिम की जानिब देखकर कहा, जिस पर इब्राहिम ने उसको सीने में बींच लिया। बेटा तो बचाने का यही रास्ता था, तुम जानती हो कि ड्राइवर ने काट लिया था, अगर तुम्हें ना बचाते तो तुम भी उनकी तरह एक आदमखोर वैम्पायर बन जाती। जिसे सुनकर नताशा को कुछ तसल्ली हुई कि लोगों को मारने से अच्छा है कि वो सारी ज़िंदगी इस तकलीफ के साथ गुजारे। अब वो एक अशरफुल मखलूकात नहीं रही बल्कि बेड़िया बन गई है। शाह मीर बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन नताशा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि कुछ नहीं होता, शायद इसी में हमारी भलाई हो, जिस पर वो मुस्कुराने लगा। अली ने मुबर्रा के कान में कहा कि देख लो, अब तो सारा खानदान ही बेड़िया बन गया है। मैं सोच रहा हूँ लगे हाथ मैं भी काट लूँ ताकि तुम भी फैमिली में शामिल हो जाए। जिस पर मुबर्रा ने कहा, खुदा का वास्ता है, कौन यकीन करेगा कि इतना बड़ा बिजनेसमैन और उनका खानदान बेड़िया है। नहीं भाई, मैं इंसान ही ठीक हूँ, मुबर्रा ने हंसते हुए कहा। चलो इब्राहिम, हमें चाहते तो हम अपनी बेटी को रुखसत करके लेके जा रहे हैं, खावर ने इब्राहिम से कहा, जिस पर वो हंसने लगा। कहाँ ले जो तुम्हारी इमानत है, शाह मीर और नताशा अभी तक शादी वाले कपड़ों में थे। गिला था बात थी कि दोनों की हालत अच्छी खासी ख़राब और रफ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी दोनों मुस्कुराने लगे। शाह मीर ने कहा, चलो न्यू बेरंजी, जिस पर नताशा ने बहुत बुरा मुँह बनाकर कहा, एक मिनट ये कौन सा फजूल लफ्ज़ बोला है। शाह मीर, मैं तुम्हारा मुँह तोड़ के रख दूँगी अगर तुमने आइंदा मेरा नाम बिगाड़ा तो। हाँ तो सही कहा है, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ। एक मिनट ये कौन सा फजूल लफ्ज़ बोला है। शाह मीर, मैं तुम्हारा मुँह तोड़ के रख दूँगी अगर तुमने मेरा नाम बिगाड़ा तो। हाँ तो सही कहा है, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ।
मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ, मैं कह रही हूँ मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। नताशा ने ज़मीन से पत्थर उठा लिया। चचा मजाक कर रहा था, मीर ने डरने की एक्टिंग की। माशाल्लाह तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है, खरांट और लड़की खरांट और लड़ाकी, खावर ने इब्राहिम से कहा। और अल्लाह के फजल के साथ तुम्हारा बेटा भी तुम पर ही गया है, जैसे तुम गंदे बेड़िए वैसे तुम्हारा नालायक बेटा भी गंदा बेड़िया। मैं अब तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने फिर से ये लफ्ज़ कहा, खावर ने इब्राहिम से कहा। तुम हाथ ज़रा हाथ तो लगाओ, तुम्हारा हाथ तोड़कर दूसरा हाथ में दे दूंगा। इब्राहिम भी खावर के साथ शुरू हो गया, आप दोनों फिर से शुरू हो गए। शाहमीन ने इब्राहिम और खावर से कहा, जिसे सुनकर वो दोनों हंसने लगे। आप लोग लड़ते रहो, हम घर जा रहे हैं। शाहमीन ने सबसे कहा, चलें ऐसा करते हैं, हम सब लोग रूप बदल कर बेड़िया बनकर जंगल से रोड तक अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं। आज नताशा की भी रफ्तार चेक करेंगे कि बेड़िया बनकर वो कितना तेज़ भाग सकती है। शामी ने सबसे कहा, जिसको सबने पसंद किया, तुम सब लोग बेड़िए हो तो मैं क्या करूं, मैं कैसे भागूंगी। मुबरा ने कमर पर हाथ रखते हुए गुस्से से कहा, जिसे सुनकर सब ऊँची आवाज से हंसने लगे। तुम्हारी शक्ल से तो ऐसा लगता है कि तुम भी वैम्पायर्स के खानदान से हो, तुम उड़कर आ जाना। अली ने उसको छेड़ते हुए कहा, तंग नहीं करो बच्ची को। खावर ने अली को डांटते हुए कहा, मुबरा तुम अली के साथ जंगल से बाहर गाड़ी तक आ जाना, हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। वैसे भी हमें इस फजूल इंसान की ज़रूरत नहीं है, शामी ने अली की तरफ देखते हुए कहा। जिस पर अली ने एक्टिंग करते हुए कहा, वाह दोस्त वाह, बीवी आई नहीं कि तुमने तो तेवर ही बदल लिया। अभी से यह हाल है, देखें अंकल खावर आपका लड़का हाथ से निकल जाएगा। मैंने जूता उतार कर तुम्हारे मुंह पर मारा, फजूल बकवासियात में तो तुमने पीएचडी कर रखी है। शामी ने अली से कहा, क्या सारी रात हम यहाँ लड़ते रहेंगे, नताशा ने उकता कर कहा। चलो चलते हैं, इब्राहिम ने कहा। फिर चारों ने रूप बदला, शामीर नताशा खावर इब्राहिम बेरिया के रूप में जंगल की जानब दौड़ पड़े। सबसे ज़्यादा आगे शामीर, दूसरे नंबर इब्राहिम, खावर और एंड पर नताशा थी। नताशा को अभी सब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आज उसका पहला दिन था। खैर चारों भागते हुए गाड़ी की जानब आ गए। शामीर नताशा का चेहरा उतरा, शाहमीन ने नताशा को चेहरा उतरा हुआ देखा और कहा कि आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगे। जिस पर नताशा मुस्कुराने लगी। वो लोग अली मुबारक का इंतजार करने लगे तो सब गाड़ी में बैठकर घरों को रवाना हो गए। इब्राहिम नताशा को मिलकर अपने घर वापस आ गए। मुबारक को उन्होंने इसके घर ड्रॉप कर दिया। शाहमीन और नताशा को घर छोड़कर अली और खावर मीडिया को संभालने के लिए चले गए। उन्हें जाकर ये बताया कि किसी पार्टी ने बदला लेने के लिए नताशा को अगवा किया था, वो लोग इन्हें कायदे से घर वापस ले आए। शाहमीन नताशा को अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ कमरे में आया। शामीर दरवाज़ा खोलकर शामीर नताशा को अंदर ले आया। नताशा ने कमरे में निगाह डाली, उसे कमरा किसी बादशाह की ख्वाबगाह लग रहा था। जहाज़ी साइज का बेड, बाड़ी पर्दे, शामीर के कमरे की खिड़की की सारी कलेक्शन ब्लैक कलर की थी जो कि बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। शामीर ने नताशा को बेड पर बिठाया, इसका सारा कमरा फूलों से महक रहा था। शामीर के कमरे की सारी ज़मीन फूलों से ढकी हुई थी। तुम फ्रेश हो लो, मैं साथ वाले कमरे में फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, शामीर ने मुस्कुराते हुए कहा, नताशा से कहा, जिस पर वो सर हिलाकर चली गई। आधे घंटे बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली। शामीर पहले से ही फ्रेश होकर उसका इंतज़ार कर रहा था। नताशा शामीर के पास जाकर बैठ गई। शामीर ने नताशा के मेहंदी लगे हाथों को चूमकर आँखों के साथ लगाकर कहा, तुम नहीं जानती तुम्हारे मीर ने इस दिन के लिए कितना इंतज़ार किया है। नताशा ने मुस्कुराकर आंखें झुका ली। तुम्हें पता है जब तुम्हें इस खबीस में एम्पायर ने काटा तो मुझे एक पल के लिए लगा कि मेरा सब कुछ इस दुनिया से ख़त्म हो गया है। मेरा दिल बंद होने वाला था, मुझे लगा मैंने सब कुछ खो दिया है। और इसके बाद मुझे तुम्हारा बेड़िया बनने के बारे में पता चला तो मेरा दिल और भी डूब गया। लेकिन मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बचानी थी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे, नताशा ने कहा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बार बार ये बात दोहराकर खुद को अजियत मत दो। ये थके हुए डायलॉग्स मारना बंद करो, मुझे मेरा गिफ्ट दो, मुँह दिखाई किधर है। नताशा ने भूमि उठाकर कहा, जिस पर शामीर हंसने लगा। शामीर ने पॉकेट से एक लंबी सी डिबिया निकाली और उसे खोलने लगा। उसमें से एक बहुत ही प्यारा नफीसा डायमंड का पेंडेंट निकला जिस पर MN लिखा हुआ था। एक बहुत ही प्यारा और सिंपल सा ब्रेसलेट था जो डायमंड से चमक रहा था। आगे बढ़कर नताशा के गले में पेंडेंट डालने लगा। उसे क्या चाहिए कि जो मर्जी हो जाए, उसे अपने गले से जुदा मत करना, इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत शामिल है। इसके बाद ब्रेसलेट उसके हाथ में पड़ा। नताशा के गाल पर बहुत सा दिए जिससे ब्लश करने लगे, जिसके गाल सुरख हो गए। शामीर ने देखकर नताशा को छेड़ते हुए कहा, ओए मेरा बेड़िया शर्मा रहा है। नताशा को सीने से लगा लिया। नताशा मैं तुम्हें कुछ देखना दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। नताशा ने ना समझी से उसको देखा तो मीर उसका हाथ थाम कर कमरे से बाहर ले गया। उसे एक बंद कमरे के सामने ले गया, उसका लॉक खोलने लगा। लॉक खोलकर उसका हाथ पकड़ कर अंदर ले गया। कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। मीर ने साइन बोर्ड से बटन दबाया जिससे पूरा कमरा रोशन हो गया। नताशा कमरे को देखकर हैरान रह गई क्योंकि वो एक खाली कमरा था लेकिन उसकी सारी दीवारें नताशा की तस्वीरों से भरी हुई थी। नताशा के पैदा होने से लेकर बचपन की रत तक की सारी तस्वीरें बड़ी बड़ी करके शामीर ने दीवारों पर लगाई हुई थी जिसे देखकर नताशा हैरान होने लगी। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, नताशा ने दिल में सोचा और उसकी आंखों में आंसू आ गए जिसे शामीर ने उंगलियों के साथ चुन लिया और कहा कि आइंदा तुम्हारी आंखों में ही आंसू ना देखे, तुम्हारे आंसू मेरे दिल को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। नताशा को लेकर कमरे में आया और कहा कि जो चीज़
जो मेन चीज़ है वो तुमने देखी ही नहीं। दीवार के पास एक बहुत ही बड़ा फोटो स्टैंड पड़ा हुआ था जिस पर सिल्क का कपड़ा पड़ा हुआ था। शामीन ने नताशा से कहा इस पर कपड़े को हटाना। नताशा ने आगे बढ़कर कपड़ा हटाया तो देखकर दंग रह गई। नताशा की बहुत ही प्यारी तस्वीर को स्केचिंग के साथ बनाया गया था। नीचे लिखा था शामीर ये तुमने बनाया है उसने शामीर से पूछा, जिस पर उसने अस्पताल में सर हिलाया के कहा यह एक मेरा छुपा हुआ टैलेंट है। नताशा ने आगे बढ़कर उसको गले लगाया और कहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ, मैं तुम मेरी ज़िंदगी में आया हो वो तुम्हें अभी बताता हूँ। नताशा को उठाकर कमरे में ले गया। अगले दिन उनका वलीमा बहुत धूमधाम से, वो सब बहुत खुश थे। वलीमे में वो बर्रा के घर वाले भी शामिल हुए। खावा ने उधर ही अली से अली के रिश्ते की उनसे बात की। उन्हें बड़ा क्या इतराज़ हो सकता था, वो आगे ही एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हुए उन्हें बखुशी कबूल कर लिया। आज नताशा ने आज पिस्ता टी पिंक कलर की कम्बिनेशन में मैक्सी पहनी थी, जबकि शामीन ने रॉयल ब्लू कलर का पैंट कोट पहन रखा था। रिश्ता पक्का होने के बाद अली बार बार उसको तंग कर रहा था, जिससे तंग आकर मैं नताशा के पास जा खड़ी हुई। अली वहाँ भी उसे तंग करने के लिए आ गया। ये किस कार्टून के साथ मेरी शादी करने जा रही है, मैं बड़ा नताशा से कहा, जिस पर वो हंसने लगी। कार्टून नहीं बहना, बेरिया कहो बेरिया, शामी ने बीच में अपना लुकमा दिया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम इंसान हो, अली ने शामीर से कहा। दफा हो तुम लोग, 24 घंटे लड़ते रहते हो, मुबरा ने गुस्से से कहा और वहाँ से चली गई। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। दूर खड़े खावा ने इब्राहिम से कहा शुक्र है खुदा का सबसे सब अच्छे से हो गया, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी होगी। खुदाए दोनों तो मुझे तंग करके रख दिया। नताशा थक कर सोफे पर बैठ गई, जबकि दोनों बच्चे हंसते हुए बाहर भागे और वापसी उनकी शामिल के कंधों पर बैठकर शामिल नताशा की हालत देखकर हंसने लगा और कहा कि अच्छी बात है, अपने बाबा का बदला मेरे बच्चे अपनी अम्मा से अच्छे से लेते हैं जी, बस भी कर जाओ शामिल। मेरा ये अभी ये 2 साल के हैं दोनों, मगर इन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा है। कब से इन्हें खाना खिलाने की कोशिश कर रही, लेकिन उन्होंने पूरे घर में मेरी दौड़ें लगवाई हैं। शामिर और नताशा के घर ट्विंस पैदा हुए थे, जिनका नाम उन्होंने जबल और खबल रखा था, जबकि अली मुबर्रा के घर नन्नी मुन्नी बच्ची पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने पलवशा रखा था। मुबर्रा और नताशा एक ही घर में रहती थी, उनका आपस बहनों से ज़्यादा प्यार और सलूक था। इधर आओ मेरे शहजादे, शामिर ने नताशा के पास बैठते हुए अपने दोनों बच्चों को गोद में बिठाया और कहा शैतानो मामा को तंग मत किया करो। वो दोनों हंसने लगे। नताशा मीर नताशा को देखकर मोहब्बत से मुस्कुराने लगा और उसका शुक्रिया अदा करने लगा और कहा नताशा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम मेरी ज़िंदगी में यार मेरे लिए 2 फूल तुमने पैदा किए। रही बात उनके मुस्तकबल की, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े होकर समझ जाएंगे कि ये दोनों बेड़िए हैं। खत्म शुद्ध।